तो ये दोनों ले लो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। We are going to discuss the test of science and values, science और अखलाक, साइंस और हमारे मैच्योर रस्म रिवाज, रहन सहन, खान पान। और इस ऐसे को लिखा है जनाब बर्ट्रैंड रसल। He was the philosopher of 20th century, the mathematician as well. Now he is talking about the world. He is not talking about the nation. He is talking about the world. मैं कहता हूँ रसल डाइनफ, रसल काफी है। इसमें जितने भी व्यूज हैं उसका मेरी जात से कोई कंसर्न नहीं है, मेरी अपनी आइडियोलॉजी से कोई कंसर्न नहीं है। जस्ट वो एक्सप्लेनेशन है, उसमें जो भी आइडियाज हैं वो सारे के सारे रसल के हवाले से और उसी की एक्सप्लेनेशन की जाएगी। उसे मेरी जाती राय नहीं है, एक्सप्लेन करने की हद तक है, एग्जाम्पल की हद तक है। लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करेंगे हम इसकी। देयर आर टू एंशिएंट इविल्स, रसल कहता है दो कदीम बुराइयां हैं, दैट साइंस अनवाइजली यूज, जो साइंस के अहमकाना इस्तेमाल की वजह से में इंटेंसिफा शिद्दत पकड़ गई है। दो कदीम बुराइयां हैं जो साइंस के अहमकाना इस्तेमाल की वजह से शिद्दत पकड़ गई हैं, ज्यादा हो गई हैं। कौन दो बुराइयां? दे आर टायरनी एंड वॉर, एक है जुल्म और दूसरा है जंग। ये कदीम बुराइयां हैं और साइंस के अनवाइज इस्तेमाल की वजह से ये ज्यादा हो गई। कौन कौन सी दो बुराइयां? टायरनी एंड वॉर। But I am concerned now rather with present possibilities. लेकिन यहाँ इस ऐसे में मैं खुशगवार इम्कानात की बात करूँगा, मैं मायूसियों की बात नहीं करूँगा, मैं बेहतरीन और खुशगवार चीजों की बात करूँगा। आपके मीडिया पर जो बातें की जाती हैं, जो न्यूज सुनाई जाती है, सारी की सारी वो सुनाई जाती है जिससे आप डिप्रेस हो जाए, डिसमे हो जाए, उदास हो जाए, परेशान कुन होती है। प्रेजेंट चीजें नहीं बताई जाती कि कैसे क्योर होगा, कैसे ये चीजें हल होंगी। यहाँ पर राइटर कहता है कि मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आपको डरा देना, आपको परेशान कर देना उन बुराइयों का जिक्र करके, बल्कि मैं प्रेजेंट चीजों के बारे में बात करूंगा, प्रेजेंट चीजों के बारे में बात करूंगा। मेरा ताल्लुक उन पॉसिबिलिटीज के साथ है जो प्रेजेंट है। वो कौन सी है? देन विद अनप्लेजेंट वंस, बजाय इसके कि मैं नाखुशगवार बातें करूँ, मैं नीचे जो ऐसे डील करने जा रहा हूँ उसमें मैंने प्लीजेंट प्लेजेंट बातों के बारे में डिस्कस करना है, प्लेजेंट इम्कानात के बारे में डिस्कस करना है, ना कि अनप्लेजेंट के बारे में। इस पैराग्राफ में राइटर ने कहा है दो कदीम बुराइयां हैं, एक है जंग और दूसरी है जुल्म। लेकिन यहाँ मैं अनप्लेजेंट के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं प्लेजेंट चीजों के बारे में बात करूंगा। साइंस कैन कंफर्म टू काइंड्स ऑफ बेनिफिट, साइंस दो तरह के बेनिफिट दे सकती है। इट कैन डिमिनिश बैड थिंग्स, ये बुरी चीजों को रोक सकती है, एंड इट कैन इंक्रीज गुड थिंग्स, और ये अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है, बुराई को कम कर सकती है, अच्छाई को बढ़ा सकती है। लेट अस बिगिन विद द फॉर्मर, आओ हम बात शुरू करते हैं पहली बात से। पहली बात क्या है कि साइंस जो है वो बुराइयों को कम कर सकती है। दो बातें की है ना, एक बुराइयों को कम कर सकती है साइंस, और दूसरा गुड थिंग्स को बढ़ा सकती है। तो पहली बात क्या है? बुराइयों को खत्म कर सकती है। बेटा कंसंट्रेशन करेंगे तो पता चलेगा क्या कह रहे हैं। देखेंगे हम पहली बात से, अव्वल जिक्र से बात शुरू करते हैं। अव्वल जिक्र क्या है, पहली बात क्या है? आप बता रतन।
बुराई खत्म कर सकती है कौन? साइंस। साइंस कैन अबोलिश पॉवर्टी। पहली बुराई है गुर्बत। साइंस गुर्बत को अबोलिश खत्म कर सकती है। एंड एक्सेसिव आवर्स ऑफ लेबर, और काम के ज्यादा औकात को कम कर सकती है, काम के घंटों को कम कर सकती है। इंसान को थोड़ी देर के लिए काटना पड़ेगा। साइंस पॉवर्टी खत्म कर सकती है और लेबर को, लेबर के घंटों को, औकात को कम कर सकती है। एंड अर्लीस्ट ह्यूमन कम्युनिटी, और शुरू शुरू की इंसानी बस्तियों में, आगाज में जो इंसानी बस्तियां थी वहां पर, बिफोर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के आने से पहले जो कदीम बस्तियां थी, ईच ह्यूमन इंडिविजुअल रिक्वायर टू और मोर स्क्वायर मील, हर इंसान को दो या उससे ज्यादा स्क्वायर मील्स टू सस्टेन लाइफ, उसे भरपूर गिजा की, खानों की जरूरत होती थी जिंदगी को कायम रखने के लिए। स्क्वायर मील्स अच्छे खाने। एग्रीकल्चर सिस्टम के आने से पहले तमाम दर बस्तियों के बाशिंदों को दो खानों की जरूरत होती थी बस। उन्हें अपनी जिंदगी कायम रखने के लिए क्या करना पड़ता? सिर्फ दो खाने खाने पड़ते या तीन खाने खाने पड़ते थे, ये जरूरियात थी। सब्सिस्टेंस जिंदगी वॉज प्रिकेरियस, जिंदगी प्रिकेरियस थी, पुरखतर थी, खतरनाक थी। एंड डेथ फ्रॉम स्टार्वेशन मस्ट हैव बीन फ्रीक्वेंट, और भूख की वजह से मौत बहुत ज्यादा पाई जाती थी। इंसान को जरूरत दो खानों की थी, लेकिन फिर भी भूख की वजह से लोग मर जाया करते थे। जिंदगी में खतरा बहुत ज्यादा था। एट दैट स्टेज मेन हैड द सेम मिक्सचर ऑफ मिजरी, और उस स्टेज पर इंसान के ऐसे ही मिजरी, दुख एंड केयर फ्री एंजॉयमेंट, इंसान के पास केयर फ्री एंजॉयमेंट और दुखों का एक मलगूबा था। इंसान की जिंदगी मिक्सचर थी दो चीजों का, एक तो बेफिक्री वाली खुशियां थी उसके पास, और दूसरा उसके पास दुख थे, इसका कम्बिनेशन था। बेफिक्री वाली खुशियां कौन सी है कि किसी को नुकसान पहुंचा कर भी खुशी गेन कर ली जाती थी, उसकी फिक्र नहीं की जाती थी कि मैं तो खुशी गेन कर रहा हूं लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है। अगर एक शख्स को जन्नत मिल रही है और दूसरे का नुकसान भी हो रहा है, ही इज हैप्पी, तो ये भी तो गलत हो जाएगा ना। ये बेफिक्री वाली खुशी है उसकी, बेफिक्री वाली खुशी है उसकी। तो उस वक्त एंशिएंट बस्तियों में एग्रीकल्चर के आने से पहले इंसान की जिंदगी मिक्सचर थी मिजरीज का और केयर फ्री एंजॉयमेंट का। एज स्टिल मेक्स ऑफ द लाइव्स ऑफ अदर एनिमल्स, जिस तरह की आज हमने दूसरे जानवरों की जिंदगी को बना रखा है, उस वक्त इंसानी जिंदगी भी ऐसे ही थी, खुशियों और दुखों का कम्बिनेशन थी। जिस तरह के आज हमने जानवरों की जिंदगी को बना रखा है, आज हमारे यहाँ जानवरों की जिंदगी भी दुखों का और केयर फ्री एंजॉयमेंट का कम्बिनेशन है। या सिंपल से यू करें, पिछले दौर के अंदर एक कुछ जोरदार हाकिम किस्म के कबीले थे जो दूसरों को मारते थे और दूसरों की जिंदगी को उन्होंने महकूम बना रखा था, अपने पास कैद कर रखा था। जिस तरह आज हमने जानवरों की जिंदगी को कैद कर रखा है, उनसे मुख्तलिफ किस्म के काम लेते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर वॉज अ टेक्निकल एडवांस ऑफ द सेम काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस। एग्रीकल्चर इसी तरह की एक फनी तरक्की थी, टेक्निकल एडवांस एक फनी तरक्की थी, इतनी ही अहमियत रखती थी एज अटैच टू मॉडर्न मशीन इंडस्ट्री। जिस तरह आजकल के दौर की मशीन इंडस्ट्री अहमियत रखती है, जिस तरह आज के दौर में इंडस्ट्री अहमियत रखती है, कदीम दौर में एग्रीकल्चर भी ऐसी ही तरक्की का नाम था, ऐसी ही चीज थी। कदीम दौर में साइंसी टेक्निक एग्रीकल्चर आया, 19वीं सदी में क्या आया? इंडस्ट्रियलिज्म आया।
The war that agriculture was used is an awful warning to our age. The war, वो रास्ता जो एग्रीकल्चर ने इस्तेमाल किया, ये एग्रीकल्चर को जिस रास्ते से इस्तेमाल किया गया, is an awful warning. वो एक बहुत बुरी दहशतनाक किस्म की वार्निंग थी टू अवर एज, हमारे दौर को. एग्रीकल्चर सिस्टम आया, ये सैंतीस रखी थी, लेकिन एग्रीकल्चर सिस्टम को इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि वो हमारे दौर के लिए खतरा बन गया, दहशतनाक कोई चीज बन गए. एक इंट्रोड्यूस स्लेवरी और इसने मुतारक कराई स्लेवरी. आप बताएंगे बेटा मुझे से क्या मुराद है एग्रीकल्चर? शुक्र है मैं कि सेल नहीं कह रही, केक से मुराद है सेल. सेल समझते हैं ना, ब्रिक्स. इट इंट्रोड्यूस स्लेवरी और एग्रीकल्चर सिस्टम ने इंट्रोड्यूस कराया स्लेवरी को, गुलामी को, एंड सर्फडम, मजारा की. मजारे कहते हैं वो गुलाम जो खेतों पर काम करते हैं, वेरी सिंपल. और दूसरे गुलाम तो शायद डेली बेसिस पर हो सकते हैं, लेकिन ये गुलाम हमेशा हमेशा उन्हीं के खेतों में रहते हैं, वहीं बच्चे पैदा करते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं काम करते हैं. ये मुजेरे कहते हैं. हम हमारे यहाँ आज भी है ये जी, हमारे खेतों में मुजेरे हैं. हम कहते हैं वो हमें सरदार कहते हैं, गोदा कहते हैं, जनाब कहते हैं, मलिक कहते हैं. सर्फडम इंट्रोड्यूस कराया किसने? एग्रीकल्चर सिस्टम, ह्यूमन सेक्रीफाइस. और उसने एग्रीकल्चर सिस्टम ने इंसानी कुर्बानी को इंट्रोड्यूस कराया. इंसानी कुर्बानी इंट्रोड्यूस हुई कैसे? बच्चों की बलि दी जाती थी जमीन की जरखेजी के लिए. एब्सोल्यूट मोनोरेक्शन और एब्सोल्यूट मुकम्मल तौर पर जागीरदारी के निजाम ने जन्म लिया. मोनोरेकी जागीरदारी एंड लॉर्ड वॉर्स और बड़ी बड़ी जंगों ने जन्म लिया. राइटर ने बताया है कि एग्रीकल्चर एक ऐसी तकनीक थी, इसके आते ही इन मसाइल ने जन्म लिया है. उसने पॉवर्टी, ह्यूमन सेक्रीफाइस, स्लेवरी और एब्सोल्यूट मोनोरेकी और बड़ी बड़ी जंगों ने जन्म लिया. इंस्टेड ऑफ रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जिंदगी का ओवरऑल स्टैंडर्ड बेहतर होने की बजाय, जिंदगी का ओवरऑल स्टैंडर्ड बेहतर होने की बजाय, एक्सेप्ट फॉर अ टाइनी गवर्निंग मिनिस्ट्री, सिवाय छोटी सी हुक्मरान, छोटे से हुक्मरान तबके के अलावा, यानी कि छोटे से जो हुक्मरान तबका था, छोटा जो हुक्मरान तबका था उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हो रहा था, लेकिन वैसे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर नहीं हुआ. बजाय इसके कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर होता, हाँ सिवाय हुक्मरान तबके के, इट मेरली इंक्रीज द पॉपुलेशन. तो एग्रीकल्चर सिस्टम की वजह से पॉपुलेशन बढ़ी है, आबादी बढ़ी है. जब हुक्मरान तबका आ गया, लैंड लॉर्ड तबका आ गया, फ्यूडल तबका आ गया, उनके पास तो पैसे आ रहे हैं, उनके पास तो खाने पीने को अच्छा आ रहा है, तो वो फैसिलिटीज परचेज कर रहे हैं, वो तो बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो गुलाम और मुजहरे होते जा रहे हैं. तो ज्यादा तादाद मुजहरों की है, और मुजहरे जो उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, तो उनके पास इंटरटेनमेंट का एक ही तरीका है और वो ये है बच्चे पैदा करना. तो ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ी है. तो ज़राअत के आने से, राइटर कहता है, ज़राअत के आने से ज्यादा नुकसान हुआ है. चंद एक फैमिलीज को फायदा हुआ, ज्यादा नुकसान हुआ. इसने महज पॉपुलेशन में इजाफा किया है. ऑन द होल इट प्रोबेबली इंक्रीज द सम ऑफ ह्यूमन मिजरी, और मैं ये कहूंगा ओवरऑल प्रोबेबली शायद इंक्रीज बढ़ी है, द सम ऑफ ह्यूमन मिजरी, इंसानी दुखों का हुजम बढ़ा है. ओवरऑल ज़राअत के आने से इंसानी दुखों का हुजम बढ़ा है, यानी कि इंसानी दुख ज्यादातर बढ़े हैं. पाकिस्तान के अंदर इतने अच्छे से काम हो रहा है, सिर्फ 20 या 25 फैमिलीज ही फ्लोरिश करने बेहतर हो रही है ना, बाकी लोगों का स्टैंडर्ड तो नीचे जा रहा है. सेम इज द केस
when the agriculture system came over there. Clear? Okay, देते बिस्किट जो है सारे उसी के देते हैं बिस्किट परसों लोग It is not impossible that industrialism may take the full course. इसमें कोई शक नहीं कि industrialism भी उसी रास्ते पर चल पड़े किस रास्ते पर एग्रीकल्चर के रास्ते में एग्रीकल्चर जब आई थी तो क्या ज्यादा नुकसान हुआ है तो हो सकता है इंडस्ट्रियलिज्म के आने से भी ज्यादा नुकसान हो गया आई थिंक दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट है ना ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही तकरीबन सारे सेम है डोंट बी वरी मैंने पहले से कंसेप्ट इसीलिए कुछ क्लियर किए आपसे ताकि आपको ये पढ़ने में आसानी रहे फॉर्चुनेटली कुछ किस्म के थे हाउएवर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म हैज ये कुछ किस्म की है कि इंडस्ट्रियलिज्म के आने के साथ ही इंडस्ट्रियलिज्म की ग्रोथ के साथ ही उसकी हम असर इन द वेस्ट वेस्ट में विद द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी भी साथ आ गई उसकी हम असर होकर पिछले पैराग्राफ में राइटर ने क्या कहा राइटर ने मैं शुरू से अगर बात करूँ राइटर ने कहा कि साइंस जो है उसका वाइज इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा अनवाइज इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा एग्रीकल्चर सिस्टम आया था वो अनवाइज इस्तेमाल था एग्रीकल्चर सिस्टम के आने से ही उस एग्रीकल्चर सिस्टम था तो साइंसी टेक्निक लेकिन जिस अंदाज में इस्तेमाल किया गया उससे नुकसान हुआ सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ी है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर नहीं हुआ थोड़े से लोगों का हुआ देखना ख्याल करना क्या इंडस्ट्रियलिज्म भी उसी रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी लेकिन राइटर कहते हैं खुश किस्मती से इंडस्ट्रियलिज्म के आने के साथ ही साथ डेमोक्रेसी का कंसेप्ट भी आ गया तो जो जो प्रॉब्लम इंडस्ट्रियलिज्म ने क्रिएट करने थे जिस तरह के एग्रीकल्चर सिस्टम ने क्रिएट किए हैं तो डेमोक्रेसी उसको क्योर कर देगी उसका इलाज कर देगी तो खुश किस्मती से ताहम इंडस्ट्रियलिज्म की ग्रोथ के साथ उसके हम असर कम अज कम मगरब में डेमोक्रेसी की ग्रोथ हो गई इट इज पॉसिबल नाउ नाउ इट इज पॉसिबल इफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट इंक्रीज टू फास्ट अब मुमकिन है अगर शर्त यह है मुमकिन क्या है वो बाद में बताएगा ये मुमकिन है शर्त यह है अगर दुनिया की आबादी तेजी के साथ ना बढ़े फॉर वन मैन लेबर टू प्रोड्यूस मच मोर देन इज नीडेड एक आदमी की लेबर काम से इतना कुछ उसे मिल जाए जो उसकी अपनी जरूरत टू प्रोवाइड द बॉस सब्सिस्टेंस फॉर हिमसेल्फ कि वो ना सिर्फ अपने जिंदा रहने के लिए कमा सकेगा एंड हिज फैमिली फैमिली के लिए भी कमा सकेगा राइटर कहता है इंडस्ट्रियलिज्म के आने के साथ डेमोक्रेसी आ गई है और फिर अब मैं यूं कहूंगा अब ये मुमकिन हो गया है कि लोग थोड़े से वक्त में ज्यादा कमाकर ना सिर्फ अपने आप को पाल लेंगे बल्कि अपनी फैमिली को भी पाल लेंगे एक शर्त एक है क्या है दुनिया की आबादी ना बढ़े बेटा अभी कहा है गौर से शर्त यह है कि दुनिया की आबादी ना बढ़े सेंटेंस दोबारा देख लें इट इज पॉसिबल नाउ इफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट इंक्रीज टू फास्ट अब ये मुमकिन है कि अगर दुनिया की आबादी बहुत तेजी से ना बढ़े फॉर वन मैन लेबर टू प्रोड्यूस मच मोर देन इज नीडेड एक आदमी की मेहनत से इतना कुछ मिल जाएगा कि जो उसे जरूरत है टू प्रोवाइड अ बॉस सब्सिस्टेंस फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली उसकी अपनी जिंदगी और उसकी फैमिली की सर्वाइवल के लिए काफी हो जाएगा गिवन एन इंटेलिजेंट डेमोक्रेसी नॉट मिसलीड बाय सम डॉग्मेटिक क्रीड एक और भी बात है गिवन एन इंटेलिजेंट डेमोक्रेसी एक बात इस जहानत वाली डेमोक्रेसी के बारे में अगर ये डेमोक्रेसी जहानत वाली डेमोक्रेसी नॉट मिसलेट इसको गुमराह ना करे बाय सम डॉग्मेटिक क्रीड कोई दीन धर्म कोई अकीदा
this facility will be used to raise the standard of life. तो ये इम्कान ये जिंदगी के स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए कारगर साबित होगा। अब उसने ये कह दिया, उसने कहा डेमोक्रेसी अच्छा कंसेप्ट है, डेमोक्रेसी से जिंदगी का स्टैंडर्ड बेहतर होगा, लेकिन एक शर्त है और डेमोक्रेसी के साथ कि डेमोक्रेसी को कोई भी गुमराह ना करे। खास तौर पर उसको खतरा है कि डेमोक्रेसी को ये दीन धर्म वाले जो लोग हैं ये गुमराह कर देंगे, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर देंगे। तो अगर ये मजहबी लोग इसको गुमराह ना करें डेमोक्रेसी को, तो फिर अगर गुमराह नहीं करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर होगा, अगर ये गुमराह करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर नहीं होगा। तो फिर कहने का क्या मतलब है, डेमोक्रेसी एंड रिलीजन बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। वो जो लोग कहते हैं कि जी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे रिलीजन के अंदर भी डेमोक्रेसी है, नहीं ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी और रिलीजन आमने सामने ठहरे हुए हैं। रिलीजन का मतलब है एक गवर्निंग अथॉरिटी, उसके नीचे 10-15 और भी मिनिस्टर, उसके नीचे 3 फर्दर लोग। और अथॉरिटी कोई होती है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक आदमी को राइट देते हैं कि आप ये काम करें, ही इज इक्वल टू यू, ही इज नॉट अथॉरिटी। अथॉरिटी नहीं है, इक्वल है। और रिलीजन के अंदर अथॉरिटी है कि फिलहाल साहब ने ये कहा है, फिलहाल ये फरमाता है, तो ये वैसे ही होगा। डेमोक्रेसी में ये चीज नहीं है। डेमोक्रेसी में फिलहाल साहब ने ये फरमा भी दिया तो नीचे वाले खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, तो नहीं होगा। ये फर्क है। जो लोग इंटरप्रेट करते हैं कि डेमोक्रेसी भी हमारे रिलीजन के अंदर मौजूद है, असल में वो लोग ज्यादा समझदार हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि मजहबी लोग डेमोक्रेसी के अंदर ढल जाए, मिक्सचर बनाकर दे रहे हैं ताकि आप लोग ढल जाएं, आप ज्यादा बेहतर, आप वैसे नहीं मानेंगे क्योंकि इतने अच्छे से आपको एक रिलीजन की तालीम दी जा रही है, तो आपको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करके ऐसा 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 आप फिर उस खाते में ढल जाएंगे। यानी कि हिंदू को मुसलमान किया जा रहा है ऐसा ऐसा। इट हैज बीन सो यूज्ड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, इट हैज बीन सो यूज्ड, अगर ऐसा इस्तेमाल हुआ टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, अगर ऐसा इस्तेमाल होता रहा तो कम अज कम लिमिटेड एक्सटेंट किसी हद तक, एंड ब्रिटेन एंड अमेरिका किसी हद तक बर्तानिया में और अमेरिका में तो ये हो गया है, एंड वुड हैव बीन सो यूज्ड मोर इफेक्टिवली बट फॉर वार। ये सिस्टम ज्यादा बेहतर तरीके से चलेगा, शर्त ये है कि अगर जंग ना हो। कहते हैं डेमोक्रेसी से फायदा हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हुआ है, कम अज कम इंग्लैंड और अमेरिका में तो जरूर हुआ है, लेकिन अगर जंग ना हो तो, यानी कि अगर जंग नहीं होगी तो फिर और ज्यादा फायदा होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर होगा। या इस लाइन का मतलब यू हो सकता है कि डेमोक्रेसी से स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हुआ बर्तानिया में और अमेरिका में अगर जंग ना होती, क्योंकि इंग्लैंड ने भी सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ चुका है वो, तो क्या हुआ अगर जंग ना लड़ता तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और बेहतर होता उसका। इट्स यूज इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज डिपेंडेंट मेनली अपॉन 3 थिंग्स। इट्स यूज इन रेजिंग डेमोक्रेसी का इस्तेमाल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए 3 बातों पर डिपेंड करता है। Its use in raising the standard of life has dependent upon many things. I think एक से मुराद साइंस का इस्तेमाल। साइंस का इस्तेमाल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए 3 चीजों पर इसका इनकार है। साइंस के इस्तेमाल कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए, इसका इनकार 3 बातों पर है। यानी कि साइंस ने इंसानी स्टैंडर्ड को बेहतर कर देना है अगर 3 चीजें हो जाए, 3 चीजें मौजूद हो। डेमोक्रेसी एक चीज, ट्रेड यूनियनिज्म पूरी दुनिया के दरमियान में ट्रेड होना, तजारत होना, एंड बर्थ कंट्रोल और बर्थ कंट्रोल हो, ये 3 चीजें हो तो फिर साइंस का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है।
साइंस इंसान के स्टैंडर्ड को बेहतर कर सकती है। All three of course have incurred austerity from the rich. इन तीनों चीजों ने फेस की है दुश्मनी अमीर लोगों की। अमीर लोग इन तीनों चीजों के दुश्मन है। किन किन चीजों के? डेमोक्रेसी के, ट्रेड यूनियनिज्म के, हाँ बात है। रिच आदमी जब अमीर होता है तो सारे उसके ताबे हो जाते हैं। कम से कम ये सूरत हाल हम अपने मुल्क में अभी देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। वहां ये चीजें तकरीबन खत्म हो गई। तो रिच आदमी होता है तो क्या उसके सामने बाकी सारे झुके हुए होते हैं। सरदार साहब ने फरमा दिया, ठीक कह दिया, जनाब ने कह दिया, ओके हो गया। तो बाकी सारे महकूम होते हैं वो इलाके के अंदर रिच होता है। तो रिच आदमी क्यों चाहेगा कि डेमोक्रेसी हो, तमाम लोग बराबर हो? वो नहीं चाहेगा। इसलिए जो अमीर है वो डेमोक्रेसी नहीं चाहता, जो अमीर है वो डेमोक्रेसी नहीं चाहता। और अमीर कौन है? हुक्मरान के अलावा आप देखें दुनिया के अमीर ममालिक देखें कौन से हैं। कुवैत है, यूएई है, अरब ममालिक हैं, बहुत सारे अमीर हैं, पैसा है उनके पास। वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते। क्यों डेमोक्रेसी लाएं? सारी दुनिया उनके आगे झुके, ये बेहतर है। इसी तरह जो अमीर तबके हैं, इसी तरह रशिया, उसके पास जब पैसा था वो भी डेमोक्रेसी नहीं चाहता था, सारे ताकि उसके आगे झुके, उसके महकूम रहे। अमीर आदमी ट्रेड यूनियनिज्म भी नहीं चाहेगा। अगर ट्रेड यूनियनिज्म हो गई, आपने यहाँ पर एक चीज मैन्युफैक्चर की और जाकर चाइना भेज दी, या चाइना ने मैन्युफैक्चर की किसी और कंट्री में भेज दी, तो पैसे आएंगे ना। पैसा आएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर होगा, आप अवेयरनेस गेन करेंगे, आप घूमेंगे फिरेंगे, आपको चीजों का पता चलेगा, आप भी अमीर हो जाएंगे, अमीर की वैल्यू नहीं रहेगी। वो जो अमीर पहले से बैठा हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो अमीर लोग क्या चाहते हैं? डेमोक्रेसी भी ना हो। अमीर लोग क्या चाहते हैं? ट्रेड यूनियनिज्म भी ना हो। और अमीर लोग कहते हैं कि ये बर्थ कंट्रोल भी ना हो। बर्थ कंट्रोल होगी तो इनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएंगे, ये सवाल करेंगे, ये सौखे हो जाएंगे। बर्थ कंट्रोल होगी तो हमें काम करने वाले लोग कैसे मिलेंगे मुफ्त के? हमारे लिए मरने वाले लोग कहाँ से आएंगे? बर्थ रेट ज्यादा है ना। एक घर के अंदर एक आदमी के 8 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं सपोज, तो बाप तो चाहता है कि कितने 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 ये बेटे अब निकल जाएं, भाग जाएं, कुछ काम करें, मेहनत करें, गुजारा नहीं हो रहा। वो एक आदमी कमाने वाला है, तो अगर उसको कोई कहेगा कि फौज में भर्ती खुली हुई है, वो कहे 8 के 8 ले जाओ मेरे तरफ से, वो ये बिल्कुल नहीं सोचेगा कि फौज के अंदर जाकर से मर भी सकता है ये। वो कहता है एक बार मेरे घर से जाए, इतना बर्डन में कल अकेला कैसे उठाऊं। तो बर्थ कंट्रोल करने से, बर्थ कंट्रोल जो है इसको भी लाहक है, इसका भी सामना है किसका? अमीरों की दुश्मनी का। अमीर तीनों चीजें नहीं चाहते कि अमीर बैठे हुए। All three of the courts have incurred, इन्होंने मोल ली हुई है, इन्होंने मोल ली हुई है क्या? हॉस्टेलिटी, दुश्मनी फ्रॉम द रिच अमीर की। If these three things can be extended to the rest of the world, अगर ये तीनों चीजें कैन बी एक्सटेंडेड बढ़ाई जाए पूरी दुनिया में, एज इट बिकम्स इंडस्ट्रियलाइज, जिस तरह की इंडस्ट्री बढ़ रही है, एंड इफ द डेंजर ऑफ ग्रेट वॉर कैन बी एलिमिनेटेड, अगर जंग के खतरात भी एलिमिनेटेड खत्म हो जाए, पॉवर्टी कैन बी अबॉलिश्ड थ्रू आउट द होल वर्ल्ड, तो गुर्बत पूरी दुनिया से खत्म की जा सकती है। वो कहता है अगर ये तीनों चीजें डेमोक्रेसी, ट्रेड यूनियनिज्म, बर्थ कंट्रोल हो जाए तो पूरी दुनिया के अंदर खुशहाली हो जाएगी। शर्त यह है जंगे ना हो, जंग नहीं करते। जब जंग करते हैं तो फिर आपका सारा सरमाया खत्म हो जाता है, सारा पैसा खत्म हो जाता है, और आप दुनिया में बदनाम भी हो जाते हैं। भाई एक इलाके के अंदर एक घर है, उसके लोग जो है बहुत लड़ते हैं, तो तमाम लोग उसके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये बहुत गंदे लोग हैं, लड़ते हैं हर वक्त, तो इनको अगर थोड़ा सा फायदा दिया, उनका बिजनेस अगर अच्छा हो गया तो ये ज्यादा लड़ेंगे, उनका पैसा भी आ जाएगा। अमेरिका अगर अफगानिस्तान पर हमला करेगा तो अमेरिका को इमदाद नहीं देगा, अमेरिका के साथ कोई रब्ता नहीं रखेगा, अमेरिका के साथ कोई तजारत नहीं करेगा। वो कहेगा इसको और पैसा मिला, इसने और पैसा कमाया तो किसी और मुल्क के ऊपर हमला करेगा, नहीं देंगे उसे, वो बदनाम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जंगे नहीं होनी चाहिए।
जंगे कोई मुल्क ना करे तो फिर पॉवर्टी पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी एंड एक्सेसिव आवर्स ऑफ लेबर विल बी नो लॉन्गर बी नेसेसरी एनीवेयर और पूरी दुनिया में कहीं भी ज्यादा काम करने की औकात भी नहीं रहेंगे। हम तमाम लोगों को बहुत थोड़ा काम करना पड़ेगा। हमारी स्टूडेंट लाइफ शुरू होती है 1 क्लास से और हम कम से कम 1 क्लास से शुरू होते हैं तो उस वक्त भी 14 घंटे काम करते हैं। ये काम है जो आप करते हैं। 14 और काम करना शुरू होते हैं और आप 25 साल की उम्र तक 14 और मुसलसल काम करते हैं या इससे भी ज्यादा करते हैं। उसके बाद भी आप 14 और भी काम कर रहे होते हैं। अगर आपका जंगे ना हो, अगर वो 3 चीजें हो जाए, डेमोक्रेसी, चेयरमैनिज्म और बस कंट्रोल हो जाए, तो आप लोगों को भी दूसरे कंट्रीज के लोगों की तरह सिर्फ 2 घंटे काम करने पड़ेंगे। यार कोई कहने की बात है? तालीम हासिल करते हैं बच्चे हमारे 14 आवर्स डेली और मियाद दुनिया में सबसे नीचे है। दुनिया में मियाद सबसे नीचे है। वो अमेरिकन जो है तालीम हासिल करते हैं 2 घंटे और मियाद अच्छा है। इसके मतलब टाइम इज्जत है, टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने घंटे आपने लील बात मारा है। लील बात समझते हैं? ये हम सब नहीं मारते हैं 14 घंटे बैठकर। फिलहाल चीज याद कर ली, फिलहाल चीज पढ़ ली। भाई ये क्या तरीका है? स्कूल खुलने चाहिए शाम को 5 बजे, 5 से 7 बजे बस। वो स्कूल है, वो एकेडमी है, इधर है, शाम को 7 से 5, 5 से 7 बजे खुलने चाहिए। आप जिनको अपना काम करें, छोटे बच्चे हैं, बड़ा है, छोटा, जो अपने काम करना चाहते हैं करें। शाम को अगर 2 घंटे तालीम हासिल करें बस। सुबह से रात तक हम जुटे हुए हैं पागलों की तरह तालीम हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट But without these 3 things, electricism will create a rhyme like that. लेकिन इन 3 चीजों के बगैर electricism ऐसी सल्तनत कायम कर देगी like that and with the pharaohs build the pyramids. ऐसी सल्तनत कायम कर लेंगे electricism जैसा कि फिरौनों ने construct कर लिए थे अपने बड़े बड़े महल। ये industrial system, industrial जो है बड़े बड़े pyramids की तरह होंगी। पैरामिड्स पता है ना, वो तकून से जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, क्या कहते हैं उर्दू में, आराम है शरीर एंड थॉट बुलेट। और खास तौर पर ए वर्ल्ड पॉपुलेशन कांट यूज टू इंक्रीज एट द प्रेजेंट रेट। अगर दुनिया की पॉपुलेशन इसी रेट से, इसी अंदाज से बढ़ती रही, द एबोलिशन ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सेसिव वर्क विल बी टोटली इम्पॉसिबल। तो पॉवर्टी का खात्मा भी नामुमकिन हो जाएगा और दूसरा ज्यादा काम करने के औकात भी हम कम नहीं कर पाएंगे। अगर बर्थ रेट बढ़ती गई इसी तरह से, अगर पैदाइश की शरह इसी तरह से रही, तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारे काम करने के घंटे भी कम नहीं हो सकते हमारे। Science has already conferred an immense boon on mankind. Science ने बहुत ज्यादा इनायात की हैं इंसान पर by the growth of medicine. Medicine को इजाद करके। पिछले पैराग्राफ में राइटर ने ये कहा है, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रेफरेंस के अंदर पैराग्राफ दे देंगे, इसलिए पैराग्राफ का थोड़ा सा ओवरव्यू साथ लेता जा रहा हूँ। पिछले पैराग्राफ में राइटर ने आपको बताया है कि वेस्ट के अंदर इंडस्ट्रियलिज्म आया है तो डेमोक्रेसी साथ आई है, और अगर आप चाहते हैं कि साइंस का सही इस्तेमाल हो तो 3 चीजों का होना जरूरी है, एक डेमोक्रेसी का, दूसरा ट्रेड यूनियनिज्म का यानी कि पूरी दुनिया में तजारत का, और तीसरा बर्थ कंट्रोल का। ये 3 चीजों पर काबू करना जरूरी है। अगर ये 3 चीजें आप लागू करेंगे, अगर इन पर अमल करेंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगा, अदरवाइज गुरबत कम नहीं है। एक छोटा सा फार्मूला तो हम जानते हैं, बच्चे ज्यादा होंगे तो आपको ज्यादा खाना घर में प्रोवाइड करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा आपका खर्च होगा। बच्चे अगर कम है, 2 है या 1 है या 3 है, तो उसी लिहाज से आपके खर्चात कम होंगे। वेरी सिंपल फार्मूला है, कम आपको परेशान होना पड़ेगा।
एक बच्चा जब 25 साल का या 30 साल का होता है, एमबीए करके हटता है या मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर करके हटता है, तो कम से कम वो आज के दौर में 1 करोड़ रुपए का होता है, 1 से 1.5 करोड़ रुपए का होता है। खाना पीना, साबुन तेल, कपड़ा जूती, रिहाइश, बिजली पानी, ये सब चीजें, प्रदर्शन मेडिकल, ये सारी चीजें आप कौन करें। जो लोग बाहर रहते हैं 25-30 हज़ार रुपये उनका आज के दौर में खर्चा हो जाता है, ठीक है, ये 2013 है, ठीक है। तो एक बच्चा इस वक्त एक आदमी को कम से कम 1.5 करोड़ का पड़ता है, जब वो उसे एजुकेशन के साथ अलग खर्चा सारे डाल के 1.5 करोड़ रुपए का, 15 मिलियन। और सोचे कि अगर उसी भारत के 4 बच्चे हैं तो फिर आप अंदाजा कर लें कि 6 करोड़ रुपया उसने खर्च किया, वो इन्वेस्टमेंट की हुई है, और 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद वो बच्चे कहते हैं आपको कुछ पता ही नहीं है, आप ना बोला करें हमारी बात में, कहते हैं ऐसा नॉर्मल होता है ऐसा। वो मैं ये नहीं कहता कि वो गलत होते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वालदैन कितने नफे में है, मेरी बात उन पर नहीं है, उन्होंने कहना है, क्योंकि जब आप जवान होते हैं तो आप एक कम्पिटेटिव मूड में होते हैं, ये ह्यूमन साइकी है। बच्चा जब लड़का जवान होता है तो बार बार बाप कह रहा होता है कि जी लोग कहते थे पुराने जमानों में कि बेटा जवान हो जाए, कंधे के साथ आना शुरू हो जाए तो लोग मुबारकबाद आकर देते थे कि मियां तुम्हारा बेटा जो है जवान हो गया है, अब तो तुम्हारे बर्डन लेस हो जाएंगे, और हमारे यहाँ बेटे हमारे लिए लांगते बन चुके हैं, कोई काम भी नहीं करते, सारे बाप कह रहे होते हैं। ये कह दे रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि बेटे की और बाप का एक तजाद शुरू हो जाता है, ये मुझसे की है, वो बड़ा हो रहा होता है, मेच्योर होता है, एनर्जेटिक हो रहा होता है, पैसा भी उसी का खा रहा होता है, तंज भी उसी का कर रहा होता है, साइकोलॉजिकली जिस्मानी तौर पर, ये जिस्मानी तंज है ना कि आपके घर में आपका पैसा खाकर एक शख्स सेहतमंद हो रहा है और दूसरे शख्स के दांत गिर रहे हैं, वो कमजोर होता जा रहा है, पीछे गिरता जा रहा है, पैसा तो उसका, और वो उसको अगर ये भी कह दे तुम्हें पता नहीं है, तो आप सोचे कि वो शख्स कहां कितने घाटे में है। इकोनॉमिकली देखें तो 1.5 करोड़ का एक बच्चा है, अगर बच्चे नहीं है तो फिर उसके पास वो 1.5 करोड़ सेव है, लेकिन मेरे पास नहीं है। अब मैं वसीम के हाथ को देख लिया, मैंने वसीम को कहने लगा तोड़े किसे ने, मेरे पास नहीं। मैं पाकिस्तान से आउट होता तो शायद ज्यादा होता, लेकिन हो सकता है जो शादीशुदा लोग होते हैं वो मुझसे भी ज्यादा मेहनत करते हो, सकता है शायद मैं नॉलेज के पीछे ज्यादा भागा हूँ और उसके पीछे पैसों के पीछे ज्यादा कम भाग सका हूँ। मैं ये नहीं भागा, मैं कम भाग सका हूँ, मजबूरी होगी ना आपके पीछे। अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ करे, आगे बढ़ आगे बढ़ अच्छा जी, तो हम कह रहे थे बात, तो ओवर पॉपुलेशन जो है, बच्चे ज्यादा होना ये नुकसानदेह। अरे अगर आप बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में 2 बच्चे काफी हैं, ठीक है। अच्छा मैं वैसे अब आजकल मैं सोचता हूँ कि बच्चे बहुत ज्यादा होने चाहिए, लेकिन अगर बच्चे, अगर किसी शख्स के अंदर बच्चे ज्यादा, बेटा आप लड़ने लग जाओ, तू लड़ने लग जाओ, वो आप लड़ने लगे जी तुम्हारी आंटी के 24 क्यों है। मेरे नाना नानी, उन्होंने एक जोड़े ने, ठीक है, उनने 22 बच्चे पैदा किए, ठीक है, और मेरे और 22 के 22 जो है ना वो लड़कियां मेरी खाला है सारी 22, और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कद है उनकी, और मेरे उधर दादा जो हैं और दादी, उन्होंने पैदा किया 18 और सारे लड़के, एक भी फुटफो नहीं है। तो मैंने तो अब्बा जी को मशवरा किया, मैंने कहा आपने सत्ते का सत्ता कर लेना था, 18 उधर से 18 उधर से लेके एक ही करते जान छुड़ाते, आपने ऐसे भागते रहे। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये तमाम प्रॉब्लम आते हैं। मैं ये कह रहा था अगर कोई शख्स ये सोचता है कि बच्चे ज्यादा होने चाहिए, किसी को शौक है, तो उसका एक हल बता देता, वो भी ठीक है। उसका सबसे पहला ये है कि आप शादी करें, ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं तो शादी सेहतमंद जन्म से करें, ठीक है।
और दूसरी बात है, शादी करने से पहले आप इधर मरी की तरह थी या आप इधर कोई पहाड़ खरीद लिया, पहाड़ पर उन्हें लेकर चले जाए, वहां पर खुद ही अपना मकान बनाए, खुद ही वहां पर खेती बाड़ी करें और बच्चे दबाकर पैदा करें और उनको बॉर्डर पर लगा दे कि आपने पहाड़ के शहर का बॉर्डर देना है, काम में लगे रहेंगे, एक कंप्यूटर वहां डाल दें और बड़े होते जाए उन्हीं को कहें जिस वक्त उखाड़ उखाड़ कर बेचो मेरा बेटा, ठीक है, और इस पहाड़ भी रक्त भी खत्म हो जाएंगे, फिर उन्हें कहना क्या नीचे से मादनियात निकालो, उसी के अंदर रोजगार मिलेगा उसे, ठीक है। ये भी तरीका है अगर बच्चे ज्यादा पैदा करें, आप दरमियान में एक बड़ा सारा माचा चारपाई डाल के ऊपर सरदार उनके बैठे रहे, सबको काम बता देने कैसे है। लेकिन अगर वो बगावत आ गई ना तो उन्होंने मंजी उल्टी कर देंगे, अगर बगावत आ गई ये ध्यान में रखना, तो आपने बगावत को कंट्रोल करने के सारे हथ कंधे आपको आने चाहिए, ठीक है। ये दूसरा प्रक्रिया बता दिया, ओके जी। लेकिन ये डेमोक्रेसी नहीं होगी, मेरे बादशाह निजाम होगा, आप बादशाह होंगे। साइंस हैज ऑलरेडी कंफर्ड एन इमेंस बून ऑन मैनकाइंड। मैंने लड़कों को मशवरा दे दिया, मुझे वैसे एक बात याद आ गई है, वो एमए पास टू के स्टूडेंट थे, तो मैं बड़ा जशीदा था और मैं हर वक्त जो क्लास की आती थी मेरा पहला भाषण यही होता था कि अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो तुमने शादियां नहीं करनी। तो एक दिन मैं बड़ा ही जोश में था और शादी के खिलाफ बोल रहा था बहुत ज्यादा, और वो भी लड़कियां बी ए भी मेरे पास करके गई थी और फिर वो एमए पास टू में पहुंच गई थी और शादी के खिलाफ उन्होंने काफी कुछ सुन रखा था। लेकिन मुझे हर दफा यूँ महसूस होता कि ये लड़कियां अंदर से मानती नहीं है। मैं उन्हें एक दिन कह रहा था शादियां करके क्या करोगे, मैं शायद दूसरों के गुलाम बन जाओगे, दूसरों की नौकरी को जूतियां चाटोगे उनकी, और इस तलाक के नाम के नीचे तुम पड़े रहोगे, तुम ये करोगे नहीं करनी शादी, क्या करोगे शादी करके, अच्छा क्या करोगे और क्या करोगे, तुम गुलाम हो, तुम्हारे में ब्रेन नहीं है, वो लोग शादी करें जिनके पास ब्रेन नहीं है। मैं बोले जा रहा हूँ लड़की गुस्सा है उसने ना कलीन के बड़े हाथ बड़ा ठक से कहते हैं हमारा दिन जो करते हैं हम क्या करें। उस दिन के बाद मैंने शादी के खिलाफ बोलना खत्म कर दिया, खासकर वैमन के वाले से कि यार वो तीन साल से थक चुकी थी मेरी बात सुन सुन के, और उनने कहा कि आप एक ही डिमेंशन को कहते हैं, एक ही डिमेंशन को पीते जाते हैं अपना ढोल, हमारी भी कुछ सुन ले, कुछ हमारे जज्बात भी है। ओके, साइंस हैज ऑलरेडी कंफर्ड एन इमेंस बून ऑन मैनकाइंड। साइंस ने मेडिसिन की ग्रोथ के साथ इंसान के ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा इनायात कर रखी है। इमेंस ज्यादा, बून का मतलब है इनायात, फायदे। इन द 18th सेंचुरी पीपल एक्सपेक्टेड मोस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन टू डाई। 18वीं सदी में लोग ज्यादातर ये अंदाजा करते थे, तवक्को करते थे कि उनके ज्यादातर बच्चे मर जाएंगे बिफोर दे वर ग्रोन अप, जवान होने से पहले। 18वीं सदी में लोग समझते थे, अंदाजा करते थे कि उनके बच्चे जवान होने से पहले ही मर जाएंगे। जी बेटा, इनायात फायदे। इम्प्रूवमेंट बिगेन एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, और 19वीं सदी के स्टार्ट में फिर मेडिकल की फील्ड में बहुत ज्यादा तरक्की होने लगी, चीफली ओइंग टू वैक्सीनेशन, और खास कर जो फायदा हुआ वो वैक्सीनेशन की वजह से हुआ, जो वैक्सीन बनाई गई पोलियो के लिए, टीके के लिए, इस तरह की जो वैक्सीन बनाई गई उससे ज्यादा फायदा हुआ। इट इज कंटिन्यूड एवर सिंस एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और ये तरक्की जारी रही और अभी भी जारी है। इन 1920 द इंफेंट मोरालिटी इन इंग्लैंड अमोर्टैलिटी, और 1920 में बच्चों की मौत इन इंग्लैंड एंड वेल्स, वेल्स कंट्री का नाम है और इंग्लैंड में बच्चों की जो मौत है वाज 80 per 1000, वो 80 रहेगी 1000 में से, यानी कि 1920 में खास तौर पर इंग्लैंड और वेल्स में इंसानी बच्चों के मरने की शरह, मौत की शरह कितनी रहेगी, 1000 में से 80 लोग, 80 बच्चे मर जाते थे। इन 1948 इट वाज 34 per 1000, और 1948 में 1000 में से बस 34 बच्चे मर जाते थे। द जनरल डेथ
or arm mode. And general death rate in 1948 was the lowest ever recorded up to that date. और 1948 के अंदर जो रेट जो शराबबाज काउंट की गई ये अब तक ये सबसे कम है उस वक्त तक जब तक रसल ने ये ऐसे लिखा था। 48 की बात की है तो रसल ने ये नियर अबाउट 49 में लिखा है मेरे ख्याल में या 50 में लिखा है ये ऐसे। अच्छा इस पैराग्राम में अभी तक क्या बात हुई है, ये बात हुई है कि ग्रेजुअली 19वीं सदी से मौत की शरह कम हुई है, ठीक, मौत की शरह कम हुई है। There is no obvious limit to the improvement of health. यहाँ पर कोई वाज़े लिमिट नहीं है, कोई भी हद नहीं है कि हेल्थ के बारे में कितनी तरक्की हो जाए। हेल्थ की तरक्की में कोई भी लिमिट नहीं है कि आज टाइफाइड का इलाज हो जाता है, आज कैंसर का भी इलाज हो रहा है, आज एड्स का इलाज नहीं है, हो सकता है वो भी होना शुरू हो जाए। इंसानी जिंदगी का इंसानी मौत का इलाज नहीं है, ले भी फिर उस तरफ चल पड़े ये दुनिया उसकी तरफ निकल जाए तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है। That can be brought about by medicine. और ये इलाज मुमकिन है, ये तरक्की मुमकिन है मेडिसिन के जरिए। The sum of human suffering has also been much diminished. और इंसानी सफरिंग जो दुख है ओवरऑल diminished, ओवरऑल वो कम हुए हैं by the discovery of anesthetic, बेहोश करने वाली सुन करने वाली दवा के साथ इंसानी दुखों में कमी आई है। किस किसने ऑपरेशन कराया हुआ है, किसने ऑपरेशन, दो लोग हैं, तीन लोग हैं, ठीक है, तो एनेस्थेटिक की वजह से देखें कि इंसान के सारी जिस्म से आपके ओजे या सब कुछ बाहर निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। The general diminution of lawlessness and crime of violence would not have been possible without science. Science के इस्तेमाल के बगैर मुमकिन ही नहीं कि lawlessness और crime of violence और तशद्दुद के जो जुर्म हैं, तशद्दुद के जो जराइम हैं, उनकी diminution की जाए, उनकी कमी की जाए। मुमकिन ही नहीं कि लाकानूनियत और क्राइम ऑफ वायलेंस की को रोका जा सके, उनको खत्म किया जा सके साइंस के इस्तेमाल के बगैर, यानी कि साइंस के इस्तेमाल से ही हम तशद्दुद को रोक सकते हैं, क्राइम को रोक सकते हैं, लॉलेसनेस को रोक सकते हैं। इफ यू रेड द 18th सेंचुरी नावल, अगर आप 18वीं सदी के नावल पढ़ें, यू गेट अ स्ट्रेंज इंप्रेशन ऑफ लंदन, आपको लंदन का बड़ा अजीबो गरीब इंप्रेशन मिलेगा, लंदन आपको बड़ा अजीबो गरीब सिटी नजर आएगा। मुझे याद है एक लड़की, वो मुझे हर दूसरे दिन कह रही थी, हर महीने के बाद, सर मुझे 4 छुट्टियां चाहिए, क्यों, हमारी उधर शादी है, मैंने यूएई जाना है। अच्छा, मैं भी ठीक हूँ सर, हमें छुट्टी दें, हमने वो हमारी एक कजन की शादी है, कजन का नाम जरा लेती थी, तो हमने यूके जाना है, अच्छा हमारा तो फैमिली उधर है, हमारा तो फैमिली उधर है। एक दूसरे उसने कहा कि सर हमें आप छुट्टी दें, और इस सुबह हमने सिर्फ 3 देर की छुट्टी चाहिए, सिर्फ 3 देर नहीं आ सकूंगी, और हम उधर जा रहे हैं, हमें कहाँ जा रहे हैं, हम उधर यूके जा रहे हैं, तो उधर हमारे उसकी कजन की शादी है, तो ठीक है। मैं बाहर निकला तो वो जरा वॉन्डन में मोटरसाइकिल के पीछे बैठी हुई थी। चार पांच दिनों के बाद उसने मैं देख लिया, उसने मुझे छुपा लिया, अपने आप को छुपा लिया ना, सामने देख लिया। अच्छा मैंने उसे कोई बात नहीं की ना, 6-7 महीने के बाद ना मैं उसे पूछा था कि मैंने तुमने कौन कौन से कंट्री देखे, कहती है मैंने ना मैंने इंग्लैंड देखा है, और फिर मैंने यूएई देखा है, मैंने यूके भी देखा है, और मैंने लंदन भी देखा है। मैं के पक्का हो गया, पक्का हो गया भाई मुझे, ठीक है। तो मुझे लंदन देखते वो बात याद रहती है कि लंदन भी देखा है और यूके भी देखा, दोनों चीजें देखी, अलग अलग कंट्री है। मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा लंदन और यूके तो एक ही है, तो बड़ी बेचारी शर्मिंदा हुई। हमारे यहाँ ये बाहर की बात नहीं, हमारे यहाँ ऐसा जरूर होता है कि लोग जाते पत्तों की हैं, बल्कि
बाइकर जाते हैं या वो मेरा स्टाफ था एक, वो हर दूसरे दिन मुझे कहता अच्छा पुटा साहब एन जी के मैं फिर चलिया मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वो हर दूसरे एक दिन मुझे उसने मुझे कहा कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मैं अचानक ही उसके फ्लैट पर आ गया ना और मैंने देखा कि अंदर वो छुप के सोया हुआ था। तो मैंने कहा सर आप गए नहीं? और यार मैं जहाँ से नहीं गया। फिर मुझे दोस्त ने बताया, उसने कहा आप जो उसका जब भी जाते हैं घोड़े वाला तो कहते मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ लेकिन मैं पिछले दिनों वाकई इस्लामाबाद गया। उमरा करने से पहले इस्लामाबाद नहीं जाते? वो मेरा एक बच्चा है वो थोड़ा सा वो लिबरल है, तो उसका मामू आया, उसने कहा वेल दिल्ली से, उसने देखा, उसने कहा वो मामू जी क्या हाल है, वो मिला उससे, कहते मामू मैं आ गया हूँ, मैं क्या उम्र कर रही है आखिरी उम्र है, एक बार उम्र जरूर करिए। उम्र करने चला गया, छह माह के बाद फिर आया, वेल दी खून कोई नहीं एकदम, उसने कहा ओ मामू मामू मैं आ गया इस्लामाबाद, मैंने कहा उम्र कर रहे हैं एक और दिल के कोई पता नहीं, सात आठ महीने के बाद फिर आ गया, सुबह सवेरे आके बैल दी ना, हाँ ऊपर से निकला चाचा मेरा, वो थोड़ा सा मिजाज उसका वैसा है, वो अमेरिकन रिटर्न है, उसके बोले हंस गए हाँ, और ये नहीं कहा मामू जी उन्हें उठ तो देख के हाँ, और चलो चल चल। उसने उसे वो मामू फिर घर आके बता रहा था कि जी मैं उम्र के लिए गया हूँ, इतनी बड़ा काम करने जा रहा था, मुझे ऊपर से कहते चलो चल एक बार कहते उम्र हो गया, दो बार हो गया, हर रोज उम्र ठीक है तो कहते इफ यू रीच 18th सेंचुरी नावल यू गेट अ स्ट्रेंज इम्प्रेशन ऑफ लंदन। अगर आप 18th सेंचुरी के नावल पढ़ें तो आपको लंदन का अजीब गरीब वहाँ से इम्प्रेशन मिलेगा। अनलाइटेड स्ट्रीट्स आप देखेंगे, स्ट्रीट्स जो हैं डार्कनेस में डूबी हुई हैं, फुटपैड्स और राजन पैदल डाकू एंड हाईवे मैन और घोड़ों पर सवार डाकू, नथिंग दैट वी शुड काउंट अ फॉरेस्ट होर्स, कुछ भी नहीं है, बस वहाँ नाम निहाद पुलिस फोर्स जरूर है, बट इन फ्यूटाइल अटेम्प्ट, लेकिन ये पुलिस जो है ये एक लाहासिल किस्म की कोशिश है टू कंपनसेट, ये लफ्ज है कंपनसेट, अजाला करने के लिए फॉर ऑल दिस इन तमाम चीजों का। पहले यहाँ तक बात समझ लें, वो कहता है कि अगर आप 18 सेंचुरी के नावल पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि 18 सेंचुरी के अंदर तरक्की की शरह क्या थी, वहाँ पर डाकू चोर लुटेरे गलियों में फिरते थे और तारीख गलियाँ होती, एक बार खत्म, और इन क्राइम को रोकने का हमारे पास था ही क्या, क्योंकि साइंस पूरी तरह से नहीं आई थी ना, तो इन क्राइम को रोकने का क्या था, हमारे पास एक पुलिस थी और एक कानून था, ये कानून और पुलिस कितनी कारगर थी, वो कहते ये एक लाहासिल कोशिश थी, कानून एक लाहासिल कोशिश थी एंड एडमिनेबली सेविज, ये ला जो है एडमिनेबली ये मकरू किस्म का सिर्फ गैशियाना एक चीज थी, ये कानून और पुलिस, ये जो क्राइम को रोकने के लिए कानून और पुलिस थी ये एक मकरू किस्म की वहशत थी एंड फ्रिशियस क्रिमिनल लॉ, और ये एक बेरहम किस्म का मुजरमाना कानून था। यानी कि राइटर कहना चाहता है कि कानून कभी भी क्राइम को नहीं रोकता, कानून क्राइम को नहीं रोकता। आपके यहाँ बहुत से लोग यहाँ पर मिलेंगे जो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है, कानून नहीं है। अब फॉरन लोग कहते हैं, फॉरनर कहते हैं, वो कहते हैं कानून कभी भी क्राइम को नहीं रोकता, कानून तो आपके अंदर दोबारा रेबेलिटी पैदा करता है, बगावत पैदा करता है, और कानून तो खुद एक बुरी चीज है, वो तो वहशत है, खौफनाक है, मकरूह है। कातिल ने कत्ल किया, कातिल को फिर कत्ल कर दिया, कत्ल पर कत्ल हो गया, तो वहशत है कानून को, तो कानून नहीं होगा तो फिर इंसान सिविलाइज कैसे होंगे। दो तरीके हैं इंसान को सिविलाइज करने के, एक तरीका यह है इंसान को कानून के जरिए डरा धमका कर सिविलाइज किया जाए, ये कदरे पुराना तरीका है।
दूसरा तरीका ये है कि इंसान को सेंसेस दिए जाए, उसको बेहतर किया जाए, उसकी परमिशन संदाज से कीजिए कि वो समझ जाए बातों को, ऐसा नहीं करना। मुझे कभी कभी खुशी भी होती है और ताज्जुब भी होता है, मैं अपने दोस्त के यहाँ जाता हूँ तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो छोटे छोटे बच्चे वो अपने पापा को, अपनी आंट को या बाहर किसी मजदूर को वो मारन सिखा रहे होते हैं। वो बच्चे कह रहे होते हैं, नहीं अंकल आपने ये पानी नहीं पीना, ये गंदे वाला पानी है, इसमें जरासीम होते हैं। कह रहे होते हैं, उनको कानून तो नहीं पढ़ाया गया। नहीं अंकल गाली नहीं देते, बुरी बात होती है। बच्चे कह रहे होते हैं यार, सेंसेस देते तो कहते हैं, बड़े भी होंगे तो उनके देखे ना। अब आप लोग बैठे हुए हैं, यू बिलीव दैट, बिलीव इट, बच्चों को इसी क्लास में इसी जगह पर जस्ट 4 years पहले की बात करता हूँ। 4 years बिफोर मैं लकड़ियों से डंडों से मारता था, और यहाँ पर जो आपके स्टूडेंट, जो कई ऐसे टीचर जो आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए आए हैं, मैंने उनके मुंह पर थप्पड़ मारे हैं जोर जोर से। खुदा के साथ उसकी कद देखे तो आप कहेंगे ये छत को लगते हैं लोग। अब उनको देखे वो यहाँ कभी कभी मुझे मिलने आएंगे भी सही, उनको ठहरा कर थप्पड़ मारता था जोर जोर से, और वो ऐसे करके ठहरे होते थे। और यहाँ इस क्लास में क्या एमए के बच्चे, 3 दिन बच्चों की माए, 2-2 बच्चों के बाप पढ़ने जब आते थे खड़ा करके उनको स्टिक मारता था। करोड़पति लोग, प्रॉपर्टी के बड़े बड़े बिजनेस वाले बीए करने आते, करके डंडे मारता था, डंडे खाते थे। आज मुझे कार पर ले फिरते हैं, मुझे कहते हैं साहब तुम्हें सानू भी डंडे मारे था। मैं लोग कहाँ बताता हूँ, मैं कहता हूँ नदीम भाई चुनाव काम ऐसे करना है, वो अब पुलिस डिपार्टमेंट का हेड है, मैं कहता हूँ नदीम भाई ऐसा करना है, तो कहते बोटा साहब कार तो देते हैं लेकिन आज हमें डंडे मारे थे। तो मुझे कहते हैं आज आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैंने एक बच्चे के सर पर एक बर्तन रख दिया एक दिन मजाक के तौर पर, मैंने कहा कि जो बच्चा भी आप सबक याद नहीं करेगा मैं एक नया वो करता हूँ, इनको थोड़ी बेइज्जती महसूस होगी, शेम महसूस होगी। आप सेंसिटिविटी का आलम देख, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ। बच्चों की सेंसिटिविटी का ये आलम है, थप्पड़ मारना दूर की बात, स्टिक मारना दूर की बात, डांटना भी दूर की बात, एक छोटी सी शर्म दिलाने के लिए उसके ऊपर बर्तन रखा गया तो उसको भी फेस नहीं कर सका बच्चा। ये सेंसिटिविटी है ना, कि जब मैं उस क्लास में जाकर बैठूंगा जहाँ पर मेरे सर पर ही सिर्फ बर्तन रखा गया और किसी के सर पर नहीं रखा गया था, तो मुझे इस बात में उसे अच्छा नहीं लगता। तो ये सेंसिटिविटी है ना, अब बच्चों को थप्पड़ मारकर नहीं बताना पड़ता उनको, बस बच्चे 3 दिन मुंह बना लेते हैं, क्यों हमें डांट पड़ी है, ठीक है। और हमें एक टीचर आ गया काला सा मोटा सा, उसकी शक्ल से बड़ी वहशत झलकती थी, वो हमें इंग्लिश पढ़ाने के लिए आ गए 9th class में, हम सारे सहमे हुए थे। मेरी क्लास में एक डेस्क पर जो बैठा हुआ था एक हड्डी बैठा हुआ था, हड्डी पतला सा सुखा सा लड़का था, बिल्कुल हड्डी कहते थे सारा सारे, और सब के शान बैठा हुआ था, वो भी भोला सा लड़का था, हम सारे भोले भोले बैठे हुए थे, नहीं बस सबसे आगे और कोने में उठ गए सबसे आगे। तो वो जब टीचर आके, हम बड़े डरे हुए थे, उसने आके पढ़ाया जी, उसने जी बड़े स्पॉट, उसकी वजह पनिशमेंट की बॉडी आई, आधी क्लास ठहरी हुई थी, निकम्मे भी थे, उसने पीछे पीछे सबसे निकम्मा लड़का जो था उसका नाम अब्दुल रहमान होता था, उसको न्यूटन कहते थे, और पहली डेस्क पर सबसे आखिरी लड़का जो था उसका नाम सुहारा था, काला था, उसको सारे आलू बुखारा कहते थे। तो वो आलू बुखारे वाले भी सारे कैंडिडेट, उसके हल्का अहबाब भी और वो अब्दुल रहमान न्यूटन वाला हल्का अहबाब भी, वो सारे के सारे पीछे थे, और हम बड़े सहन हो गए, पता नहीं जालिम कितना मारेगा, और हमने सबक शुक्र सुना दिया था। जब पीछे गए तो उन्होंने कहा, टीचर ने कहा, अल्लाह उसको भला करे, पता नहीं क्या नाम था उसका, तो चंद दिन उसने पढ़ाया था, उसने कहा जी सारे जो बैठे हुए डेस्क पर सारे पीछे तरफ देखे, वो जो पीछे सजा में ठहरे उनको देखे, हम उनको देखने लगे, और हमने कहा कि आज उनकी खैर नहीं है। उसने कहा सारे कहें शेम 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 शेम। अच्छा हमने पहले सोचा ये चीज बिल्कुल हमारे लिए नहीं थी, और हमने कहा शेम शेम शेम। उसने कहा फिर कहूँ, तकरीबन उसने 1-1.5 मिनट तक हमारी एक्सरसाइज शेम शेम कहने पर कराई, और वो सामने देख रहे थे, और आलू बुखारा भी तम तमा रहा था,
न्यूटन भी बिल्कुल परेशान नहीं था और अभी तक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डंडे अभी पढ़ने वाला फोर्स बाकी है, वो डंडे पढ़ने वाला भी वो काम बाकी है। तो सेम सेम आवाज है कोई, ये नया तरीका है और हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे डरे हुए सहने हुए कहीं क्या होना है। उसके बाद जब डेढ़ मिनट की सेम सेम की सफाई हो गई, उसने कहा चलो जी जरा आओ चलो बैठ जाओ, उसने कहा आओ चलो बैठ जाओ। आलू बुखारा ने जंप लगाया और उसने अब्दुल रहमान ने जी उसे टांगों को घसीटा, सांस घसीट के आ रहे हैं और हड्डी ने जो ही चेहरा मोड़ा ना इसे कहते हुई बस, हड्डी ने कहा हुई बस ये तो ठीक है। उसने कहा यानी कि उसने कहा कि अब हम भी याद ना करें तो काम बड़ा आसान है, ये तो ठीक है। यानी कि हमारी उस वक्त सेंसिटिविटी का आलम क्या था, जब तक कान पकड़ के और उस पीछे 3-4-10 सोटे ना मारे जाएं, उस वक्त तक पता नहीं चलती कि हाँ कि हमारी कोई बेइज्जती हुई है या हमने कोई काम नहीं किया हुआ था। और आज बतदरीज आप देखें जस्ट मतलब 12 या 13 ईयर के अंदर अगर आप देखें इतनी तब्दीली आ गई है कि आज बच्चे के सर पर अगर एक बर्तन भी छोटा सा रखते हैं उसको शर्म दिलाने के लिए तो उसको वो भी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है वो उसे फेस नहीं कर रहा। तो सेंसिटिविटी अगर बढ़ा दें, अगर बच्चों को सेंसेस दे दें तो लॉ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो बच्चा बर्तन रखने से इतना गुस्सा और उसको इतना बुरा लगता हो तो क्या वो किसी को थप्पड़ मारेगा? वो किसी को थप्पड़ भी नहीं मारेगा वो बच्चा, उसके अपने अंदर भी सेंसिटिविटी है, उसके अपने अंदर और दूसरों के अंदर भी वैसे सेंसेस उसके अंदर मौजूद है दूसरों के लिए। तो ये चीजें सेंसेस से बेहतर होंगी, लॉ से बेहतर नहीं होंगी। और ऐसे कहते हैं लंदन के अंदर लॉ था और पुलिस थी जो कि एक मकरूह तरीकाकार था, गलत तरीकाकार था। ठीक है जी बेटा, वो 10-15 साल से मैंने वो कंपेयर किया है अपने साथ, बाकी ये ठीक कह रहे हैं 3 साल पहले। और जब मैं स्कूल होता था मेरा दिल चाहता था कि भाई जब स्कूल के ना बॉम्ब फट जाए या स्कूल के ना मैं कोई अथॉरिटी बन जाऊँ, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, सारे टीचर को खड़ा करके मारू मैं बहुत गुस्सा करता था। स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट, टेलीफोन, फिंगर प्रिंटिंग, ये उंगलियों के प्रिंट जो आप देते हैं जब ये आप आईडी कार्ड बनवाते हैं, एंड द साइकोलॉजी ऑफ क्राइम, और क्राइम की नफ्सियात एंड पनिशमेंट आर साइंटिफिक एडवांसेस, और सजा ये साइंटिफिक एडवांसेस हैं, ये साइकोलॉजी ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट आर साइंटिफिक एडवांसेस। ये पनिशमेंट जो साइकोलॉजिकल पनिशमेंट करते हैं, रात को जगाते रखते हैं, सोने नहीं देते, ये पनिशमेंट है। इन तमाम चीजों में ये साइंटिफिक एडवांसेस हैं, तरक्की है, विच है मेड इट पॉसिबल फॉर द पुलिस टू रिड्यूस क्राइम। इन चीजों ने मुमकिन कर दिया है कि पुलिस अब क्राइम को कंट्रोल कर ले, रिड्यूस कर ले, इतना रिड्यूस कर ले बिलो एनीथिंग वेयर द मोस्ट यूटोपियन ऑफ द एज ऑफ रीजन। इतना कम कर दिया गया है क्राइम को कि ऐसा महसूस होता है कि क्राइम अब इतना कम हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इतना क्राइम तो यूटोपियन फिलोसफर भी नहीं कहते थे होना चाहिए जो एज ऑफ रीजन की बात करते थे, वुड हैव इमेजिन्ड पॉसिबल, और यूटोपियन फिलोसफर कंसिडर करते थे कि ऐसा मुमकिन होगा। यूटोपियन फिलोसफर कौन है? एक फिलोसफर है उसका नाम है ग्रीक फिलोसफर है प्लेटू, अफलातून, ठीक है। प्लेटू प्लेटू का किसका स्टूडेंट था? सोक्रेटीज का, सोक्रेटीज फिर प्लेटू, और प्लेटू का स्टूडेंट अरिस्टोटल, अरिस्टोटल का स्टूडेंट अलेक्जेंडर द ग्रेट। प्लेटू जो था उसने एक किताब लिखी थी, ठीक है, कौन सी किताब थी प्लेटू ने लिखी थी? हाँ जी, किसी को याद है? रिपब्लिक, राइट। रिपब्लिक जो उसने लिखी थी उसके अंदर उसने बेहतरीन दुनिया पेश की थी, ऐसी दुनिया जिसके अंदर अच्छाई ही अच्छाई है, जिसके अंदर लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, जिसके अंदर सच का बोलबाला है, और उसके अंदर झूठ नहीं, क्राइम नहीं, करप्शन नहीं, कुछ भी नहीं है।
तो लोगों ने कहा ये यूटोपियन फिलॉसफर है, यूटोपिया की बात करता है, एक ऐसी दुनिया की बात करता है जो मुमकिन ही नहीं है। प्लेटो ऐसी दुनिया की बात करता है जो मुमकिन ही नहीं है। तो रिपब्लिक जो उसने बुक लिखी है उसके अंदर क्राइम नहीं है, जीरो क्राइम है, और उसके अंदर भलाई और अच्छाइयां क्या है 100% है। तो उसको कहते हैं जो फॉलोअर है प्लेटो के, और यूटोपिया को कहते हैं कि ये ठीक ऐसी दुनिया है, उसको हम कहते हैं कि ये यूटोपियन फिलॉसफर है। यूटोपियन फिलॉसफर ने भी इतनी ज्यादा इम्कान नहीं देखे होंगे क्राइम के कम होने के जितना साइंस ने आकर कर दिए है, कसर ये कहा जाता है। और तमाम जितने भी प्लेटो क्लेम करता है, प्लेटो तो फौत हो गया, लेकिन उसके बाद उसके फॉलोअर क्लेम करते हैं प्लेटो के हक में कि जितने भी रिलीजन है या जो पैराडाइज की डिस्क्रिप्शन है, एक्चुअली दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ऑल वर्ल्ड इन रिपब्लिक, ये रिपब्लिक में है सब कुछ। तो ये क्लेम है प्लेटो का ऑल वर्ल्ड में कि तमाम रिलीजन जो है वो प्लेटो के अंदर से ही जन्म लेते हैं। प्लेटो अगर आप पढ़े तो प्लेटो से आज तक दुनिया बाहर नहीं आ सकती। आया वेद अगर आप प्लेटो को पढ़ लें तो आज तक दुनिया प्लेटो से बाहर नहीं आ सकी। जितने भी रिलीजियस लोग हैं, जितने भी रिलीजियस लोग हैं सिवाय हिंदुइज्म के, क्योंकि इनकी ये हिंदुइज्म ये प्लेटो से भी पहले पुराना है, ये 5-6 हजार साल पुराना है। और वो गरीब जो है वो आए हैं वो तकरीबन 2500 साल पहले वो आए हैं या 3000 साल पहले आए हैं। तो उन्होंने जो पैराडाइज का कंसेप्ट दिया, ये पैराडाइज का कंसेप्ट मौजूद है क्रिश्चियनिटी के अंदर और दूसरे रिलीजन के अंदर, ये सारा का सारा कहते हैं कि ये प्लेटो उस बुक से ड्राइव किए गए। तो यूरोपियन वर्ल्ड के अंदर आप देखते हैं कि क्रिश्चियन की पैराडाइज के अंदर क्राइम है, क्राइम नहीं है, वहाँ खूबसूरती भलाई और अच्छाई ही अच्छाई है। तो प्लेटो ने भी ऐसी दुनिया पेश की थी सबसे पहले जिसने अच्छाई अच्छाई हो, भलाई भलाई हो, क्राइम ना हो। तो ये यूरोपियन फिलॉसफर जो है इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी अच्छाई भलाई और इतना क्राइम की रेशो कम हो सकती है जितना के साइंस ने अगर कर दी है। होश करो बाबा, होश करो। हाँ जी, सोक्रेटिस का स्टूडेंट था, सोक्रेटिस के ऊपर बड़ा चार्ज रहा है कि सोक्रेटिस नौजवानों को भटकाता है। वो टूटे हुए घड़े के अंदर बैठा रहता मटकी के अंदर और नंगा बदन लेकर वो बड़ी फिलॉसफी सीखता रहता था। उसके हजारों की तादाद में स्टूडेंट थे और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे। उसके खिलाफ चार्ज हुआ, उन्होंने कहा जी ये लोगों को भटकाता है, ये लोगों को नौजवान नस्ल को खराब करता है, रेबल करता है, ऐसे ऐसी फिलॉसफी बढ़ाता है। पेश किया गया, पेश करो जी सोक्रेटिस को, प्लेटो के उस्ताद को पेश किया गया अदालत में। जज भी स्टूडेंट है, वकील भी उसी के स्टूडेंट है, लेकिन कानून है, बादशाह है, किंग है, मजलिस हो के सामने। उनने जज ने देखा, उसने कहा जी हम इसको सेंटेंस ऑफ डेथ देते हैं सोक्रेटिस को, और उसको जहर का प्याला देते हैं, जहर का प्याला देते हैं, इसे अब जहर का प्याला पीना होगा। जब वो मजलिस खत्म हुई, काजी हट गया, सबको बहस हुआ, दोनों गए और जाके जज भी गले मिला, वकील भी गले मिले। उस वक्त जो देसी तरीके से लोग थे उन्होंने कहा सोक्रेटिस आप जाइए, आप घर जाइए, ये हमने कागजी कार्रवाई करनी थी, आप हमारे उस्ताद हैं, मोहतरम हैं, बस आपको बताना था कि आप ये काम ना करें और इसकी सजा ये है, तो आप मेहरबानी करें आप घर जाएं। सोक्रेटिस ने कहा नहीं मैं, उसने कहा कि मैं जहर का प्याला पीऊंगा ताकि आने वाले वक्त में इतिहास में हिस्ट्री में कोई ये ना कह सके कि सोक्रेटिस के दौर के अदालत इतनी कमजोर थी कि वो सोक्रेटिस को जहर का प्याला नहीं पिला सकी थी। और उसने जहर का प्याला पी लिया था और उसकी इस तरह डेथ हुई। तो ये जी प्राप्त ये प्लेटो का, हाँ ये हजरत ईसा तो आए हैं 2000 साल पहले, ये तकरीबन 2500 से 3000 साल पहले के लोग हैं। आपके मैंने एमए पार्ट 1 के अंदर मैंने एक कपड़े लिखा था प्लेटो के बारे में, याद है?
मैंने प्लेटी पर एक कपलेट, सॉरी मैंने उस पर कपलेट लिखा था सोक्रेटिस पर, पहला कपलेट सोक्रेटिस पर लिखा है। एक मेरी पोइम है उसका नाम है डैड, वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी वो पोइम मशहूर है, डैड उसका नाम है। वो बड़े बड़े राइटर के ऊपर लिखा है कि ये डैड ऑफ द वर्ल्ड है, उसके बारे में। तो पहला कपलेट भी सोक्रेटिस के बारे में था, तो वो था टीमिंग ब्रेन कैन नेवर नेवर सीज, भरा हुआ जहन, इल्म से भरा हुआ जहन कभी भी बंद नहीं हो सकता। स्टीमिंग ब्रेन कैन नेवर नेवर सीज, सोक्रेटिस को रोकने की कोशिश ना करो, सोक्रेटिस के जहन को बंद करने की कोशिश ना करो। जिसे जहन में ख्यालात भरे हुए हैं इनको आप खत्म नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। स्टीमिंग ब्रेन कैन नेवर नेवर सीज, हश हश येलो बाउल ऑफ सोक्रेटिस, सोक्रेटिस के येलो जहर के भरे हुए प्याले दूर हो जा, दफा हो जा यहाँ से। हश हश येलो बाउल ऑफ सोक्रेटिस, ये सोक्रेटिस का और प्लेटो ने यकीनन इसी से तालीम हासिल की। दुख हुआ होगा आपको अगर आपने सवाल किया है कि दूसरे किसी से पढ़ा होगा तो फिर आपको बड़ा दुख होगा कि बिल के आगे भी बंदा जेंग होता उसकी नई कहानी शुरू हो गई है। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि प्लेटू ने कंट्रास्ट किया अपने टीचर से, नफरत नहीं की, दुश्मनी नहीं की, ये याद रखिए। अपने उस्ताद से कंट्रास्ट किया, अरिस्टोटल ने अपने उस्ताद प्लेटू से कंट्रास्ट किया, दुश्मनी नहीं की, नफरत नहीं की। कमिंग नाउ टू पॉजिटिव गुड्स, अब अच्छे मुस्बत पहलू की तरफ आते हैं। वेयर इज टू बिगिन, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि साइंस किस तरह बुराइयों को कम कर सकती है। अब तक हमने ये डिस्कस किया है कि साइंस किस तरह बुराइयों को कम कर सकती है, अब हम डिस्कस करते हैं कि साइंस अच्छाइयों को कैसे बढ़ा सकती है, बेहतर कर सकती है। कमिंग नाउ टू पॉजिटिव गुड्स, वेयर इज टू बिगिन विद एन इमेंस इंक्रीज ऑफ एजुकेशन, एक तो बहुत ज्यादा तालीम बढ़ी है, विच हैज बीन रेंडर्ड पॉसिबल बाय द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। हाँ, इसको मैं यूं पेश करूंगा कि ये मेहनत की बार आवरी है, मेहनत का समर है, तालीम का वरना मेहनत का समर है। आई रिगार्ड जनरल एजुकेशन, मैं आम तालीम की बात कर रहा हूँ। दिस इज मोस्ट मॉक इन अमेरिका, और तालीम अमेरिका में तो बहुत ज्यादा है। वेयर इवन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज फ्री, तालीम इतनी ज्यादा है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन वहाँ पर फ्री है। इफ आई टुक अ टैक्सी इन न्यूयॉर्क, अगर मैं न्यूयॉर्क से एक रक्षा पकड़ता हूँ, आई वुड है टैक्सी, शिकर है, शिकर है, अच्छा, अगर मैं न्यूयॉर्क में एक टैक्सी पकड़ूं, आई वुड ऑफन फाइंड दैट द ड्राइवर वाज पीएचडी, तो मैं अक्सर पाऊंगा कि ड्राइवर जो है पीएचडी होगा। हु वुड स्टार्ट आर्गुइंग अबाउट फिलॉसफी, जो फिलॉसफी के ऊपर बहस करना शुरू कर देगा, दलाइल देना शुरू कर देगा, कौन? टैक्सी ड्राइवर। किसके साथ सवारी? कौन है? रसल बीमारी। आपको बीमारी लगता होगा ना, इतना जब पढ़ना पड़ गया है। जी ब्रेक चैप्टर के एंड पर होगी। हु वुड स्टार्ट आर्गुइंग अबाउट फिलॉसफी एट एमिनेंस रिस्क टू हिमसेल्फ एंड मी, और वो फिलॉसफी पर दलाल देने के लिए मेरी और अपनी जिंदगी को दाव पर लगा देगा। यानी कि सामने आने वाली ट्रैफिक पे वो बिल्कुल फिक्र नहीं करेगा, वो कहेगा मैंने दलाल में जीत करे। मैं क्या है बेटा, आपके तो मोबाइल है, नहीं साथ में क्या है? अच्छा पॉकेट में मोबाइल है, अब रखा है। मैं पिछले दिनों यहाँ मुल्तान चुंगी से आ रहा था, मैंने एक दिलचस्प मंजर ये देखा कि एक रेड़ी है, गगर रेड़ी, और उसके रेड़े के ऊपर केलों का ढेर लगा हुआ है, और टूटे हुए केले, लेकिन फुल मैच्योर राइप केले थे, टूटे हुए केलों का ढेर था। और एक दाढ़ी वाला, उसकी काली दाढ़ी थी, और उम्र तकरीबन उसकी होगी कोई तकरीबन 40 साल या 35 साल, एक ऐसे हावरा हुआ जज्बाती सा, आंखें बाहर गरों निकाली हुई उसने, और केलों को सेट कर रहा है।
मैं केलों को देखकर उसकी राइप केले देखकर टूटे हुए मेरा दिल ललचा गया, मैंने केले खाने चाहिए और मैं इतना दिल ललचाया कि उससे मैंने पूछते ही कि भाई मैंने कहा केले कैसा लाए ने, इसे कहा मैंने एक केला उठा लिया। अब मैंने एक केला उठा, उसे मुझे ऐसे ब्राउन आके निकाल के देखा, भूरी उसकी गाड़ी थी, काली भूरी, और मैंने छीला। मुझे पता था कि मैं अक्सर ऐसे केला उठा भी लेता हूँ या कोई फ्रूट तो मैं फिर उस बाद में उसे कहे देता हूँ, लेकिन मैंने उठाया तो जिस तरह वो एंग्री नजर आ रहा था मुझे, मैं भी मजीद मुतमईन होकर ठहर गया। कहते अच्छा जी कैसे हैं, उसने मुझे कहा 40 रुपए दर्जन। मैं हैरान हुआ कि ये तो बड़े सस्ते हैं, 40 रुपए दर्जन, 40 रुपए दर्जन। एक आदमी और मोटरसाइकिल पर आकर रुका, उसने शायद मुझे देखा और उसने भी केला उठा लिया और कैसे चल हुआ गया है 40 रुपए दर्जन छुट्टे हुए केले ने, तो उसने केला खाया डाला मुझे किस्मा चला गया, कहता है कंजरी का बच्चा। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने उसे कहा जी ये आधा दर्जन केले दो, आधा दर्जन लिए तो साथ मैंने कहा कि एक मैंने उठा लिया है। अच्छा वो मैंने केला रख लिया, फिर पैसे खुले थे, दो केले मुझे मुझे और दे दिए, मैंने कहा कि नहीं अब एक केला और भी, इस पर मैंने उसे बनाना ले लिया और मैं जाते मैंने कहा भाई नाराज तो नहीं है, फिर मेरे जाते हुए मुझे गालियां ना दीजिएगा। मैंने कहा मेरे जान के बाद मैंने गालियां ना कर दी भाई, ठीक है। उसने कहा नहीं भाई बात इंसाफ की है, ये ऐसे फिलहाल ऐसे लोग हैं आते हैं केला खा के चल जाते हैं, मैं हलाल रोजी कमाता हूँ। उसने मुझे अभी याद नहीं है इंग्लिश में एक सेंटेंस सुनाया मुझे, पहला मैंने आपको बताया था कि मुझे एक मोची ने सुनाया था, लेकिन इस बंदे ने मुझे इंग्लिश में एक सेंटेंस सुनाया, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये तो फिर कहानी वही दोहरा दी इसने, पहले मेरे पास वो एग्जाम्पल दी, अब इसमें कहते भाई ये मेरी आज की 2000 रुपए की रोजी है, मैं हलाल कमाता हूँ, अपने बच्चों को हलाल खिलाता हूँ, मैं पुलिस से ASI मैंने रिजाइन किया है, पुलिस से ASI और मैं आर्मी में रहा हूँ सोल्जर, वहाँ पर मैंने रिजाइन किया है, उसके अलावा एक और कंपनी में जॉब की वो रिजाइन किया है, मैं हाथ हलाल की रोजी कमाता हूँ और मैं खुद मालिक हूँ अपनी दुकान का, अपनी शॉप का, जहाँ मर्जी जाऊँ जहाँ मर्जी करी करूँ, जिसको सौदा दूँ जिसको ना दूँ, किसी की कोई नहीं है मेरे ऊपर। मैं यार उस शख्स को देखकर हैरान हो गया कि ये तो यार मुझसे भी आला है, कैसी बात है, ऐसे ऐसे करेक्टर भी दुनिया मौजूद है यार। ASI गजरे के ऊपर रेडी पर उसने केले लगाए हुए हैं, इमेजिन करें। और यहाँ पर हमारे लोग यहाँ पर बाहर फ्रूट की एक रेडी नहीं लगा सकते, हमारे पढ़े लिखे अफराद फ्रूट की एक रेडी नहीं लगा सकते, स्टॉल नहीं लगा सकते, वो एक चिप्स की कैबन नहीं लगा सकते, डरते हैं कहते हैं लोग क्या कहेंगे, और KFC के अंदर मुलाजमत कर लेते हैं, वो भी तो वही चीज है, तो पैसे आपके इसमें ज्यादा होंगे वहां मुलाजमत की नस्बत, अपना बिजनेस सबसे बेहतरीन है। लेट्स सी, तो तालीम की ये हालत है कि अगर वहां पर टैक्सी ड्राइवर PhD है तो हमारे पास ASI गजरेडी भी चलाता है, ऐसी एग्जाम्पल मौजूद है हमारे पास। बट इंग्लैंड एज वेल एज इन अमेरिका द इम्प्रूवमेंट एट द हाइएस्ट लेवल इज इक्वली रिमार्केबल, लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका में इम्प्रूवमेंट रिमार्केबल है, काबिल तारीफ है। रीड फॉर इंस्टेंस गबन्स अकाउंट ऑफ ऑक्सफोर्ड, अगर आप तालीम की बात मजीद जानना चाहते हैं तो गबन की लिखी हुई ऑक्सफोर्ड पर किताब पढ़े, लिटरेचर का राइटर भी है, हिस्टोरियन भी है। गिबन का वैसे मतलब होता है नाम से ब्राउज़र फांसी देना, फांसी, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ होता है अल्लाह जिसका दर्द, ठीक है, जख्मी के नाम होते हैं ना, तीसरा उसका नाम होता है गिबन, फांसी उसका नाम है। Wages rose and increase of opportunity. अब ये बात हो गई कि अमेरिका और इंग्लैंड में तालीम बहुत ज्यादा है, अब हम बात करते हैं wages rose and increase of opportunity. इसके साथ बात मैं मवाकों की भी करूँगा, अपॉर्चुनिटी मवाकों की बात भी करूँगा। इट इज मच इजियर देन इट यूज टू बी फॉर एन एबल यंग मैन, अब ये ज्यादा आसान है बनिस्बत पहले के, एक समझदार एबल यंग मैन विदाउट वर्क आर कॉल्ड, इसके बगैर जिसको कहते हैं नेचुरल एडवांटेज,
जो कहते हैं कुदरती वसाइल एज दैट इनहेरिटेड वेल्थ, जैसे कि विरासती दौलत, टू राइज टू द पोजीशन इन विच ही कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ हिज टैलेंट। वो एक ऐसे मकाम पर पहुंच सकता है जहां पर वो बेहतरीन किस्म के अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर सके। भाई लाइन में क्या कहा गया है मैं बता रहा हूँ बेटा। कहते हैं कि पहले ये होता था, जिसके पास पहाड़ है, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, जिसके पास कोई इंडस्ट्री है, सिर्फ वसैल का मालिक ही तरक्की कर सकता था। अब ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियलिज्म आने के साथ, डेमोक्रेसी आने के साथ, साइंस आने के साथ, अब एक आम आदमी है जिसके पास कोई इनहेरिटेड वेल्थ नहीं है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, उसके बावजूद भी वो शख्स अपने टैलेंट का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है, तरक्की कर सकता है। यानी कि गरीब आदमी बिल्कुल मेहनत का, वो भी घर से निकले और मेहनत करे तो आज वो भी तरक्की कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले अमीर ही अमीर तर होता था, गरीब गरीब तर ही रहता था। दोबारा देखें, वेल दिस गोज एंड इंक्रीज ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट इज मच इजियर देन इट यूज टू बी फॉर एन एबल यंग मैन विदाउट व्हाट आर कॉल्ड नेचुरल एडवांटेज एडवांटेज एज दैट इनहेरिटेड वेल्थ टू राइज टू द पोजीशन इन विच ही कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ हिज टैलेंट। इन दिस रिस्पेक्ट देयर इज स्टिल मच टू बी डन। इस मामले में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। But there is very reason to accept that in England and in America it will be done. लेकिन माकूल बात यह है कि अमेरिका और इंग्लैंड में तो कम अज कम ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गरीब लोगों को तरक्की के पूरे मौके मिल जाएंगे। मजीद ये कि यहाँ पर खुशियाँ फैली हुई है than ever before, पहले की निस्बत। पहले की निस्बत खुशियाँ अब ज्यादा फैली हुई हैं। अब हमारी दुनिया में खुशियाँ ज्यादा मौजूद हैं पहले की निस्बत। एंड इफ द फियर ऑफ वॉर वर रिमूव्ड, अगर जंग का खतरा खत्म हो गया, दिस इम्प्रूवमेंट वुड बी वेरी मच ग्रेटर देन इट इज। तो इम्प्रूवमेंट इससे भी कहीं ज्यादा होगी जो मौजूद है। अगर क्या खत्म हो गई, क्या खत्म हो गई, दोबारा क्या खत्म हो गई, जंग का खतरा। ठीक है, जंग ना भी हो, जंग का अगर खतरा भी लाहक रहे तरक्की नहीं होती, क्योंकि इंसान सोचता है वो किसी लम्हे भी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसको अपने घर से मोहब्बत नहीं रहेगी, बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं रहेगी, हम भाइयों से लोगों से मोहब्बत नहीं रहेगी। Let us consider for a moment the kind of disposition, आइए थोड़ी देर के लिए सोचें इस किस्म की तरक्की के बारे में, that must be widely diffused, जो बहुत ज्यादा फैल जाएगी, if a good world is to be created and sustained, अगर एक अच्छी दुनिया पैदा कर ली गई और फिर बरकरार भी रही। अच्छी दुनिया पैदा करना बड़ी बात नहीं है, उसको बरकरार रखना भी साथ जरूरी है। I will begin with the intellectual temper. मैं असली रवैये से बात शुरू करूंगा। इंटेलेक्चुअल टेम्पर से बात शुरू करूंगा। That is required. एक खास असली रवैये की जरूरत है। There must be in many a desire to know the important facts. बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अहम तरीन हकैक को जानना चाहते हैं। And most an unwillingness to give assent
की प्रेजेंट एलिजेंस, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नापसंदीदगी का इजहार करते हैं जिस चीज से प्रेजेंट एलिजेंस से खुशगवार पुरप्रेम कहानियों में। दो तरह के लोग हैं, ठीक है, दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो हकीकत जानना चाहते हैं, और दूसरे वो हैं जो पुरफरेब कहानियों से नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। पुरफरेब कहानियां कौन सुनाते हैं? रिलीजियस पीपल, क्रिश्चियन सुनाते हैं। लड़ो, सलीबी जंगे करो, मार डालो लोगों को, लाशों के ऊपर से गुजरोगे, मर जाकर फिर भी जन्नत में जाओगे, अगर मार दोगे तो फिर भी जन्नत मिलेगी, और जन्नत खूबसूरत तरीन परियों जैसी जगह है जहाँ पर खूबसूरती ही खूबसूरती है। तो ये क्या पुरफरेब कहानियां हैं? रसल कहता है, रसल कहता है कि लोग हैं यहाँ पर जो हकैक जानना चाहते हैं, और लोग हैं यहाँ पर जो इस पुरफरेब परियों जैसी दुनिया से नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। एक बात हो गई, आगे चलते हैं। लग रहे ये पैराग्राफ आ जाए तो आपके निकल कड़ाते जाए, आपको मेरे नींद आ रही है, नींद आ रही है मेरे। उसी को जिसको समझ नहीं आती वो कहते ये आना नहीं है, दिल में कह रहा था आना नहीं मेरे भाई। अगर आपको इसके अलावा कोई पैराग्राफ आ गया क्वाइट डिफिकल्ट, आप कभी जान ये कम से कम आपको अज्यूम तो होगा, अगर इसमें 10% भी याद रहेगी आपको तो फिर भी आप बेहतर कराएंगे। तो मैं समझ गया मेरा, मैं कह रहा हूँ जिसको समझ नहीं आ रही हूँ ना, उस दिन में कह रहा होता ये आना नहीं, ये आना नहीं। देर आर इन द वर्ल्ड एट द प्रेजेंट डे टू ग्रेट अपोजिंग सिस्टम्स ऑफ डॉगमा। आज मौजूदा दौर में दो अपोजिंग मुखालिफ सिस्टम मौजूद हैं, डॉगमा अकैद मौजूद हैं। दो बड़े अहम अकैद दुनिया में मौजूद हैं, एक है कैथोलिसिज्म, एक है ईसाइत, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्री, और दूसरा अकीदा मजहब कौन सा है, एंड कैमोनिज्म, और दूसरा है कैमोनिज्म, कैमोनिज्म जो फैमिलिटी से निकला है, फैमिलिटी जो लोगों की बात करते हैं, ठीक है, और नॉन बिलीवर होते हैं। दूसरा सिस्टम है कैमोनिज्म, एक कैथोलिसिज्म, दूसरा कैमोनिज्म, ये दो अकैद जो आपस में लड़ रहे हैं। इफ यू बिलीव आइदर विद सच इंटेंसिटी, अब बात को गौर से समझें, अगर आप यकीन रखते हो शिद्दत के साथ किसी एक पर, इफ यू बिलीव आइदर किसी एक पर विद सच इंटेंसिटी, अगर आप दो अकीदों में से किसी एक अकीदे पर यकीन रखते हो, दैट यू आर प्रिपेयर टू फेस मार्टिरडम, कि आप तैयार हो जाएं, आप फेस कर सकें शहादत भी, अगर दो अकीदों में से किसी एक अकीदे पर आप यकीन रखते हैं, इस हद तक यकीन रखते हैं उसके लिए आप शहादत भी गेन कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई? दो अकीदे कौन कौन से? कैथोलिसिज्म और कैमिज्म। अगर किसी एक अकीदे पर भी आपका यकीन है, यकीन होता है उसे सोच समझ का कोई ताल्लुक नहीं होता। सोच समझ का ताल्लुक किससे होता है, अकल का ताल्लुक किससे होता है, वो समझने से होता है। बिलीव का ताल्लुक समझने से नहीं होता। वो जब आगू कर रहे होते हैं तो आप सोच समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिलीव जो होता है उसके लिए कोई आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपका गॉड पर यकीन क्यों है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, जरूरत नहीं बताने की, कोई आर्गुमेंट प्रूव भी नहीं कर सकते ना इसके एंटी ने इसके हक में, तो ये बिलीव है। तो कहते हैं अगर आप इन दो बड़े अकैद में से किसी एक अकीदे पर यकीन रखते हैं, इस कदर यकीन रखते हैं कि आप उसके लिए मरने के लिए तैयार हैं, एक बात होगी, यू कैन लिव अ हैप्पी लाइफ, तो आप बड़ी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, आप बड़ी ही खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप किसी एक अकीदे पर यकीन रखते हैं तो आप खुशहाल जिंदगी जियेंगे, उसमें मस्त रहेंगे,
उसी को ठीक कहेंगे, लोगों से दलाल करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों पर डोमिनेंसी गेन करेंगे, लोगों को गलत कहेंगे, अपने आप को सच्चा अच्छा प्रूव करेंगे। आप खुशहाल हैं, मजे में हैं, आप मजे में हैं, आपका बिलीव है। मेरा छोटा भाई है, उसको मोहब्बत हो गई एक डॉक्टर के साथ, और डॉक्टर जो है वो कोई स्माइली तरीके से है, और वो कह रहा है जी अब जो ना बहने भी नहीं मान रही और अम्मी भी नहीं मान रही कि उससे शादी करें। मैं कह रही ये कौन सी बात हुई, सबसे अच्छे तू है, लेडीज है, वो इस्माइली शिया है, सारी रात बातें करते रहना, मजे ही मजे है, एक आर्गुमेंट देते रहो, इसे चाहो क्या हो, इसे तो और कोई कम्बिनेशन नहीं है ना, या तो आप राय रास्त पर आ जाएंगे या वो राय रास्त पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी एक तरीके पर यकीन रखते हैं और उसके लिए मरना भी चाहते हैं तो आप एक हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं, इवन एंजॉय अ हैप्पी डेथ इफ इट कम्स क्विकली, यहाँ तक कि आप एक खुशी वाली मौत भी मर सकते हैं अगर तुम्हें जल्दी मौत आए, ठीक है। उसे तो कह रहे हमारा ताल्लुक ही नहीं है, हम तो कैथोलिसिज्म की बात कर रहे हैं, कम्युनिस्ट की बात कर रहे हैं, कम्युनिज्म की, हमारा ताल्लुक ही नहीं है, हम तो नंबरदार हैं, नंबर काउंट कर रहे हैं जी, इसके नंबर इतने, इसके नंबर इतने, ठीक है, दरअसल हम सारे नंबरदार हैं। अरे बेटा नहीं किया आपकी तरफ से, मैं दोनों हाथ, एक हाथ में किताब है, एक हाथ में मेरे पास ये सारे मोबाइल है, तुम्हें वैसे ही लगता है कि मेरी आंखें तुम्हारी तरफ, अच्छा जी उसने कहा दुनिया में दो बड़े अकैद हैं, कैथोलिसिज्म और दूसरा कम्युनिज्म, आपका किसी एक अकीदे पर भी यकीन है, ये मेरा वीजा लग गया लगता है कि आप उन्हें छोड़ना नहीं, उन्हें कहना है पहले हाँ जी वीजे की बात सुन ले सारी बातें, खुशखबरी आ गई सर, तो कोई नहीं लगा बातें करते जी लग गया लग गया लगा, कोई नहीं होता है। तो तुम्हें तो लगी हुई है ना, ओके। अगर आपको किसी एक फिरके पर भी यकीन है तो आप आराम की मौत उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं, तो आप एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल मौत भी मर सकते हैं अगर आपको मौत आए। आप ये लेकिन 1970 की बात है, 50 की बात है, 1950 50 साल 63 ईयर बिफोर की पहले बात है, उस वक्त क्या सूरत है, आप उस वक्त बेहतर है, मुझे देखिए यहाँ पर अब वो जो शरीफी जंगे हैं लड़ियों में, तो 10-10 लोगों के ऊपर एक आदमी तलवार लेकर हमला कर रहा मर जा रहा था और बड़ी खुशी के साथ जंप लगा था उसके ऊपर। आपके यहाँ मून मार्केट में आदमी आता है, बम ब्लास्ट करता है, खुशी के साथ कहता है, पूरा नारा लगाता है, अल्लाह अकबर कहता है, मर जाता है, तो वो खुशी के साथ मरता है ना। दूसरे के साथ आप लड़ते हैं जब, तो उसको मारते हैं, खुशी के साथ मारते हैं, तो ये अकीदे से वाबस्तगी है, यकीन है उसका। यू कैन इंस्पायर, अब देखो उसमें क्या क्या मजे हैं वो गिनवा रहा है, एक तो जिएंगे खुशी के साथ अगर किसी अकीदे पर यकीन है, अकीदे पर यकीन है तो जिएंगे खुशी के साथ, मरेंगे भी खुशी के साथ। उसके बाद यू कैन इंस्पायर कन्वर्ट, आप लोगों के अंदर तहरीक पैदा कर सकते हैं, ये भी खुशी की बात, लोगों को कहते हैं कि लोगों को सरवा नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, ये मार्ग होने चाहिए, आप लोगों के अंदर तहरीक पैदा कर सकते हैं, क्या फिलहाल कौम को हमने जलील कर देना है, मौत देना है, बर्बाद कर देना है, क्योंकि हम बेहतरीन हैं, तो ये तहरीक है, तहरीक पैदा करने में मजा आता है, तो आप तहरीक पैदा कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट एन आर्मी, आप एक आर्मी पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं, बेचारी को बड़ी प्यास लग गई है, सुबह की बैठी हुई है वो, देखे आते उसे किताब नहीं खोली, जूस का डब्बा खोल लिया और आई भी अभी है। यू कैन स्टेज अप हटर्स ऑफ द अपोजिट डॉग्मा, आप अपने मुखालिफ अकीदे के खिलाफ, आप अपने मुखालिफ अकीदे के खिलाफ नफरत पैदा कर सकते हैं। हाँ जी बताएं मुझे राफिया क्या क्या कर सकते हैं, आप कंसंट्रेशन नहीं कर रहे, आप जाएं बस,
अगर आप किसी एक अकीदे से यकीन अकीदे पर यकीन रखते हैं, आप खुशहाली की जिंदगी जी सकते हैं, आप खुशहाली की मौत मर सकते हैं। एक बार दो बार होगी उसके बाद आप तहरीक पैदा कर सकते हैं लोगों में, ये भी मजे की बात है। उसके अलावा आप किसी के खिलाफ किसी दूसरे अकीदे के खिलाफ नफरत पैदा कर सकते हैं, ये भी मजा आता है इसमें कि लोग उसके अकीदे के खिलाफ नफरत करें। लोग बराबर इसके लिए प्लानिंग करते हैं कि जी उसके खिलाफ नफरत कैसे पैदा होगी, वो बड़े बुरे हैं। ये सारी मजे वाली चीजें हैं। आप आर्मी पैदा कर सकते हैं एंड इट्स अरेंज, और आप इस डॉगमे के खिलाफ नफरत पैदा कर सकते हैं और दूसरा मुखालिफ डॉगमे के जो वाबस्तगान हैं, दूसरे मुखालिफ अकीदे से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ भी नफरत पैदा कर सकते हैं। नफरत पैदा सिर्फ और सिर्फ अकीदे के खिलाफ नहीं की जाती, अकीदे के फॉलोअर के खिलाफ भी नफरत की जाती है। तो आप ये काम कर सकते हैं एंड जनरली यू कैन सी इमेंसली इफेक्टिव, और आमतौर पर आप नजर आएंगे बड़े ही एक्टिव नजर आएंगे। तो इफेक्टिव नजर आना, एक्टिव नजर आना, लोग कहें जी बड़ा एक्टिव आदमी है जी, बड़े दलाल देता जी, बड़े कमाल करता है जी, बड़ी बातें करता है, तो यही मजे की बात है। तो एक अकीदे पर यकीन होने से मजे ही मजे हैं। जिंदगी में एक्साइटमेंट है सारी की सारी, जिंदगी भी अच्छी है और मौत भी अच्छी है, आप खुश हैं, मजे हैं। लेकिन ये खुशी और मजा इंडिविजुअल है, जाती है, कलेक्टिव नहीं है। आप तो खुश हैं लेकिन आपके साथ जो दूसरे लोग हैं वो तो खुश नहीं है, जो आपके इर्द गिर्द आप कहते हो डॉगमा वाले हैं, वो उनके लिए तो आप इनका ही मनुष्य शख्स है। I am constantly asked, मुझसे मुसलसल पूछा जाता है, रसल कहता है मुझसे मुसलसल पूछा जाता है, what can you, कि रसल साहब आप क्या कर सकते हैं with your cold rationalism, अपनी सर्द महर अकलियत के साथ offer to the seeker after salvation, कि आप offer करें। उसने अम्मी को बुला लिया कि बहुत पढ़ाता है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है व्हाट कैन यू, कि आप क्या कर सकते हैं विद योर कोल्ड रेशनलिज्म, अपनी सर्द महर अकलियत के साथ। रेशनलिज्म का मतलब मैंने आप उस ट्रक को बता रहा हूँ, मैं बाहर निकाल दूंगा, कंसंट्रेशन करें। मैंने कल पहले पूछा था, मैंने कहा सिर्फ वही है जिसे पढ़ना है, जिसे नहीं पढ़ना वो ना आए। मैं पागल नहीं हूँ, गला फाड़ता रहूँ आपके लिए। मुझसे पूछा जाता है कि रसल साहब आप अपनी सब्ज महज अकलियत के साथ ऑफर टू सीकर आफ्टर सल्वेशन, निजात हासिल करने वाले निजात के मुतलाशी को क्या देंगे। जो निजात चाहता है गुनाहों से, अपने मसाइल से, परेशानियों से, कि निजात चाहता है, रसल साहब ये बताइए कि आप अपनी सर्द महर अकलियत के जोन में दुनिया में आप एक आदमी को जो निजात का मुतलाशी है क्या दे सकते हैं। दैट इज कंपेरेबल टू द कूजी होम लाइक कम्फर्ट, आप क्या दे सकते हैं जो बराबर हो उस नरम गरम घर के कंफर्ट की तरह, ऑफ अ फेंस इन डोगमेटिकली जो उसे मिलती है घर के नरम गरम एटमॉस्फेयर की तरह, चार दीवारी के अंदर अपने मजहबी अकीदे में। फिर दोबारा इस सवाल को रिपीट करता हूँ, जगह रसल साहब एक आदमी जो इबादत करता है, जो किसी मजहब को फॉलो करता है, वो बड़े मजे में होता है, वो बड़े सुकून कल्ब में होता है, ज़हनी तौर पर पीस ऑफ माइंड उसके पास होता है, वो बड़े नरम गरम माहौल में होता है। आप जो कहते हैं कि एक शख्स अपना अकीदा छोड़कर मजहब छोड़कर वो आपके पास आ जाए और अकलियत को अपना ले, तो क्या जितना सुकून कल्ब और जितना पीस ऑफ माइंड उसके पास है, उसके मुफ्त में, उसके चर्च में, उसके कलीसा में है, क्या वैसा सुकून आप उसे अपनी दुनिया में देंगे। नहीं है समझ। मैं शॉर्ट करके ये कहूंगा कि
क्या अकेलियत को अपनाने से उतना मजा आएगा जितना मजा और सुकून चर्च में जाने से आता है, मजहब को अपनाने में। इसका जवाब पहलूदार है, सफल कहते हैं इसका जवाब पहलूदार है। इन द फर्स्ट प्लेस आई डू नॉट से दैट, पहले मकाम पर मैं ये नहीं कहूँगा दैट आई कैन ऑफर एज मच हैप्पीनेस। पहली बात तो यह है कि मैं नहीं कहूँगा कि मैं दे सकता हूँ इतनी खुशी एज इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेशन। मैं नहीं कहता एप्लीकेशन टू रीजन कि मैं इतनी खुशी दे पाऊंगा जितनी खुशी अकल से दस्तबरदार होकर मिलती है। मैं नहीं कहता कि मैं इतनी खुशी दे सकूंगा जितनी खुशी अहमद के पास होती है अकल के बगैर, ठीक है। आप वो क्रिश्चियन कहे आओ जी आज क्राइस्ट का जिक्र करते हैं, सर इधर मारे इधर मारे, आप 5 मिनट के बाद तो आप बावले हो जाएंगे। आप जब बाहर उठकर गए घर में आप कहेंगे हौले हौले और मजे मजे, आप में परेशानी भी नहीं है, घर की सोच भी नहीं है, बच्चों की फिक्र भी नहीं है और जितने भी एक्साइटेड है सेहत भी बहाल है, आप तो कहेंगे ये तो चस्ती है, रूहानियत है, ये तो बड़ी मौजे है, लेकिन अकल नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है आंखें बंद करने से मसायब कम नहीं होते। दो तरीके हैं दुनिया के अंदर, या मसायब आ रहे हैं आप एस्केप कर जाएं भाग जाएं, या मसायब का सामना करें ताकि दूसरों को फायदा हो आपको थोड़ा सा नुकसान बेशक हो जाए, ठीक है भाई। हॉस्टल के बच्चे भी कहते हैं ठीक है, ठीक है। आई डू नॉट से दैट आई कैन ऑफर एज मच हैप्पीनेस, मैं नहीं कहता कि मैं इतनी खुशियां दे सकता हूँ एज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्रिंक, जितनी खुशियाँ दूध पीने से मिलती है। स्वयं पंजाब के लोग हैं, जट लोग हैं, हम तो दूध वाले हैं, हम दूध पीते हैं। अच्छा वो कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि मैं इतनी खुशियाँ दे सकता हूँ, कितने इतनी खुशियाँ अकली दुनिया में, अपनी अकली दुनिया में इतनी खुशियाँ नहीं दे सकता जितनी खुशियाँ शराब पीने वाले के पास होती है। यानी कि वो कहता है कि कहने का मतलब उसका ये है अल्लाह ताला उसे बर्बाद करे और हमें माफ करे। वो कह रहे हैं ये जो मजहबी लोग होते हैं ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे किसी ने शराब पी रखी हो, ये मजहबी लोग ऐसे हैं जैसे अहमक होते हैं। तो अहमक के पास अक्ल बगैर तो मौजे ही मौजे, हाँ अक्ल नहीं तो फिर तो मौजे ही मौजे हैं। वो कहते हैं कि नहीं मैं अपनी अकली दुनिया में ये मौजे नहीं दे सकता। और ड्रग्स जितना मजा शराब पीने से आता है, जितना मजा नशे करने से आता है, और अमेजिंग ग्रेट वेल्थ या जितना मजा दौलत को इकट्ठा करने में आता है बाय स्पेंडिंग, लूट मार के देंगे विडोज बेवाओं की, मैं इतना मजा नहीं दे सकता जितना मजा यतीमों बेवाओं की दौलत लूटने में आता है। एंड ऑर्फन्स यतीमों की दौलत लूटने में जितना मजा आता है, तो कहते हैं मैं इतना मजा नहीं दे सकता किसने, अकली दुनिया में, अपनी अकली दुनिया में। इसका मतलब है कि अकली दुनिया के अंदर लूट मार की गुंजाइश नहीं। आप खुद इंसाफ करें, मैं तुम्हें आप खुद इंसाफ करो, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, प्यारे प्यारे मासूम बच्चे हैं वो कहते हैं जी वैसे खत्म हो जाए जान छूटे जो भी हो गया सो हो गया, ठीक है। उनको क्या पता कि दुनिया के मामला ये कैसे हैं, वो कहते हैं हमारा तो कोई अमल दखल नहीं है, ये एक अहम बात है। आप बच्चों का इससे ना प्रैक्टिकल नहीं है, अमल दखल नहीं है ना आपका, आपको तो बहुत नीचे महदूद रखा हुआ है ना, रोटी सालन गैस पानी ठीक है, यह कहे हमारे हमें इनसे क्या लेना देना, ठीक है। अभी अगर इसी चैप्टर की जगह पर ये चैप्टर रखा गया होता कि अगर आपके घर में सोई गैस कम हो रही है तो नीचे जो है कम नीचे पाइप को सुआ लगाकर आपने कंप्रेसर कैसे फिट करना है, तो सारे सोचते हाँ ये ठीक है, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है ना उसके ऊपर सोचना है ना। अच्छा
okay, now it is not the happiness of the individual. Why? मैं इंडिविजुअल की खुशियों की बात नहीं कर रहा. ये रिलीजियस जो लोग हैं वो शराबियों की तरह हैं, जो खुद शराब पीकर कहते हैं हर जगह मजा ही मजा तो है. शराब पी हुए तो आपको लगेगा दुनिया तो बड़ी सोनी है, खुशहाल है. ये आप जाती तौर पर देख रहे हैं, ये आपकी जाती राय है. वो कहते हैं मैं जाती राय जाती खुशी की बात नहीं कर रहा. इट इज नॉट द हैप्पीनेस ऑफ द इंडिविजुअल कन्वर्स दैट कंसर्न मी. मैं ये नहीं कहता कि इंडिविजुअल एक आदमी खुशियां उस वक्त मिलेंगी जब वो अपने आप को दूसरे अकीदे में बदल देगा. मैं ये नहीं कहता कि एक जगह से बिलीव हटाए तो दूसरे बिलीव पर आ जाए. बिलीव से बिलीव पर नहीं आए इससे खुशियां नहीं मिलेंगी. एक अकीदे को छोड़े कि दूसरा अकीदा अपना लिया, ये ना करें. इट इज द हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड. मैं बात करता हूँ पूरी इंसानियत की खुशी की. If you genuinely desire the happiness of mankind, अगर आप वाकई इंसानी खुशी की खुशी चाहते हैं, अगर आप वाकई इंसानी खुशी चाहते हैं, certain forms of ignoble personal happiness, तो ये छोटी छोटी कुछ सूरतें ignoble हकीर जाती खुशियों की जो छोटी छोटी सूरतें हैं are not open to you. तो ये खुशी आपके लिए नहीं है. अगर आप एक समाई खुशी चाहते हैं तो फिर जाती छोटी छोटी खुशियाँ आपको छोड़नी पड़ेंगी, कुर्बान करनी पड़ेंगी. इफ योर चाइल्ड इज इल, अगर आपका बच्चा जमूरा बीमार है एंड यू आर अ कॉन्शियस, अगर आप बासूल या बाजमीर पेरेंट्स हैं. बात को समझना है, मिसाल उसने बड़ी कौड़ी दी है, कौड़ी उसे इससे पहले बात क्या की है, उसने कहा है कि अकीदे पर जब यकीन होता है आपका तो उसके लिए मरने के लिए तैयार है. अकीदे पर यकीन है तो उस वक्त आप अहमक हैं, अकीदे पर यकीन है तो आप मजे में हैं, आप शराब के नशे में हैं बस. ठीक है, अगर अकीदे पर यकीन है. और मैं ये भी नहीं कहता कि आप एक अकीदे को छोड़कर दूसरे अकीदे को अपना लें. अच्छा, वो कहता है कि अकीदे वाली बात यूं समझिए कि अगर आपका बच्चा बीमार हो और एक वाकई आप बाज़मीर किस्म के इंसान है, वालदैन है, बाज़मीर, यू एक्सेप्ट मेडिकल डायग्नोसिस, तो आप मेडिकल का इलाज करवाएंगे, साइंटिफिक मेडिकल इलाज करवाएंगे. हाउएवर डाउटफुल गो के ये साइंटिफिक इलाज कितना ही डाउटफुल मशकूक क्यों ना हो एंड डिस्करेजिंग, और कितना इसके अंदर डिस्करेज इसके अंदर हौसला फर्स्ट हौसला क्यों ना हो. यानी कि डॉक्टर आपको ये कह दे कि इसमें आपका बच्चा मर भी सकता है, डॉक्टर आपको कह दे इसके अंदर बच्चा आपका हाफ पैरालाइज भी हो सकता है, चाहे इस मेडिकल की ट्रीटमेंट में कितने ही खतरात क्यों ना हो, कितने ही शकूक और शुबा क्यों ना हो मेडिकल की ट्रीटमेंट में, लेकिन जितना आपको बता दिया वो क्लियर कट है, सही रास्ता वही है, दो टोक रास्ता वही है. इफ यू एक्सेप्ट द केयरफुल ओपिनियन ऑफ अ क्वैक, लेकिन अगर आप किसी नीम हकीम की खुशगवार बातों में आ जाते हैं, किसी नीम हकीम की खुशगवार बातों को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो बातें हो गई, बच्चा आपका बीमार है, आप बाज़मीर हैं, ये बात याद रखिए, आप बाज़मीर हैं, ठीक है, और आपको पता है सामने मेडिकल इलाज है, आप अपना मेडिकल इलाज करवाएंगे बच्चे का, चाहे वो कितना शकुक शुबात वाला क्यों ना हो. लेकिन अगर आप वो शकूक और शुबात वाला इलाज छोड़ देते हैं और आप किसके पास किसकी बातों में आ जाते हैं, नीम हकीम की चेयरफुल बातों में आ जाते हैं. तो बैजो जी क्राइस्ट को हमने दुआ करनी है बैठ कर, अभी सारे हालात ठीक हो जाएंगे. क्राइस्ट से बैठ के अभी दुआ करते हैं, सारे के सारे बाकी जो हैं जो गैर क्रिश्चियन है मर जाएंगे. आओ जी क्राइस्ट के सामने दुआ करते हैं, सारे हालात ठीक हो जाएंगे. ये केयरफुल बातें हैं ना, ये खुशगवार बातें. ठीक, वो कहते हैं अगर आप उसको छोड़ देते हैं और आप केयरफुल बातों पर यकीन रखते हैं, खुशगवार बातों पर यकीन रखते हैं और क्वैक के पास जाते हैं नीम हकीम के पास, एंड योर चाइल्ड कॉन्सिक्वेंटली डाइज, और नतीजतन आपका बच्चा अगर मर जाता है, यू आर नॉट एक्सक्यूज्ड बाय द प्रिजननेस, तो आपका बहाना काबिले कबूल नहीं होगा
आपका बहाना काबिले कबूल नहीं होगा। आप इस यकीन का इन द क्वैद के साथ क्वैद पर यकीन का बहाना काबिले कबूल नहीं होगा वाइल एक लास्ट जो आप अगर दोहराते भी रहें। बच्चा बीमार है आपका, मेडिकल का इलाज शकुक शुबात वाला है, सही वही है। अगर आप वहाँ नहीं लेकर जाते और आप बाज़मीर हैं और बच्चे को लेकर जाए नीम हकीम के पास, क्योंकि उसकी बातें बड़ी केयरफुल थी और नतीजतन बच्चा आपका मर गया, तो फिर अब आपको ये जेब नहीं देता कि आप दोहराते फिरे। अब क्या करें जी, हकीम साहब हमारे दोस्त जो हुए, हकीम साहब की बातें बहुत अच्छी जो है, हम क्या करें, इसलिए हमने बच्चा मरवा दिया। नीम हकीम की वजह से मर गया ना बच्चा, बीमारी का इलाज होता है ठीक है, बीमारी का इलाज मलेरिया है सपोज बच्चे को, उसके इलाज डॉक्टर के पास है, उसके बाद पादरी के पास ले जाकर आप उसको फूका मरवा दें, ठीक है। बच्चा घर है तो वो लटका हुआ हो मरा हुआ हो, फिर आप ये कहें आप पादरी साहब के साथ हमारी दोस्ती जो है नहीं, अगर बाज़मीर आप हैं आप कहें नहीं पादरी अब गलत है, अब अगला कोई आदमी पादरी के पास नहीं जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा था, पूरे ऑस्ट्रेलिया वालों को मैसेज भेजा गया कि हम लोग चले गए हैं राम के पास मंदिरों में, दुआ कर रहे करें कि जीत जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा कि हम भी चर्च में गए हुए हैं, देखते हैं। और फिर कौन इंडिया जीत गया, मैंने ऑस्ट्रेलिया वालों से कहा, मैंने कहा मन्नो के राम गागा है, तुझे अपने चर्च छोड़ो हूँ घबरा चर्च हूँ, तुझे मंदिर ही बढ़ जाओ, कल पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह तो मस्जिद में आ जाना, हमारे दिन तो खुले, हम तो मुसलमान करने के लिए तैयार है, हम तो इंसान की रूह भी नहीं छोड़ते, हम तो गांधी की रूह को मुसलमान करने में तुले हुए हैं। रसल इज माई ट्विन ब्रदर, वो पहले आ गया हम बाद में आ गए, मुसलमान है ठीक है जी, बंदा ठीक है मुसलमान आदमी है, बंदा वैसे गलत जगह पैदा हुआ है, रूह तो उसकी सही है। इस पीपल लव ह्यूमैनिटी, अगर लोग इंसानियत से मोहब्बत करते हैं एज जेन्युइनली वाकई एज ए लव देयर चिल्ड्रन, ऐसे जैसे वो अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, अगर आप इंसानियत से ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, दे वुड बी एज अनविलिंग इन पॉलिटिक्स एज इन द होम टू लेट themselves be deceived by comfortable fairy tales. अगर बाकी लोग मोहब्बत करते हैं अपने तमाम इंसानियत से तो वो फिर सियासत को देखेंगे, वो साइंस को देखेंगे, ना कि वो घर बैठ कर वो परियों जैसी एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं। अब भी आपके लोग कहते हैं कोई तो बैठने से कुछ नहीं होता, पहले लोग कहते कि हाँ जी यार कारोबार शुरू किया है दुआ करो, सारे कहते दुआ करो जी दुआ करो, दूसरा आदमी होता है कि बच्चा जवान होता दुआ करो जी, पढ़ने चला गया दुआ करो, रिजल्ट आना है दुआ करो, आप ये नहीं कहते, आप कहते दुआ भी दवा भी, अब ये रोक कॉल आ गया है और सर ये रेजुअली आगे जाके कहेंगे ओ जी दुआ छोड़ो दुआ दवा दवा, फिर आगे दुआ, ये ऐसे से लेकर आना है ना उन्होंने आपको, ठीक है। हर धन घोड़े आते हैं धीरे धीरे रास्ते पर, हक के रास्ते पर तो नहीं आते क्रिश्चियन, हक के रास्ते पर आ जाए सीधे, हमने सारे मॉडल दिए हुए हैं, सब चीज बेहतर बनाई हुई है। हाँ जी, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अगला पॉइंट ये है, ऑल फैनेटिकल क्रीड्स डू हार्म, तमाम तासुब वाले जो अकीदे हैं फिरके हैं वो नुकसान देते हैं, दिस इज ऑब्वियस व्हेन दे हैव टू कम्पीट विद अदर फैनेटिज्म, और ये उस वक्त सामने आ जाती है बात जब वो मुकाबला करते हैं किसी दूसरे तासुब वाले फिरके के साथ। तमाम फिरके तासुब वाले फिरके नुकसान देते हैं, सब पता चलता है नुकसान देते हैं जब वो मुकाबला करते हैं किसी और फिरके के साथ। Since in that case they promote hatred and strife, और इस मामले में वो नफरत बढ़ाते हैं और मुश्किल बढ़ाते हैं, strife, नफरत और मुश्किल बढ़ाते हैं, कौन कौन फिरके,
But it is true even when only one fanatical creed is in the field. अगर पूरी दुनिया में एक भी ताश्तुब वाला फिरका हो तो वो भी नफरत फैलाएगा। क्रिश्चियन कहते हैं वी आर द चूजन पीपल और पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी ही होगी। राइटर कहते हैं अगर पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी भी हो जाए सिर्फ एक फिरका रह जाए बाकी सारे फिरके खत्म हो जाएगा तो फिर भी नुकसान होगा। ये नफरत फैलाएंगे फिर भी नफरत फैलाएंगे उनके ताश्तुब है क्योंकि ये अपने आप को बेहतर समझते हैं। जो अपने आप को ही सिर्फ बेहतर समझेगा वो अगर आप लोग तमाम बैठे हुए हैं और तमाम लोग ये कहना शुरू कर दें कि सिर्फ मेरा अबू ही ठीक है अच्छा है तो लड़ाई है किसी की। हर एक का अबू अच्छा है आपको कहना पड़ेगा या आपको डेफिनेशन करनी पड़ेगी। अबू सबसे अच्छे होते हैं अबू अच्छे होते हैं अब कहना पड़ेगा। अगर आप इस पर इत्तेफाक नहीं करते तो फिर तो वैसी बात है सारे कहेंगे। और अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया कि सिर्फ एक ही फिरका रह जाए ताश्तुब वाला तो वो भी नफरत पैदा करेगा किसके खिलाफ जो फिरके से बाहर है जो किसी फिरके को नहीं मानते जो लिबरल हैं उनसे लड़ाई हो जाएगी उनकी। दुनिया में सबसे बड़ा मजहब सारी फरदैज नेट के मुताबिक नेट की कैलकुलेशन के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बुद्ध मत है। चाइना रशिया जापान हिंदुस्तान बुद्ध मत बुद्धिज्म। दुनिया का दूसरा मजहब बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी है। थर्ड नंबर पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मजहब है लेकिन ये बढ़ेगा इस बार ठीक है। इट कैन नॉट अलाउ फ्री इंक्वायरी और क्योंकि ताश्तुब वाला एक फिरका भी हो क्यों नफरत पैदा करेगा क्योंकि ये फ्री इंक्वायरी की इजाजत नहीं देता। क्या नहीं करता फ्री थिंकिंग की इजाजत नहीं देता ताश्तुब वाला जो फिरका होता है। फिर जिस माइट शेक सोल इसलिए इजाजत नहीं देता फ्री थिंकिंग की कि कहीं उसकी ग्रिप कमजोर ना पड़ जाए क्योंकि उसकी ग्रिप कमजोर ना पड़ जाए किसकी मजहब की। देखो क्रिश्चियनिटी में ये कंसेप्ट था कि जमीन साकिन है पूरी कायनात उसके गर्द गर्दिश कर रही है तमाम स्टार्स उसके गर्द गर्दिश कर रहे हैं। अब जब फ्री थिंकिंग वाले लोग है कॉपरनिकस या ब्रेनो जब ये फ्री थिंकिंग वाले आए तो क्रिश्चियनिटी ने क्या किया ब्रेनो को जिंदा जला दिया गैलीलियो गैलीली को उन्होंने नजर बंद कर दिया कॉपरनिकस को नजर बंद कर दिया। क्यों क्योंकि अगर ये कंसेप्ट प्रगेड हो जाता बन जाता ये कंसेप्ट सामने आ जाता तो क्रिश्चियनिटी के साथ झगड़ा हो जाता क्रिश्चियनिटी की ग्रिप कमजोर पड़ जाती और पड़ गई। फ्री थिंकिंग करने वाला गैलीलियो था फ्री थिंकिंग करने वाला डार्विन था। डार्विन ने जब फ्री थिंकिंग की है सामने आया है क्रिश्चियनिटी के सर पर उसने बैंड किया है धमाके किए हैं उसने क्रिश्चियनिटी का सारा कंसेप्ट टूट गया है तब से रिलीजन क्रिश्चियनिटी कमजोर पड़ गई है। क्योंकि रिलीजन इसीलिए एक भी रिलीजन दुनिया में हो एक तंत ना हो बाकी सारे खत्म हो जाए तो फिर भी रिलीजन जो है फ्री थिंकिंग की इजाजत नहीं देगा। फ्री थिंकिंग करेंगे तो आप सवाल उठाएंगे ठीक है। मेरे भाई ने मौलवी साहब से पूछा मौलवी साहब अल्लाह ताला कमी पेशी माफ करे कि बताइए अब वो बच्चा है उसके जहन में सवाल आ गया उसे बताइए कि गॉड कैसे क्रिएट हुआ। उसने कहा अच्छा उसने कहा ये बताइए चलो ये बात छोड़ देते हैं उसने कहा ये बताइए कि कायनात कैसे क्रिएट हुई किसने बनाई कैसे बनाई कैसे बताया लाजमी तो नहीं कि गॉड ने बनाई हो। मौलवी साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उसने कहा देखें ये एयर कूलर है ये घड़ी है इन तमाम चीजों को बनाने वाला कोई तो है ना बगैर इसके तो नहीं बनी हर चीज का बनाने वाला कोई है तो समझे कोई ताकत है जिसने कायनात को बनाया है। मेरे भाई ने कहा उसने कहा फिर उसको किसने बनाया वो अगर है फिर उसको भी किसी ने बनाया है। अब ये सवाल मुश्किल हो गया जवाब इसका मुश्किल है कैसे जवाब दें लेकिन ये फ्री थिंकिंग है। अगर ऐसे बच्चे को सही तरह से हम कंट्रोल नहीं करेंगे नहीं समझाएंगे कोई आर्गुमेंट नहीं दे सकेंगे क्योंकि ये फ्री थिंकिंग है। अब हमारे पास तो लॉजिक नहीं है हम जवाब क्या दें ऐसे बच्चे को तो हम मजबूर हो जाएंगे और इसीलिए
हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, जब कोई ऐसा सवाल फ्री थिंकिंग वाला उठाता है हम उसे कहते हैं बाबा ये बात नहीं करनी, चुप कर जा बाबा, ये गुनाह होता है, ये बड़ी मुनाफ़त, ये गलत बात है, शिर्क है, ऐसे नहीं कहना, और बाकी जो बातें पूछनी है पूछो, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाना। क्यों कहते हैं? इसलिए रोकते हैं उसे कि फ्री थिंकिंग ना करे, फ्री थिंकिंग करेगा तो क्वेश्चन रेज करेगा फिर दोबारा। तो तमाम रिलीजन, चाहे एक रिलीजन भी क्यों ना हो, वो फ्री थिंकिंग की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि फ्री थिंकिंग से क्या होगी, रिलीजन की होल्ड कमजोर हो जाएगा, उसकी ग्रिप कमजोर हो जाएगी। लेकिन सर गलत तो नहीं है, रिलीजन उसको आया नहीं है, उसको ऐसी कोई ठीक है, ये तो आपका यकीन है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर रिलीजन से आउट हो जाएंगे, पर वक्त हर किसी के अपने अपनी सोच है, व्यक्ति वेर फ्रॉम आई एम स्टॉप एट मस्ट अपोज इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस। ये एक फिरका जो होगा ये भी अकली तरक्की को रोक देगा, इफ एज इज यूजुअली द केस, जैसा कि अक्सर होता है, इट इन्वॉल्व्स अ प्रीस्टहुड, ये प्रीस्टहुड जैसा कि अक्सर होता है पादरियत के अंदर, जैसा कि अक्सर पादरियत में होता है, इट गिव ग्रेट पावर टू अ कर्स, ये बहुत ज्यादा ताकत अगर हासिल हो जाए किसी जमात को प्रोफेशनली डेवलप टू मेंटेनेंस ऑफ द इंटेलेक्चुअल स्टेटस। क्यों? क्यों का मतलब बालिहाल, वो इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा बेहतर मकाम पर पहुंच जाती है एंड टू अ प्रिटेंस ऑफ सर्टेनिटी, और वो ताकुन का दावा कर देती है, यकीन का दावा कर देती है, वेयर इन फैक्ट देयर इज नो सर्टेनिटी, यहाँ पर दर हकीकत कोई ताकुन या यकीन नहीं होता। राइटर ने ये कहा है, उसने कहा कि पादरियत जब किसी सियासी जमात के साथ मिल जाती है तो उसको ऐसी हवा देती है और उसके साथ ऐसी बातें जोड़ देती है कि लोगों को उस पर यकीन हो जाता है, लोग फिर अक्ल से नहीं सोचते, लोग कहते हैं बस ये खुदाई मखलूक है, खुदाई लोग है, चूजन पीपल है। जब ये हो जाता है जहाँ पर यकीन करने की कोई गुंजाइश भी ना हो वहाँ पर भी यकीन कर लिया जाता है, पॉइंट ये है। नहीं, सिंपल मतलब उसने ये कहा है, उसने कहा है कि रिलीजन के अंदर यकीन को फैलाया जाता है, हर शख्स को यकीन की तरफ लेकर जाया जाता है, हर शख्स को कहा जाता है कि वो बाइबल पर यकीन रखे, वो क्राइस्ट पर यकीन रखे, उस पर ईमान ले आए। जब यकीन की बात करते हैं तो उसे अक्ल से आप खाली कर देते हैं, और वो ऐसी चीजों पर भी यकीन करना शुरू कर देता है जिसमें अक्ल नाम की कोई चीज नहीं होती, जहाँ यकीन करने की कोई जरूरत नहीं होती वहां भी यकीन कर लेता है। ठीक है, यकीन की बात अब देखें, इमोशनल यकीन और इमोशनल, ठीक है। अब जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, अब एक फिरका हमारे यहाँ ऐसा भी है, पुराने पीर हजरत अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में ये बड़ी मशहूर मिसाल है कि वो जिंदों को मुर्दा करते थे और मुर्दों को जिंदा करते थे, सारी बात मुर्दों को जिंदा करते थे सुबह, और जब बच्चे थे खेलते थे सुबह सुबह जाके या शाम को जाके खेलते थे, बच्चे सामने बिठा रहे जाओ, कहते जी सो जाओ, वो सारे बजे सो जाते हैं, फिर उठ जाओ, सारे उठ जाते हैं। एक औरत का बच्चा मर गया, उसने बच्चे को लेकर गई और उस बड़ी देर रही थी, किसी ने कहा कि वहाँ अब्दुल कादर जिलानी साहब जो है वो ठहरे हुए हैं, आप वहाँ पर बच्चे को सुला दें, जब सारे कहें सो जाओ तो हो सकता है उठ जाए। और उसने माई ने बच्चे को सुला दिया, उसने सो जाओ, सारे सो गए, बच्चा भी साथ लेटा हुआ था, उसने उठ गया तो बच्चा भी उठ गया, ठीक है, बच्चा भी साथ उठ गया। इमोशनल है, मजा आता है ये सुनकर, यकीन है, किराने पीर है, यकीन है, यकीन किसने बनाया, मास्टर ने आपका बना दिया, यकीन हो गया। हालांकि साफ कहा गया है कि जिंदगी और मौत गॉड के हाथ में, लेकिन फिर भी यकीन हो जाता है उस पर, यहाँ पर अक्कल बिल्कुल नहीं,
वहां भी हम बिल्कुल ध्यान यकीन करने के सुखी नहीं, मतलब फिर भी यकीन कर लेते हैं। मैं यकीन और जज्बात की बात यूँ कहूंगा, एक जगह पर सेमिनार था, मुझे उन्होंने कहा मैं वहाँ होम ट्यूशन पढ़ा था, उन्होंने कहा भुट्टा साहब शाम को आना, शाम को कलंदर पार्क का जो है हमारे यहाँ यहाँ पर तकरीब है, उर्स है, उनकी बर्थडे मनाई जा रही है। मैं पहुंच गया और फिर मैं भी मलंग स्टाइल का आदमी हूँ, मैं वहाँ आगे के जाके बैठ गया तो वहाँ पर बड़े बड़े फनकार आए हुए थे और वो कोई सिंगर की फीमेल भी मेल भी गाने भी कह रहे थे, साथ धमाल भी कह रहे थे और सब कुछ, वाजू बड़ी रौनक थी और लोगों ने भी बाद में एहसास हुआ कि वो बड़े जज्बाती हुए हुए थे और बड़ा पिंडाल था। लोग बहुत स्टेज पर उमड़ जाते और खड़े हो जाते, स्टेज पर बंदा है उसने कहा देखो सारे बह जाओ आराम में बह जाओ, लोग फिर ऐसे थोड़ा सा बैठते आधा फिर खड़े हो जाते फिर आगे आते बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, वो फिर बैठ के फिर खड़े हो जाते। एक आदमी उसने कहा ओए सोनू गाजी हुसैन की कसम बैठ जाओ, लोग फिर बैठ के 10 मिनट पर खड़े हो गए। अरे मुश्किल और है, उसने कहा तुम्हें कलंदर पाक का वास्ता बैठ जाओ, कलंदर पाक का वास्ता दिया तो लोग बैठ गए, बैठ गए तकरीब भी कलंदर पाक किया, अब उसका नाम आ गया, फिर खड़े हो गए। ओए होए बंदा आया नी जज्बाती हो कैसे, उसने कहा ओए तुम सारे जगह खलोते हो तुम सारे नु कलंदर पाक दे नालैन की कसम बैठ जाओ, सारे बैठ गए। कलंदर पाक की कसम मैंने कुछ नहीं है राजे बाजी के, कलंदर पाक के नालैन की कसम आ गई, सारे बैठ जाओ। तो ये क्या बात हुई, जज्बाती ताकुन यकीन, जहाँ यकीन की गुंजाइश भी नहीं है वहाँ यकीन कर लेते हैं और फिर बाद में यकीन की वजह से क्या होती है, लड़ाई होती है। वेरी ऑफन द एलिमेंट ऑफ अटर इन द फनेटिकल डॉक्ट्राइन बिकम्स प्री डोमिनेंट, अक्सर तौर पर नफरत का जो एलिमेंट है और फनेटिकल डॉक्ट्राइन और ये जो तस्वी अकीदे हैं ये प्री डोमिनेंट, ये डोमिनेंट हो जाते हैं। पीपल हु टेल यू दे लव द प्रोलेटेरियट, लोग जो आपको बताते हैं कि वो गरीब तबके से मोहब्बत करते हैं, ऑफन इन फैक्ट ओनली, अक्सर वो ये हकीकत जानते हैं, ओनली हे दरिच, अक्सर उनके अंदर हकीकत ये है कि वो अमीरों से नफरत करते हैं। वो लोग जो कहते हैं कि हमें गरीबों से मोहब्बत है, दर हकीकत उन्हें गरीबों से मोहब्बत नहीं है, उन्हें अमीरों से नफरत है, ये तासुर है। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए हमें गरीबों से मोहब्बत है, उन्हें फिर कहना चाहिए हमें इंसानों से मोहब्बत है। Some people who believe that you should love your neighbor, कुछ लोग जो ये यकीन रखते हैं, कुछ लोग जो ये यकीन रखते हैं कि हमें बने हमसायों से मोहब्बत करनी चाहिए, एज यूर सेल्फ, इतनी मोहब्बत करनी चाहिए जितनी हम अपने आप से करते हैं, थिंक इज राइट, वो ये सही समझते हैं टू हेट दोज, कि उनसे नफरत की जाए, हु डू नॉट डू सो, जो ऐसा नहीं करते, यानी कि हमसायों को से मोहब्बत नहीं करते। राइटर कहता है वो लोग जो कहते हैं कि हमसायों से मोहब्बत करनी चाहिए, दरहकीकत वो ये कह रहे हैं जो हमसायों से मोहब्बत नहीं करते हमें उनसे नफरत है। As these are the vast majority, क्योंकि ऐसे तासुबी लोग ज्यादा तादाद में हैं, ज्यादा तादाद में हैं, रिलीजियस लोग ज्यादा तादाद में हैं, तासुब फिरके वाले लोग ज्यादा तादाद में हैं। No notable increase of loving kindness results, living loving results। इसीलिए कोई भी खास कर मोहब्बत वाली हमदर्दी नतीजा तन वजूद में नहीं आती, इसीलिए कोई खास हमदर्दी वाली मोहब्बत वजूद में नहीं आती। फ्रॉम द क्रीड उनके अकीदे से, क्योंकि तासुब वाले फिरके ज्यादा हैं, तासुब वाले लोग ज्यादा हैं, रिलीजियस लोग ज्यादा हैं, यकीन वाले लोग ज्यादा हैं, इसीलिए वो जब एक बात कहते हैं तो उसके पीछे बिल्कुल अपोजिट और भी होता है। हमसायों से मोहब्बत करने वाले असल में जो हमसायों से मोहब्बत नहीं करते उनसे नफरत करना चाहते हैं, गरीबों से मोहब्बत करने वाले असल में अमीरों से नफरत करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये फिरके मौजूद भी हों तो इनके होते हुए क्या कोई भी अच्छाई बेहतरी पैदा नहीं हो सकती। द
the crimes of science are due to the substitution of observation. जीत साइंस की जीत वो है ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन, वो फ्रायज की रहेगी ऑफ ऑब्जर्वेशन मुशाहदे एंड इंफेरेंस फॉर अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी का महकूम लिए हुए नहीं है। साइंस की जीत ये है, साइंस का कमाल ये है कि इसके अंदर मुशाहदा है, इसके अंदर फ्रायज की रहेगी है, लेकिन इसके अंदर अथॉरिटी नहीं है। साइंस ये नहीं कहती जो मैंने कह दिया ये हक नहीं है, इसके बाद ना कोई ऐसी बात कर सकता है ना करेगा, ये साइंस नहीं कहती। साइंस की नहीं है तो फिर ला दो भाई कपड़े कपड़े सारे साइंस के बना दिए हुए हैं, पत्ते बांधे every attempt to revive authority in intellectual matters, हर एक कोशिश अथॉरिटी को बनाने की हर एक कोशिश इन इंटेलेक्चुअल मैटर्स अकली मामला में इज रिट्रोग्रेड स्टेप, एक शिकस्तगी की तरफ सफर होगा। हर एक चीज जो अथॉरिटी की तरफ ले जाती है वो हमें तनजली की तरफ ले जाएगी। जब आप अथॉरिटी बनाते हैं तो आप तनजली की तरफ जाते हैं, ऐसे जैसे कि आपने ये अथॉरिटी बना दी कि घर के अंदर सिर्फ वालिद साहब ही फैसले करेंगे और उन्हीं के फैसले ही ठीक होंगे, तो आपके खानदान में एक चाचा भी जो है अगर वो कहता है उसने तो फैसला दिया है तो आप तो नहीं मानेंगे, आपके चाचा के बेटे और आपके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे हमारी अथॉरिटी होगी, हमारी अथॉरिटी है दुनिया के अंदर, इसकी अथॉरिटी है दुनिया के अंदर, राम की अथॉरिटी है दुनिया के अंदर, बुद्ध की अथॉरिटी है, तो दुनिया के अंदर ये सारी अथॉरिटी जो इनकी वजह से लड़ाई है, तो जो चीज ये अथॉरिटी लेकर जाएगी वो एक लड़ाई पैदा करेगी। और साइंस में ये खूबी है, ये नहीं कहती कि डार्विन एंड है, एरिस्टोटल एंड है, मगर एरिस्टोटल के आगे कोई बात नहीं करता, शेक्सपियर के आगे बहुत अच्छी बात कोई नहीं कह सकता, हमारे यहाँ आपके यहाँ इकबाल जैसा फिर इकबाल नहीं पैदा कर सके, दो सदियां गुजरने को आई हैं, क्यों शेक्सपियर से बेहतर शेक्सपियर आ गए हैं, कई बेहतर बेहतरीन साइंटिस्ट से बेहतरीन आ गए हैं, हमने क्योंकि यकीन कर लिया कि उससे बेहतर नहीं हो सकता तो नहीं आने दिया। गलियों कूचों में मर गए हैं कई इकबाल, उनको मौका ही मिला, उनको माना ही नहीं गया, यकीन की वजह से, तासुब की वजह से। तो अथॉरिटी नहीं बनानी चाहिए, अथॉरिटी नहीं बनानी, वो कह रहे फसल कहते हैं अथॉरिटी नहीं माननी नहीं बनानी, डेमोक्रेसी हर शख्स साइंटिफिक एटीट्यूड स्टैंडर्ड नहीं अथॉरिटी, जो उसने जो कह दिया वो हक नहीं है, बात बुड्ढा साहब ने जो कह दिया यही बात ही दिखी, ये गलत है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे स्कॉलर्स सामने बैठे हुए लोग जो अपने नाम के साथ स्कॉलर लिखते हैं, मैं तो स्कॉलर इन्वेंट करता हूँ, तो मेरे जो स्कॉलर्स हैं ये मुझसे बेहतर बात कर सकते हैं, करते हैं, कई बार मैं आप लोगों से सीखता हूँ, आप बड़ी अच्छी बातें कर जाते हैं, थोड़ा सा तो खुश हो जाए। ठीक है, गाय को हमेशा लगता है कि पटरियाँ मेरे लिए बिछाई गई है, मैंने वो आपकी बात की है, हम तो गाय की बात कर ही नहीं रहे, आपको लग रहा है कि हम उसकी बात कर रहे हैं ना, तो आपको यूँ लग रहा है कि जैसे सारी पटरियाँ और ट्रेनें मेरी नहीं है। एंड इट इज पार्ट ऑफ द साइंटिफिक एटीट्यूड दैट द प्रोनाउंसमेंट ऑफ साइंस डू नॉट क्लेम टू बी सर्टेन, और ये साइंस का एक रवैया है कि इसके अंदर दावे साइंस के जितने भी होते हैं डू नॉट क्लेम टू बी सर्टेन, जितने भी इसके अंदर थ्योरीज हैं वो ये क्लेम नहीं करती कि वही ही हकीकी और आखिरी और असली है, यकीनी है। साइंस की हर इन्वेंशन, साइंस की हर थ्योरी वो ये नहीं कहती कि मैं ही हतमी हूँ, वो कहती है आप इसके अच्छे दलायल ले आए, इससे अच्छी बात करें तो आपकी बात ठीक है, साइंस ये कहती है, साइंस की ये खूबी है। तो साइंस की ये खूबी से क्या फायदा होगा, चलो मुझे कोई एक जवाब दे, मैं 10 रुपीज दूंगा। द
साइंस सिर्फ खूबी से की वो थॉट ही नहीं बनती, बल्कि हर नए आने वाले को कहती है चलो तुमने अच्छी बात की, अब तुम्हारी बात ठीक हो गई। लड़ाई खत्म हो गई। मैं कहता हूँ जब ये कहते कि मेरे बाद कोई भी कोई बात अच्छी नहीं कह सकता, अगर कहीं पर किसी ने अच्छी कह दी तो लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि जी उसने अच्छी हो नहीं सकती, हम मार देंगे काट देंगे आपको, तो लड़ाई हो जाएगी ना। तो साइंस ये नहीं कहती, साइंस कहता है कि नहीं, जो अच्छी बात कहेगा मुझसे अच्छी बात कहेगा उसकी बात आगे बढ़ाएंगे। साइंस अथॉरिटी नहीं बनती, अथॉरिटी ना बनना लड़ाई खत्म होना। बट ओनली टू बी द मोस्ट प्रोबेबल ऑन प्रेजेंट एविडेंस, और ये बात वाजे है, बल्कि साइंस ये कहती है ओनली टू बी मोस्ट प्रोबेबल, साइंस कहती है अथॉरिटी नहीं, साइंस कहती है ये मोस्ट प्रोबेबल है, ज्यादा तकरीबन ठीक है, प्रेजेंट एविडेंस पर मौजूदा सूरत हाल में ये बात ठीक है। साइंस ये नहीं कहती कि हमेशा हमेशा के लिए यही बात ही ठीक है, साइंस कहती है मौजूदा एविडेंस में, मौजूदा दलाइल में यही बात मोस्ट प्रोबेबल है। क्या मतलब है मोस्ट प्रोबेबल का? ज्यादा ठीक है। One of the greatest benefits that science confers upon those, एक सबसे बेहतरीन बेनिफिट जो साइंस ने हमारे ऊपर इनायत किया है, who understands this thing, जो साइंस की रूह को सही समझता है, is that वो जानता है कि वो फायदा ये है, it enables them to live without the greatest thought of subjective certainty, कि साइंस ने इंसान को इस काबिल किया है कि वो जिंदा रह सके बगैर किसी दिलुस्त सपोर्ट, बगैर किसी पुरफरेब सपोर्ट के। साइंस ने इंसान के अंदर ये काबिलियत पैदा की है कि बगैर किसी पुरफरेब सपोर्ट के इंसान जिंदा रहे। आप सब्जेक्टिव सर्टेनिटी, जाती किसी यकीन के, जाती किसी यकीन की पुरफरेब कहानी के अंदर इंसान जिंदा रहे, साइंस ने उसको इस चीज से निकाल दिया है। देखो भाई बलूचिस्तान के अंदर लोग हैं, यकीन कीजिए अपनी आंखों से देखिए, बलूचिस्तान के अंदर लोग हैं, उनका पीर आता है वहां पर जो 10 साल के बाद आता है और वो तवीज बनाकर रहता है, उन्होंने तवीज पहना हुआ है कि वो ये तवीज है, अगर ये तवीज पहना हुआ हो तो गोली भी आपको मारेगा कोई तो गोली नहीं लगेगी, उनका यकीन है। अब ये उनका यकीन है, तो अगर उसे कभी गोली मार दी जाए, कितने लोग ये हैं जो आप कहते हैं कि उसे गोली मारेगा गोली नहीं लगेगी, लगेगी ना, ज्यादा यकीन है। आप साइंटिफिक हो चुके हैं, आप इसी पुरफरेब कहानी में नहीं रहते। हालांकि जब मैं बलूचिस्तान में था तो मेरी एक्सट्रीम ख्वाहिश थी कि मैं उस तीर का वेट करूं और वो आए तो एक नई बनवा लूं। बात सिर्फ ये है कि साइंस ने हमें इस काबिल बताया है कि अब हम बगैर किसी पुरफरेब सपोर्ट के जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। अब एक राम वाला है, वो सारे चल रहे होते टीवी चैनल पर कि राम का ये बना हुआ डंडा है, राम का ये बना हुआ खुरपा है, राम का ये बना हुआ पंजा है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, पाकिस्तानी बना रहे हैं, ठीक है। वो जो अल्लाह के नाम वाला लॉकेट है वो बड़ा मैं उसे मुकद्दस समझता हूँ, लेकिन मुझे रोजाना उस पर भी आया होता है, मैसेज आया होता है, एक अल्लाह के नाम वाला लॉकेट है, असल कीमत 2500 रुपया, 200 रुपए में बेचने के लिए तैयार है बंदा, अगर आपने लेना हो बताएं। यार ये कौन सा कारोबार शुरू हो गया है अल्लाह के नाम पे? हाँ ओके, कहने का मतलब ये है, दरअसल ये कहता है कि जितने भी रिलीजन हैं, ये अनदेखी ताकत को अपने साथ रखकर जिंदगी जीते हैं, और लेकिन साइंस ने अब इंसानों को इस काबिल कर दिया है कि वो किसी अनदेखी पुरफरेब ताकत को साथ लिए बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। तुम्हारी बात को कैसे जवाब देना चाहिए?
That is why science cannot favor persecution. इसीलिए साइंस जो है वो फेवर नहीं करती जबर की। साइंस जबर को फेवर नहीं देती, जुल्म को फेवर नहीं देती। साइंस जुल्म को फेवर नहीं देती, ठीक है, क्योंकि सामने जो चीज है उसी को बयान की जाती है। द डिजायर फॉर नेटिकल क्रीड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ईविल ऑफ अवर टाइम। किसी भी तासुब वाले अकीदे को ज्वाइन करने की ख्वाहिश, ये बड़ी बुराइयों में से एक बुराई है। There have been other aids with the same degree। यहाँ पर बहुत सारे और भी अदवार गुजरे हैं, वक्त गुजरे हैं जब ऐसी बीमारियां लाहक थी। ये कोई नई बीमारी नहीं है, पहले भी ये बीमारियां होती थी। द लेट रोमन एम्पायर अब ये बता रहा है कि दूसरे जो अदवार थे, दौर थे, उसके अंदर भी ऐसी बीमारियां लाहक थी। द लेट रोमन एम्पायर और बहुत पहले रोम के तख्त में एंड द 16th सेंचुरी आर द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल्स। और 16वीं सदी में भी ऐसी चीजें रूनुमा होती रही है। आमना कोई है जी? When Rome began to decay, जब रोम तबाह होना शुरू हुआ, रोम इज द नेम ऑफ अ स्टेट, जब तबाह हुआ, एंड व्हेन इन द 3rd सेंचुरी और 3rd सदी में बारबेरियन इरप्शंस प्रोड्यूस्ड हियर, और वैशी कबीलों ने, जब बारबेरियन वैशी, कुनान द बारबेरियन एक मूवी है आर्नोल्ड की, वो देख लें, आपको बारबेरियन कितने वैशी थे आप देख सकते हैं उसमें। तो बारबेरियन अरप्शन हमले, जब बारबेरियन ने वैश्याना हमले किए, तो इससे पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ? प्रोड्यूस फेयर, कौमों के अंदर खौफ पैदा हुआ, एंड इम्पोवर्शमेंट और अफलाक पैदा हुए। मैन बिगिन टू लुक फॉर सेफ्टी, इंसान ने तहफ़ुज़ वाली जगह की तलाश शुरू कर दी। इन अनदर वर्ल्ड, किसी और दुनिया में, बता रहा है जन्नत कैसे आई, ये जन्नत का कंसेप्ट कहाँ से आया, ये रिलीजियस तबके कहाँ से आए, और फिर बाद में इनके साथ लड़ाई कैसे पैदा हुई थी आपस में। कह रहा है कि उस वक्त पैराडाइज आई जब इंसानों ने दूसरों पर हमले किए, और जब हमले किए तो इंसान खौफजदा हो गया और हमलों का मुकाबला नहीं कर पाया, तो उसने नई दुनिया की तलाश शुरू कर दी। और प्लेटोनिस और अफलातून के जो पैरोकार थे, प्लेटो के जो पैरोकार थे, फाउंडेड इन फ्रैक्यूज इटर्नल वर्ल्ड, उन्होंने इस नई जन्नत को पा लिया। कहाँ पर? प्लेटो की जन्नत में, प्लेटो की दुनिया में, प्लेटो की जो इटर्नल वर्ल्ड थी, जो रिपब्लिक में थी, प्लेटो को मानने वालों ने दुनिया पा ली अपनी, जन्नत पा ली अपनी, कहाँ? प्लेटो की दुनिया में। द फॉलोअर ऑफ मिथ्रा, और मिथ्रा ये भी गॉड है, मिथ्रा के जो मानने वाले थे, इन सोलर पैराडाइज, मिथ्रा वालों ने अपनी जन्नत बना ली, कहाँ? सूरज में। एंड द क्रिश्चियंस इन हेवन, और क्रिश्चियंस ने भी अपनी एक जन्नत बना ली। ये जन्नत क्यों बनाई? क्योंकि उनको जिंदगी की अनसर्टेनिटी लाहक हो गई थी, जिंदगी उनके लिए सर्टन नहीं रही थी, जिंदगी की खुशहाली खत्म हो गई थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नई दुनिया का इन्वेंट कर ली, नई दुनिया में जानना पसंद किया, और एक पैराडाइज टाइप कोई चीज तलाश करी। क्रिश्चियंस वॉन, आखिरकार क्रिश्चियन जीत गया, लार्जली बिकॉज देयर डॉग्मेटिक सर्टेनिटी वाज द ग्रेटेस्ट। क्रिश्चियन इसलिए जीत गए क्योंकि उनके मजहबी अकैद ज्यादा ताकुन वाले थे, ज्यादा यकीन वाले थे, इनको ज्यादा यकीन था उस जन्नत पर। हैविंग वॉन, जीतने के बाद, दे स्टार्टेड प्रोसिक्यूटिंग ईच अदर। जब जीत गए, अकेले ही हाकिम थे, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को मारना शुरू हो गए, छोटे छोटे इख्तलाफात की वजह से क्रिश्चियन आपस में लड़ना शुरू हो गए। एंड हार्डली हैड लेयर टू नोटिस, इतना भी इनके पास वक्त नहीं था कि ये नोट कर सके, द बारबेरियन इन्वेडर्स एक्सेप्ट टू ऑब्जर्व दैट दे वर आर्यंस, कि बारबेरियन जो थे असल में वो हमलावर थे, और वो आर्यन भी ऐसे ही हमलावर थे।
250 के अंदर ही आए थे आर्यन. द एंशिएंट बेबिलोनियन वॉर ट्रोस हैकी और वो बहुत पहले ट्रोस हैकी थे, इनकलाब को रोकने वाले थे. यू हैव नो वरी, यू हैव नो नीड टू वरी योर सेल्फ. आपको इस कंटेंशन के अंदर वरी होने की जरूरत नहीं है. ये तारीख के हवाला जात है. जब तक इन कौमों की तारीख का पता नहीं चलेगा, प्रॉपर आप नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक ये लाइन समझ नहीं आएगी. लेकिन आप घबराइए नहीं, बस ये समझ लें वो ये कह रहा है बारबेरियन से, क्रिश्चियन से, आर्यन से, इन तमाम कौमों ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए अपनी जन्नत के लिए, अपनी जन्नत को बेहतर करने के लिए. The religious fervor of that time was a product of fear and despair. लेकिन इस दौर का जो मजहबी जोश जज्बा था वो उसकी वजह या मायूसी थी या खौफ था. जन्नत की तलाश क्यों की गई? उसी इलाके को, लंदन को ही जन्नत क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि वहां बनाने नहीं देते थे, हमले होते थे वहां पर, तोड़ फोड़ हो जाती थी बार बार. उन्होंने वो मायूस हो गए, डर गए और उन्होंने अपनी जन्नत किसी और जगह ख्याली जन्नत बना ली. सो इज द रिलीजियस फर्वर. ऐसा ही मजहबी जोश जज्बा है क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट ऑफ अवर एज. जिसका तारीख के अंदर ये जोश जज्बा रहा है, इसी तरह आज हमारे दौर में भी ये जोश जज्बा ऐसा ही है. और ये जोश जज्बा दो फिरकों में है. कौन कौन से फिरके हैं वो? कम्युनिज्म और कैथोलिसिज्म. इट इज एन इरेशनल रिएक्शन टू डेंजर. असल में कम्युनिज्म के साथ टच होना या कैथोलिसिज्म के साथ टच होना, ये हमारा एक गैर अकली किस्म का, ये हमारा गैर अकली एक रवैया है खतरात के खिलाफ. ठीक है, खतरात के खिलाफ एक गैर अकली रवैया है. ये क्या बात हुई? ये बात ऐसी हुई कि जापान के एक शहर के अंदर एक आदमी खड़ा हो गया और कहता है जी देखो सूरज निकला है. ये सूरज कौन निकालता है? देखो ये आसमान, देखो ये आसमान की छत किसने बनाई? देखो मैं सोच सकता हूँ, देखो मैं बात कर सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, देखो मैं दूसरे को देख सकता हूँ. ये तो हैरानकुन बात है. और उस सारे के सारे ये बात सोचने के बाद दख को सजदा कर ले, तुम क्या कहेंगे भाई? उस डेंजर, उस खतरे का ये गैर अकली किस्म का रवैया है, उस हैरानगी का गैर अकली रवैया है कि दख को सजदा कर दिया गया है. और भाई अगर आपको खतरा लाहक है तो खतरे का इलाज कीजिए, उसके ऊपर गैर अकली रवैया क्यों देते हैं? अगर आप हैरान है तो उसको एक्सप्लोर करके देखिए कि क्या है इसके अंदर. उसके बारे में गैर अकली रवैया देने के लिए आप राम के कदमों में जाके क्यों बैठ जाते हैं? It is an irrational reaction to danger, tending to bring about what it fears. ये गैर अकली रवैया है उस खतरे के खिलाफ जिससे वो डर रहे, जिस खतरे से वो डर रहे हैं उसी के बारे में ये गैर अकली रवैया है. डेड ऑफ द हाइड्रोजन बम प्रमोट्स फैनेटिसिज्म. एटम बम का खौफ ये तासुब पैदा करता है. एटम बम का खौफ दूसरों में तासुब पैदा करता है. ईरान कहता है कि क्यों अमेरिका के पास है, मेरे पास क्यों ना हो? उसे एटम बम का खौफ है ना, साइकोलॉजिकल एक बात है. एंड फैनेटिसिज्म इज मोर लाइकली देन एनीथिंग एल्स टू लीड टू एक्चुअल यूज ऑफ हाइड्रोजन बम. और फैनेटिसिज्म कोई और चीज नहीं है, बस ये फैनेटिसिज्म तासुब तो वो चीज है जो लीड करती है कि एटम बम को वाकई इस्तेमाल कर दिया जाए. अब मैं आपको समझा दूं, अमेरिका ने एटम बम बनाया, ईरान ने कहा एटम बम नहीं हो चाहिए, बार बार कहा, बार बार कहा, बार बार कहा, और क्या होगा? अमेरिका को आखिर उसके तासुब पर गुस्सा आ जाएगा और उसका जो तासुब था वो वजह बन जाएगी एटम बम के चलने की.
एटम बम को चलाने के लिए आप जिस चीज से डर रहे हैं वही चीज तो हो गई। आप यही डर रहे थे ना कि एटम बम ना गिरे, और उसके लिए आपने सब कुछ पैदा किया अपने अंदर। आप कहा कि अमेरिका गंदा है गंदा है, और अमेरिका ने जब देखा कि आप उसे गाले दे रहे हैं तो आपके तस्वुब की वजह से तो उसने एटम बम गिरा दिया। तो जिस चीज से खतरा है वही चीज ही वजह बन जाती है। Heavenly salvation perhaps can. Heavenly salvation perhaps if the fanatics are right. हाँ, जन्नत के अंदर या आसमानी निजात तो मिल जाएगी। If the fanatics are right, अगर तासुब वाले फिरके ठीक हैं, अगर तासुबी फिरके ठीक हैं, तो आसमानी निजात मिल जाएगी। But earthly salvation is not to be found along that road. लेकिन जमीनी निजात इस तरीके से नहीं मिलेगी। आप आसमानी निजात को अगर कर लेंगे, जमीनी निजात हासिल नहीं करेंगे। मेरी एक पोइम है, उसके अंदर एक कपलेट था, खोज से पहले फलक की, खोज से पहले फलक की, फर्ज माफी की अदा कर। वो नासा ने जब सेटेलाइट छोड़ा था, मैंने तब लिखा था कि उसके अब कई मीनिंग बन सकते हैं। मैंने कहा कि अमेरिका आसमान की तरफ जा रहा है, खोज कर रहा है, उससे पहले जमीन के फराइज पूरे कर, देख तेरी बस्ती में तेरे इर्द गिर्द कितने लोग भूखे मर रहे हैं, खोज से पहले फलक की, फर्ज माफी की अदा कर। इसी तरह खोज से पहले फलक की, इबादत चर्च में जाने से पहले देख तेरे रास्ते में नीम जान कौन पड़ा हुआ है, पहले उसके भी फर्ज अदा कर ले, हकूक और इबादत को पूरे कर। मूल कर बिक जाए हस्ती, जिन्स मोहब्बत फिर भी सस्ती। शहरों को बदनाम न कर दे, आईनों की ये शीरा दस्ती। अपनी दादा खून वफा है, अपनी दादा खून वफा है, अपनी बोतल फाका मस्ती। मस्त कलाएं मेरे सज्जे, करता हूँ आफाक परस्ती। कौन बुलंदी से टकराया, चीख उठी है सागर पस्ती। अरे मेरी पस्ती तो देखो, तुम बुलंदी पर जाते हो तो मेरी पस्ती चीखती है। एक खोज से पहले फलक की, फर्ज माफी की अदा कर, तो आसमानी सालवेशन मिल जाएगी लेकिन जमीनी नहीं मिलेगी। आई विल से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द कनेक्शन ऑफ लव विद इंटेलेक्चुअल एनर्जी। मैं अब कुछ अल्फाज कहूंगा, इंटेलेक्चुअल एनर्जी का मोहब्बत के साथ क्या ताल्लुक है, जहनी ईमानदारी का मोहब्बत के साथ क्या ताल्लुक है। अकली ईमानदारी एक वैसे ईमानदारी है, ईमानदारी का तकाजा ये है कि क्रिश्चियन क्रिश्चियन भाई भाई है और बाकियों को मानना ये सवाब का काम है, ये ईमानदारी है। अकली ईमानदारी ये है कि इंसान इंसान भाई भाई है और इंसान को कदर करना गलत बात है, ये अकली ईमानदारी। फिर इससे आगे अकली ईमानदारी है, इंसान इंसान भाई भाई है और जानवर भी उसकी बहने हैं, या उसके बिन है, या उसके पोते पोतियाँ हैं, या उसकी नस्ल में से हैं, और वो भोले भाले इंसान हैं, उनको मारना भी गलत है, ये अकली ईमानदारी हो जाएगी। There are several different attitudes that may be adopted. यहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के रवैये हैं जो इख्तियार किए जा सकते हैं। May be adopted towards the spectacle of intolerable suffering. नाकाबले बर्दाश्त दुखों के बारे में कई रवैये हैं जो इख्तियार किए जा सकते हैं। एक वो रवैया है जो कातिल का है, दूसरा वो रवैया है जो पिटी करने वाले का है, तीसरा वो रवैया है जो इलाज करता है। आफ्टर दैट
ना पॉज मत, अच्छा नहीं चलो दो गानों में कल याद है ना क्या करने गए थे। सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर और एक वो सॉफ्टवेयर जिससे यूट्यूब चल जाता कह रहे थे इस सफरिंग मसायद के बारे में तीन किस्म के रवैये अख्तियार किए जा सकते हैं। इफ यू आर सैडिस्ट, अगर तो आप जालिम और जाबिर हैं, यू मे फाइंड प्लेजर इन इट, तो आप किसी को मुसीबत में मुब्तला करके खुशी महसूस करेंगे। इफ यू आर कंप्लीटली डिटैच्ड, अगर आप अजनबियत के मूड में हैं, यू मे इग्नोर इट, तो आप इसको इग्नोर कर देंगे। इफ यू आर अ सेंटीमेंटलिस्ट, अगर आप जज्बाती हैं, यू मे परसेड योर सेल्फ, तो आप इसके ऊपर रोएंगे, परसेड करेंगे दैट इट इज नॉट एज बैड एज इट सीम्स, और साथ आप कहेंगे ये इतना बुरा नहीं है जितना बुरा नजर आता है। बट इफ यू फील जेन्युइन कंपैशन, लेकिन अगर वाकई आप सही किस्म की हमदर्दी महसूस करते हैं, यू विल ट्राई टू एप्रीहेंड द ईवल, तो आप इस बुराई को समझने की कोशिश करेंगे ट्रूली सही अंदाज में, इन ऑर्डर टू बी एबल टू क्योर इट, ताकि इसको सही तरह से क्योर किया जा सके, इस मुसाइब को खत्म किया जा सके। तीन रवैये बताए, एक जालिम का जो मारने में खुशी गेन करता है, दूसरों को मसायब में रखने में, दूसरा कहता है वो पिटी फील करता है और कहता है कि मामला इतना खराब नहीं है, और तीसरा जो सही किस्म का आदमी है कम कश्मीर, वो कहता है कि इसका इलाज होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। अरे सेंटीमेंटलिस्ट का मतलब है जज्बाती, जज्बाती जो होता है उसमें अकल का अमल दखल नहीं है, वो रोता है और रोने में मजा है, तो रोते हैं तो उसे मजा आता है ना आपको, इसलिए बार बार रोते हैं। ठीक करता है वो तो सही है ना, हम कह रहे हैं पावर नहीं होगी तो कम अज कम उसका एटीट्यूड तो रखेगा कि इसको यूं ठीक होना चाहिए, तो उससे तो बेहतर है ना, अगर वो सोच भी रहा है कि यार रोज क्या कर रहा है, वो खुद भी रो रहा है दूसरों को भी रुला रहा है। द सेंटीमेंटलिस्ट विल से, और जज्बातिया भी कहेगा, वेट यूर कोल्डली इंटेलेक्चुअल,
आपको कहेगा जो इलाज कर रहा है उसे कहेगा भाई आप तो बड़े सख्त नहर किस्म के अकील आदमी हैं, एंड दैट इफ यू रियली माइंडेड द सफरिंग ऑफ अदर, अगर आप वाकई दूसरों की सफरिंग का एहसास रखते हैं, यू कुड नॉट बी सो साइंटिफिक अबाउट दैट, तो भाई तुम्हें इतना साइंटिफिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस तरह की जूली कह रही थी कि अगर वो सेंटिमेंटलिस्ट या वो आंसू बहाने वाला, ठीक है वो आंसू बहाने वाला क्या कहेगा, वो कहेगा ये क्या बात हुई भाई, आपको इतना साइंटिफिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रोना भी चाहिए आपको। तो सेंटिमेंटलिस्ट विल क्लेम टू हैव अ टेंडर हार्ट, सेंटिमेंटलिस्ट जज्बाती कहेगा, वो कहेगा टेंडर हार्ट होना चाहिए, नरम दिल होना चाहिए, वेन यूर जैसा कि आपका नहीं है, एंड विल शो इट बाय लेटिंग द सफरिंग कंटिन्यू, और वो ये कहेगा कि आपको नरम दिल होना चाहिए और साथ ही आप मसाइब को जारी रखें। जब मसाइब को जारी रखेंगे, जब मसाइब को आप जारी रखेंगे तो उसी वक्त बार बार आप पिटी कर सकेंगे ना। अगर मसाइब मुसीबत से एक बार एक्सीडेंट हुआ, 10 साल के बाद आप उस एक्सीडेंट का फिर तो नहीं रो सकते, वो कहते फर्म होया ढग्गा कि आज पे टीचर लगा कि वो 10 साल पहले मरा था बैल और 10 साल के बाद आज उस पर मातम किया जा रहा है। भाई सफरिंग अगर एक वक्त एक एक्सीडेंट हो गया, आपने उसके ऊपर अफसोस कर लिया, लेकिन 10 साल के बाद दोबारा वैसा अफसोस नहीं कर सकते आप उसके ऊपर। तो सेंटिमेंटलिस्ट कहते हैं कि नहीं, रोड पर जो एक्सीडेंट हुआ है उसका क्योर मत करो, उसकी नुक्कड़ को ज्यादा खुला मत करो, ताकि हर हफ्ते एक्सीडेंट हो और हर हफ्ते रोने का मौका तो मिले, नरम दिली दिखाने का मौका मिले। ठीक, पहले तो आप देखते हैं कितने अच्छे से बेचारे रो रहे हैं उसके ऊपर, अब उनका रोना थोड़ा कम हो गया है, वो जज्बात नहीं रहे, क्यों बार बार एक चीज को आप देखते उसके अंदर नई नई चीजें निकालते रहे जा रहे हैं, नई तो नई चीजें उसमें आती जा रही हैं, क्यों बार बार एक चीज पर आप कितना रो लेंगे। ठीक है, उसमें नई चीजें आनी चाहिए, होनी चाहिए, सफरिंग को काट ही नहीं रखे, नई से नई चीजें आती रहेंगी। जब The sentimentalist will claim to have a tender heart, then you and will show it by letting the suffering hurt you. और फिर tender heart उसी वक्त कायम रहेगा ना जब suffering भी मौजूद होगी, rather than suffer himself, बजाय इसके कि खुद सफर किया जाए, खुद अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना, झटोरा उठाकर उस नुक्कड़ को आप खाली करें कि वहां पर दोबारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये मुसीबत में नहीं डालना, बल्कि लोगों को हर हफ्ते एक्सीडेंट का मौका देना है, ताकि आप हर दफा एक दिल लेकर आए और कहें कि यस मेरा हार्ट देखे कितना नरम है। अमीर आदमी लोगों को गरीब इसीलिए रखते हैं ताकि सखावत दिखा सके, जी हमदर्दी जैसे। द मोस्ट डिसक्वाइटिंग साइकोलॉजिकल फीचर ऑफ आवर टाइम, हमारे दौर का सबसे तकलीफ दा नफ्सियाती मसला ये है, एंड द वन विच अफोर्ड्स द बेस्ट आर्गुमेंट फॉर द नेसेसिटी ऑफ सम क्रीड, और जो मुहैया करता है बेहतरीन किस्म के दलायल, हमारे अकीदे के होने के दलायल मुहैया करता है। हमारे दौर की एक सबसे बड़ी परेशानी तकलीफ, और वो तकलीफ और वो वजह बनती है मसलक के होने की, फिर उसी को हम लोग कहते हैं हाँ मसलक होना चाहिए, कोई ना कोई अकीदा होना चाहिए। एक तो ये अकीदे में ये चीज जो बताने लगा है वो अकीदे की बुनियाद बनती है, दूसरा ये हमारे दौर की एक लानत भी है, बुराई भी है, वो कह रहा है कसम। हाउ आर इरेशनल गो के ये चीज बड़ी गैर अकली है, इज द बेस्ट विश, ये है मौत की ख्वाहिश करना, मौत की ख्वाहिश ही अकीदे की बुनियाद है, और मौत की ख्वाहिश ही हमारा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये दो बातें रसल नहीं है। अगर मरने की बात निकाल लें
अगर रिलीजन के अंदर से मरने की बात निकाल दें तो आप लोग कोई चीज भी फॉलो नहीं करोगे। मौत को बार बार याद दिलाकर आपको फिर अच्छे कामों पर लगाया जाता है और अपने मकसद के मुताबिक ही अच्छे कामों में लगाया जाता है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको गैर क्रिश्चियन के साथ लड़ाया जाता है मौत याद दिलाकर कि तुमने मर जाना है, तो उसको क्राइस्ट को क्या जाकर मुंह दिखाओगे, ठीक है ना। मौत बेसिक एलिमेंट है, मौत से ही डराते हैं। मुझे यकीन है, मुझे याद है जब वो कब्र का अजाब मूवी आई थी, बड़े लोग डर गए थे और बड़े लोग नमाजी हो गए थे एक मूवी की वजह से। मौत का एलिमेंट उसने दिखाया ना उसने भरपूर तरीके से। और जब वो फिल्म आई थी उस वक्त वो फिल्म इंट्रोड्यूस आपकी खाला ने मुझे कराई थी, ठीक है। हाँ वो नीलम, आप देखो कितना अर्सा गुजर गया, तुम्हारी खाला उस वक्त पढ़ती थी, ठीक है, और हम पढ़ाते थे, हम अभी भी पढ़ाते हैं। उनके बच्चे भी हो गए उसने कहा हमारा तो बुढ़ापे ने कुछ ना बिगाड़ा। कैसे? उसने कहा जवानी में इस पत्थर को उठाया था, नहीं उठता था, अब भी नहीं उठता। तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, हम पहले भी पढ़ाते थे, अभी पढ़ाते हैं। चलो ये तो कोई ऐसी हकीकत है जिसमें मैं कोई बात नहीं कर सकता। अच्छी है, लड़की है, लड़की है वसीम भाई के पास कोई अच्छी लड़की है, मुझे खून बार बार देखना पड़ता है। अच्छा गुज्जर जितना होता है ना भाई का फोन, वो भी अच्छा है। फिर अगर आराम से बैठे यार, ओके मेरे को नहीं कमेंट नहीं करना। Our irrational is a death wish. Everyone knows how some primitive communities, हर एक जानता है किस तरह पुरानी जो communities थी, पुराने जो तहजीबें थी, brought suddenly into contact with white men. पुरानी कौमों का किस तरह सामना अंग्रेजों के साथ हुआ, become listless, और अंग्रेजों ने उन्हें लिस्ट नाबूद कर दिया, एंड फाइनली डाय फ्रॉम मैर एब्सेंस ऑफ द विल टू लिव। आखिरकार वो तबाह होने वाली कौमें इसलिए भी लिस्ट नाबूद हो गई क्योंकि उनके अंदर जिंदा रहने की ख्वाहिश ही नहीं थी। कौमें मारे जाने से नहीं मर जाती, कौमों के अंदर अगर जिंदा रहने की ख्वाहिश ना हो तो फिर भी मर जाती है कौमें। इन वेस्टर्न यूरोप और यूरोप के अंदर द न्यू कंडीशंस ऑफ डेंजर विच एग्जिस्ट और हैविंग समथिंग ऑफ सेम इफेक्ट, और वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो नए नए खतरात हैं वो हैविंग समथिंग, उनका भी असर जिंदगी पर ऐसा ही है। फेसिंग फैक्ट इज पेनफुल, हकायक का सामना करना तकलीफदा होता है, एंड द वे आउट इज नॉट क्लियर, और फिर रास्ता बहुत सीधा भी नहीं होता। हकैक का सामना करने वाला रास्ता काटो भरा होता है। नॉस्टैल्जिया टेक्स द प्लेस ऑफ एनर्जी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फ्यूचर। नॉस्टैल्जिया याद माजी टेक्स द प्लेस ऑफ एनर्जी, वो ताकत की जगह ले लेता है। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फ्यूचर, फ्यूचर की तरफ जाने वाला, कहने का मतलब ये है कि जो मायूस आदमी होगा बार बार माजी को सोचेगा, हालांकि उसे सोचना तो फ्यूचर को चाहिए। नॉस्टैल्जिया में वो पीछे सोचेगा बार बार माजी को, ये एक मायूस कुन रवैया है। क्या मायूस कुन रवैया है? कि इंसान माजी को सोचता है। वो आमिर खान की मूवी थी, उससे पहले एक फेमस मूवी आई है उसकी, फ्रेंड्स सारे इकट्ठे होते हैं उसके अंदर, रंग दे बसंती,
रंग दे बसंती के अंदर उस मूवी के अंदर आमिर खान कह रहा था, वो कहता हमारी एक टांग माजी पर होती है, दूसरी टांग फ्यूचर पर, और अब अपने प्रेजेंट पर मूडते हैं, पेशाब करते हैं प्रेजेंट पर, या तो हम फ्यूचर को देखते हैं या माजी को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर असल कह रहा है कि हम अपने माजी को देखते हैं। और नॉस्टैल्जिया, माजी में क्या अच्छा दौर था, माजी में बड़ा इंसाफ था, माजी के हुक्मरान ऐसे थे, माजी के अंदर ये था, माजी के अंदर बादशाह थी, माजी के अंदर फ्रॉक थे, 2000 साल पहले क्राइस्ट जब आया था तो ये हुआ करता था, साहबा उसके क्राइस्ट के ये किया करते थे, इतनी अच्छी बात थी। ये नॉस्टैल्जिया है, माजी को सोचना है। ये नॉस्टैल्जिया जो है, राइटर कहता है ये मायूस कुन रवैया है। आप जा आगे रहे सोच पीछे रहे हैं, कैसे मुमकिन है कि 21वीं सदी का बच्चा, उसको आप क्राइस्ट के दौर की पहनावा पहनाएं, क्राइस्ट के दौर के सारे मॉरल सिखाएं, ये मुमकिन नहीं है। तो नॉस्टैल्जिया ये नुकसान दे और मायूस कुन रवैया है। आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, आप बजाय ये सोचने के ये कहें कि क्राइस्ट जब आया था तो उस वक्त सच्चाई का बोल बाला था, ये कहने के बजाय आप ये क्यों नहीं कहते कि जब सन 3000 आएगा उस वक्त हम गॉड के इतने करीब होंगे कि गॉड हमसे हम कलाम हो जाएगा, ये क्यों नहीं सोच रहे थे, ताकि आप आगे तरक्की की तरफ तो जाए ना, उसको एक्सप्लोर तो करें ना। तो ये मायूस कुन रवैये है अगर हम बार बार माजी की तरफ सोचते हैं, 2000 साल पहले की मिथ के बारे में ना सोचे, असल कहता है बल्कि आगे की तरफ सोचे। देयर इज द टेंडेंसी टू श्रग द शोल्डर्स एंड से, अब यहाँ पर एक रवैया आ गया है, कंधे उचकाते हैं लोग, कंधे उचकाना, कंधे उचकाते हैं, श्रग द शोल्डर एंड से, और कहते हैं ओह वेल वी आर एक्सटर्मिनेटेड बाय हाइड्रोजन बम, ओ ठीक है हम हाइड्रोजन बम से खत्म कर दिए जाएंगे, इट विल सेव अ लॉट ऑफ ट्रबल, भाई बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएंगे। लो जी बच्चा मर गया, किस लिए मर गया, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड क्यों हुआ है, जगह गंदी थी, पैदा गंदी जगह पर हुआ, इसलिए मर गया, मर गया। चाचा ने आकर कहा उसने कोई बात नहीं, मासूम बच्चा था, बचपन में मर गया, सीधा जन्नत में जाएगा, गुनाह करने से बच गया है, सारे मार दिया करो, चाचा जो पैदा ठहरा था उसको उसे मर दे बेटा, कि आगे आप ना कर सके गुनाह, मायूस कुन रही है ना, ठीक है। तो लोग कहते हैं अच्छा एटम बम चल जाएगा, ये मायूस कुन रवैया, एटम बम चल जाएगा, ठीक है यार एटम बम चलता है तो चल जाए, ठीक है हम बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे, बच जाएंगे। तो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जहालत है, दिस इज टायर्ड एंड फीबल रिएक्शन, ये थका हुआ और कमजोर रवैया है, लाइक दैट ऑफ द लेट Red of the late Romans to the barbarians, ये बिल्कुल वैसा रवैया है जिस तरह के Romans ने barbarian के बारे में रखा हुआ था, barbarian हमले करते थे वैसी थे, वो आखिर में जब थक गए मायूस हो गए, अच्छा ठीक है barbarian अगर हमें मार डालेंगे तो हम बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे, मर जाएंगे, अच्छा है, और जन्नत में चले जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। तो ये कहते थे इट कैन ओनली बी मेट बाय करेज, और फिर इस चीज को कवर किया जा सकता है। बताइए हमारा टॉपिक क्या है इस पैराग्राफ में, डेथ विश, ये हमारा टॉपिक है। तो डेथ विश को हम एक कैन ओनली भी मेट बाय करें, डेथ विश को हम खत्म कर सकते हैं करेज के साथ, होप के साथ, रीजंड ऑप्टिमिज्म, और फिर असली उम्मीद के साथ, सिर्फ उम्मीद नहीं अकली हुई, अकली हुई। Let us see what basis there is for hope, और देखते हैं कि उम्मीद की क्या बुनियादें होती हैं। First, I have no doubt that living on one side for the moment, पहले मैं कहूंगा मुझे कोई शक नहीं है इस बात को अलग करते हुए, फॉर अ मोमेंट एक लम्हे के लिए, द डेंजर ऑफ वॉर के जंग का जो खतरा है, द एवरेज लेवल ऑफ हैप्पीनेस इन ब्रिटेन एज वेल एज इन अमेरिका इज हायर, जंग के खतरात को अगर मैं नजरअंदाज कर दूं तो मुझे यकीन है मैं कह सकता हूं कि इंग्लैंड में और अमेरिका में खुशियां बढ़ी हैं,
is higher than in any previous community at any time. किसी भी कम्युनिटी की निस्बत, किसी भी सोसाइटी की निस्बत, किसी भी दौर में, यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर जंग के खतरे को मैं नजरअंदाज कर दूँ तो इस दौर में इंग्लैंड और अमेरिका सबसे खुशहाल है. मोर एवर इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूज व्हेन देयर इज नो वॉर, और मैं कहूँगा इम्प्रूवमेंट जारी रहेगी अगर जंग ना होगी. वी हैव देयरफॉर समथिंग इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व, हमें किसी खास चीज की हिफाजत करनी है. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आवर एज नीड्स, कुछ चीजें हैं जिसकी हमारे दौर को जरूरत है. एंड सर्टेन थिंग्स दैट इट शुड अवॉइड, कुछ चीजें हैं जिससे हमें बचना है, हमें दूर रहना है. इट नीड्स कंसेशन, हमें हमदर्दी की जरूरत है. हमें कुछ चीजों से बचना है, कुछ चीजों से कोएडाप्ट करना है. अब हमें किस चीजों की जरूरत है, पहले बात है किस चीज की जरूरत है. हमें कंपैशन, हमदर्दी की जरूरत है. एंड अ विश, ख्वाहिश की जरूरत है दैट मैनकाइंड शुड बी हैप्पी, इस ख्वाहिश की जरूरत है कि आखिर इंसानियत खुशहाल हो जाएगी. इट नीड्स अ डिजायर फॉर नॉलेज, हमें जरूरत है नॉलेज की, डिजायर की. एंड अ डिटर्मिनेशन टू अचीव प्लेजेंट मिथ्स, और हमें इस अजम की जरूरत है कि हम पुरफरेब कहानियों से छुटकारा हासिल कर लें. कि राम के पास लाल गुलाबी फाख्ताओं वाली कोई जन्नत नहीं है, हमें इसका यकीन कर लेना चाहिए, इसको सोच लेना चाहिए. राम की जन्नत में कोई वहां पर परियां नहीं रहती, ठीक है, वहां पर कोई शराबे नहीं मिलते. ये हमें पहले से पुरफरेब कहानी को छोड़ना पड़ेगा और इसकी डिटर्मिनेशन कर लेनी चाहिए हमें. अबाव खर्जो सोग, और सबसे अहम बात यह है कर जो सो हमें पूर्व उम्मीद किस्म की, बाहौसला किस्म की उम्मीद चाहिए. एंड द इम्पल्स टू क्रिएटिवनेस, और हमें जज्बा चाहिए नई चीजें तख्लीक करने का. अब हमें किन चीजों की जरूरत है, हमें जरूरत है हमदर्दी की, हमें जरूरत है खुशी की, हमें जरूरत है इंसान के खुश रहने पर यकीन रखने की, हमें जरूरत है नॉलेज की गेन करने की, हमें इस चीज की जरूरत है कि हम पुरफरेब कहानियों पर यकीन रखें, हमें जरूरत है कि हम उम्मीद रखें, हमें जरूरत है कि हम चीजों को तकलीफ करने की सलाहियत बढ़ाएं. द थिंग्स दैट इट मस्ट अवॉइड, अब कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें अवॉइड करना है. एंड दैट हैव ब्रॉट इट टू द ब्रिंक ऑफ कैटास्ट्रोफी, और ये वो चीजें हैं जो हमें तबाही के दहाने पर ले आई है. इन चीजों से हमें बचना है. कैटास्ट्रोफी हलाकत करने वाली है, हलाकत फेज है. और क्रूरिटी, हमें क्रूरिटी से बचना है, जुल्म से, जबर से, सितम से बचना है. एंड वाय, हसद से बचना है, ग्रीड से बचना है. कॉम्प्लिकेटेडनेस, हमें मुकाबला करने से बचना है. सर्च फॉर इरेशनल सब्जेक्टिव सटर्निटी, हमें गैर अकली जाती ताकुन से बचना है. ताकुन का मतलब यकीन होता है. हमें गैर अकली जाती यकीन से बचना है कि मेरा ये यकीन बन गया है, सपोज किसी फलाह शख्स में बड़ा मुतबर है, तो ये जाती मेरा यकीन है, हमें इससे बचना है. जब मैं जाती यकीन बना लेता हूँ कि ये ट्री मुकद्दस है, तो दूसरे का जाती यकीन ये हो सकता है कि सूरज मुकद्दस है. और जब इन दोनों लोग बैठेंगे आपस में आर्गुमेंट करेंगे तो कंपटीशन होगा, लड़ाई पैदा होगी. ये तमाम चीजें यकीन लड़ाई पैदा करते हैं. अकॉर्डिंग टू एंड व्हाट फ्रॉडियंस कॉल द रेफ्लेश, और हमें उस चीज से बचना है जिसको सेगमेंट फ्राइड के पैरोकार कहते हैं, डेथ विश, मौत की ख्वाहिश. सेगमेंट फ्राइड कौन था, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट. उसने कहा था और उसके फॉलोअर अब कहते हैं कि इंसान के अंदर जब डेथ विश आती है तो मायूस कुन रवैया अपनाता है, वो नॉस्टैल्जिया में चल जाता है, वो लड़ता झगड़ता है, वो कोई नई दुनिया तराशता है और उसमें जाना चाहता है. द रूट ऑफ द मैटर इज वेरी सिंपल. अब ऊपर वाले पैराग्राफ में ये गिनवा दिया गया कि कौन सी चीजें आपने छोड़नी और कौन सी चीजें आपने अडॉप्ट करनी है. द रूट ऑफ द मैटर इज वेरी सिंपल, मामले की बुनियाद बहुत सादा है एंड ओल्ड फैशन से,
और बहुत पुरानी चीज है। मामले की रूट जो है वो बड़ी सादा है और पुरानी चीज है। अब ये हल बताने लगा है, कहते हैं इसका हल बड़ा सादा है और बड़ी पुरानी चीज है। वो हल क्या है जी? आई थिंक सो सिंपल दैट आई एम ऑलमोस्ट अशेम्ड टू मेंशन। चीज इतनी सादा चीज है कि उसे कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, इतनी सादा चीज है। फॉर फेयर ऑफ द डेजर्ट डाइज और मुझे लगता है कि मेरे कई तक मेरे ऊपर तहकीर अमेज मुस्कुराहट डाल देंगे। स्माइल विद विच वॉइस साइनिस विल ग्रीट माई वर्ड्स। और मुझे यकीन है कि पुरानी तबीयत के जो लोग हैं वो अपने सब मेहर वो जो लक्ष्य अकल है लक्ष्य जो अकलमंद है वो बड़ी तहकीर घटिया से मुस्कुराहट मेरे ऊपर डालेंगे। अक्ल ये बार कहने लगा अब विल ग्रीट माई वर्ड, मेरे अल्फाज का इस्तकबाल तहकीर अमेज मुस्कुराहट के साथ करेंगे। कौन? जो बाकी क्रिकेट है फसल जी कसिंग आई चीज जो मैं कहता हूँ प्लीज फॉरगिव मी फॉर मेंशनिंग इट। मुझे माफ कीजिएगा इस चीज का नाम लेते हुए इस लव। ये है मोहब्बत। वो कहता है मैं कह रहा हूँ कि इस तमाम मामले को अगर कोई चीज हल कर सकती है वो मोहब्बत है। सोचता है सारे इस पर हंसने लग जाएं, लेकिन लव यही है, काम यही है, बात यही है। क्रिश्चियन लव और कंपैशन, वो चाहे क्रिश्चियन की मोहब्बत हो चाहे वो हमदर्दी वाली हो, इफ यू फील दिस, अगर आप मोहब्बत महसूस करते हैं, यू हैव अ मोटिव फॉर एग्जिस्टेंस, तो फिर आपके पास जिंदा रहने का एक मकसद है, मुहर्रिक है, अ गाइड इन एक्शन। आपके पास एक रहनुमा है आपके तमाम कर कामों का, अ रीजन फॉर करेज। आपके पास वजह है कि आप क्यों हौसला मंद हो, आपके हौसला मंद होने की वजह आपके पास मौजूद है। एंड इम्पेरेटिव नेसेसिटी और कच्ची जरूरत है, अहम तरीन जरूरत है फॉर इंटेलेक्चुअल एनर्जी। और फिर आपके पास इंटेलेक्चुअल ज़हनी अकली ईमानदारी की बाकायदा एक जरूरत मौजूद होती है कि अकली ईमानदारी क्यों दिखाई जाए, क्योंकि सारी दुनिया से मोहब्बत जो करनी है। इफ यू फील दिस, अगर आप ये महसूस करते हैं, यू हैव ऑल दैट एनीबॉडी शुड नीड इन द वॉय ऑफ रिलीजन। इफ यू फील दिस, अगर आप ये महसूस करते हैं, यू हैव ऑल दैट, आप तमाम लोगों के पास ये है, एनीबॉडी शुड नीड इन द वॉय ऑफ रिलीजन, और तमाम लोगों को इसी चीज की जरूरत होती है मजहब के अंदर। मजहब के अंदर आपको इसी चीज की जरूरत होती है कि आप दूसरों से मोहब्बत करें। Although you may not find happiness, गो के आपको खुशियाँ नहीं मिलेंगी, you will never know the deep despair of those whose life is aimless. आपको उस वक्त तक खुशियाँ नहीं मिलेंगी जब तक कि आपको इस चीज का एहसास ना हो जाए कि जो लोग aimless होते हैं उनकी जिंदगियाँ कितनी तल्ख होती हैं। मकसद का ना होना, aim का ना होना भी जिंदगी को तल्ख कर देता है। And road of purpose, जिसके बाद कोई जीने का मकसद ना हो। फॉर देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट यू कैन डू टू डिमिनिश द ऑफुल सम ऑफ ह्यूमन मिजरी। फॉर देयर और यहाँ पर ऑलवेज समथिंग, कुछ ना कुछ होता है दैट यू कैन डू, जो आप कर सकते हैं टू डिमिनिश, खत्म करने के लिए इंसानी दुखों को। इंसानी दुखों को खत्म करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ जरूर होता है। यानी कि राइटर ने ये कहा इस पैराग्राफ में कि आप लोगों को चाहिए कि आप मोहब्बत करें दूसरे इंसानों के साथ, और रिलीजन भी यही कहता है, और ये एक एम होना चाहिए। इसी मोहब्बत से ही आपके एम बनेंगे। आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे फिर, क्योंकि आपके जहन में एक एम होगा कि पूरी दुनिया को आपस में मोहब्बत के रिश्ते में जोड़ देना है। साइंस ऑफर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर ग्रेटर वेल बीइंग। साइंस ऑफर करती है पॉसिबिलिटी, इम्कानात फॉर ग्रेटर, ज्यादा इम्कानात पेश करती है वेल बीइंग फॉर द ह्यूमन रेस, इंसानी नस्ल की बेहतरी के लिए। व्हेन हैज एवर बीन नोन बिफोर, पहले की नस्बत
पहले की नस्बत अब साइंस ज्यादा हमें ऑफर करती है, इम्कान ऑफर करती है। एक रीजन एक ऑफर रिस्ट ऑन सर्टन कंडीशन हमें ये ऑफर करती है, कुछ कंडीशंस के साथ। हमें साइंस ऑफर तो करती है भलाइयाँ अच्छाइयाँ, लेकिन साथ साइंस के साथ कुछ शर्तें भी हैं। साइंस के सम्राट उसी वक्त एंजॉय कर सकेंगे ना जब दो तीन चीजें साथ ना हो, जैसा कि ये ना हो पॉपुलेशन ना बढ़े, डेमोक्रेसी आ जाए, एवोल्यूशन ऑफ वॉर। साइंस के सम्राट उस वक्त एंजॉय किए जाएंगे जब जंग का खात्मा हो जाए। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्टीमेट पावर और मुकम्मल ताकत की बराबर तकसीम हो जाए। ताकत सिर्फ पोप के पास नहीं होनी चाहिए, ताकत सिर्फ राम के पास नहीं होनी चाहिए, ताकत सिर्फ राम के फॉलोअर के पास नहीं होनी चाहिए, ताकत हर एक आम शख्स के पास होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, हकूक की ताकत की बराबरी। एंड लिमिटेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और फिर पॉपुलेशन को भी रोकना है। और अगर ये सारी चीजें रोक ली तो क्या होगा, फिर आप बताएंगे क्या होगा? बड़ी मेहरबानी, तरक्की होगी, साइंस के सही सम्राट मिलेंगे, भूल जाते हैं, ख्वाबों में डूब जाते हैं। अगर ये काम करेंगे तो साइंस के सम्राट मिलेंगे। All these are much nearer to being possible than they ever were before. और ये तमाम चीजें अब ज्यादा इम्कानात के करीब हैं माजी की नस्बत, इन वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कंट्रीज और मगरब की इंडस्ट्रियल कंट्रीज के अंदर। मगरब क्या होती है आप बताएं? तो कह रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज को, इंग्लिश कंट्रीज को क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं, मगरब कहते हैं, ठीक है? बड़ी मेहरबानी। तो वेस्ट के जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट नील, वहां पर पॉपुलेशन तकरीबन नील है। द सेम काजेज विल हैव द सेम इफेक्ट इन अदर कंट्रीज, और ऐसी वजूहत के ऐसे ही असरात दूसरे कंट्रीज में हो सकते हैं। एज दे बिकम मॉडर्नाइज, अगर दूसरे कंट्रीज मॉडर्न हो जाएं तो और पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें तो वो भी साइंस के सम्राट हासिल कर सकते हैं। अनलेस डिक्टेटर्स एंड मशीनरीज इंटरफेयर, हाँ एक शर्त है, वो कहते हैं इंडस्ट्रियल कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन कम है और साइंस को सम्राट लिए जा रहे हैं, ऐसे सम्राट बाकी कंट्रीज भी ले सकते हैं। शर्त ये है कि डिक्टेटर जालिम काबिज एक तो वो इंटरफेयर ना करें और दूसरा पादरी इंटरफेयर ना करें, मजहबी फिरके जो है वो इंटरफेयर ना करें, ये अलग हो जाए। इनको बस चर्च दे दो, चर्च में बैठे बैठे ये खुदा को याद करें, बस इनको साइड पे कर दो। आप मित्र क्या देख रहे हैं? आप लोगों ने तो यही किया हुआ है, आपने कौन सा नया काम किया हुआ है? आपने मौलवी को कैसे रखा हुआ है? जानवरों से बदतर बेचारों की जिंदगी वक्त बनाई हुई है, उनको मस्जिद तक महदूद किया है, मुसल्ले तक महदूद किया है, आपके घर के जो बूढ़े फारग लोग होते हैं सब उनको उनके पीछे खड़ाने का मौका दिया है, फिक्र करने को कुछ नहीं होता, आप घर से निकालते हैं और साफ सुथरे होकर जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नौजवान आप कहाँ जाते हैं? आप तो पढ़ने जाते हैं स्कूल, अकेडमी, कॉलेज। आपने मौलवियों को बर्बाद कर दिया, उनको बेचारों को, उनको तबके को अलग कर दिया उसको, क्योंकि कोई ना बात कहने की है ना सुनने की, और कहने की भी कोई बात नहीं बेचारों की, वो रोजी रोटी के लायक ही नहीं है। आपने भी तो ऐसे किया हुआ है, आप पादरियों की तरफ देखते हैं तो आपने वो डिफेंड नहीं किया हुआ, हालांकि चाहिए ये था कि मौलवी जो हजरात है वो इनका ही अहम दिन शख्सियत है, वो एक चीज पर बहुत बहुत पूरी किताब के ऊपर उनका नॉलेज है, कायनात की वो बहुत सारी चीजों को जानते हैं, तो उनको आप रोजी रोटी के लायक करें,
वाकई वो इंसानों की तो नजर आए हमारे तरह उनके पेट बड़े जब भी मौलवी का जैन कर बड़ा बड़ा पेट और इस सब बेदंगा का कोई शक्ल मोटी गर्दन वाला सामने आ जाता है। क्यों हमने बनाया ना मुसलमान से बिठा के रखते लगवा के हमने पैसा कर दिया। क्यों हमने भी तो अलग किया उसको बेचारे को तो हमें उसे ये अब ये तबका जो आप तबका है आप ये ताकतवर है वो मौलवी तबका जो बेचारा वो ताकतवर नहीं रहा और आप उसको मजीद ज्यादा गलत से गलत कर रहे हैं। आप पीढ़ी के ऊपर गलत देते हैं बिठाते हैं एक मौलवी साहब को कितना पेश करते हैं आप देखिए आपके जब रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं मीडिया के हामिद भी बैठता है जवेद चौधरी बैठता है आपका उसमा मिर्जा बैठती है दूसरी कार तीसरी चौथी जो भी है जो भी मीडिया बनाते हैं किस तरह होते हैं अच्छे से कल्टिवेटेड लिबास होता है उनका जैसे उनके बाल होते हैं साफ सुथरे उनके नाक होते हैं मुंह होता है चेहरा होता है चमक दमक रहे होते हैं पूरी तरह से लगता है कि यार वाकई एक बहुत ही सुलझा हुआ शख्स कोई बात कर रहा है। और जब आप रिलीजियस लोगों को बिठाते हैं बिठाने वाले कौन है आप ही हैं वो बैठा है उसका बड़ा सारा पेट है उस सर पर ग्रीन पगड़ी बांधी हुई है बहुत बड़ी गाड़ी उसने रखी हुई है और बड़ी अजीब से है उसका मुंह चेहरा बिल्कुल अजीब सा है और माथे पर निशान है और उसके सर के अंदर एक गुलाब का फूल भी रखा हुआ है। अब सर ऐसी चीज देखकर वसीम बैठा है रतन बैठा है नाजिम बैठा है ये कब चाहेगा कि उसका रूप रंग ढंग ऐसा हो वो तो नहीं चाहेगा। अगर आप इसी मौलवी साहब को ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से पेश करना चाहें तो कर सकते हैं लोग ताकि इनकी तकलीफ करें। आप चाहते हैं कि इनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए कि इनकी तकलीफ में कोई आए ही ना और वो इतने दीवाने हैं और कमजोर हैं वो ये समझ रहे हैं कि लोग हमारे इस रंग रूप को देखकर आएंगे। आप तो लोगों के अंदर उल्टा बगावत पैदा कर रहे हैं उनको इस तरह पेश करके ये तो बताने वाला उनको कोई नहीं है भाई तुमको जिस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है इस पूरे मीडिया के अंदर 90 चैनल के अंदर आप तो जाएंगे आपको देख कर तो बच्चे कहते हैं ये कौन है पापा हमने उन्हें बेसूल बनाया बेसूल बनाया ना उनकी तालीम नहीं है उनकी अवेयरनेस नहीं है दुनिया के बारे में तो बेटा कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सामने से कुछ और नजर आ रही होती हैं लेकिन मकासद तो आप लोगों के पूरे हो रहे होते हैं और लोग सारे मौलवियों को गाली देते हैं मैंने कभी नहीं दी और मैं उन्हें कहता हूँ वो इंतहाई मजलूम है इस वक्त वो जिसकी बहुत ज्यादा शान शौकत थी एक वक्त में आज उनको आपने इंतहाई कोई बिल्कुल ही घटिया चीज बना दी आपने उनको आप उनको फॉलो बिल्कुल नहीं करते ना करने को दिल करता कि कुछ रिप्रेजेंट ही ऐसे किया गया है यही लोग सोफिस्टिकेटेड हो जाए शाहरुख कादरी देखें वाकई लगता है करेक्टर है मीडिया पर आने दिया आपने उसे अगर वो मीडिया पर आ जाता लोग आते मुसलमान हो जाते वो कह रहे यार मुसलमान तो इस तरह होते और हम तो इस तरह हैं आपने आने नहीं दिया किस बात पर नहीं आने दिया सर इस बात पर नहीं आने इसकी टोपी वैसी है इसके पास कैनेडियन नेशनलिटी है किसी उसकी बात पर बात करनी चाहिए नहीं की किसी ने उनको पता है मीडिया वालों को अगर ये तहल कर जाके बैठ गया तो लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मुसलमान तो इस तरह के होते हैं और वो लोग सारे के सारे ऐसी शक्ल डाल लेंगे और फिर भी कितना हो जाए मार मार के उसे छाई कर फेंक दिया है ना आपके जस्टिस ने आने दिया चीफ जस्टिस ने ना आपके मीडिया ने आने दिया। क्यों उस हरी पगड़ी वाले को तो आप सामने बिठाते हैं जो ज्यादा लर्न्ड पढ़ा लिखा उसे क्यों नहीं बिठाते सामने सोचने की बात है क्यों पता है अगर ये सामने आ गए तो लोग मजबूरी हो जाएंगे लोग जीएंगे ऐसा नहीं होने देना। मामलात बड़े उल्टे हैं आप सीधे ठहर कर देखेंगे तो नजर नहीं आएंगे उल्टे लटक कर देखेंगे तो चीजें बड़ी सीधी नजर आएंगी। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ करे कहाँ है भाई ये तो बताओ दैवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्टीमेट पावर और फिर सही ताकत की सही डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल और पैसे की भी सही तकसीम कारोबार की सही तकसीम सियासत की सही तकसीम हैज बीन नियरली अचीव्ड इन ब्रिटेन तकरीबन बरतानिया में तो ये हासिल हो चुकी है
एंड अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, और दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी ये चीजें ठीक हो गई हैं और रैपिडली मूविंग टुवर्ड इट, वो बेहतरी की तरफ जा रही है। द प्रिवेंशन ऑफ वॉर, जंगों की बंदिश, जंगों का बंद होना, हाँ इसके बारे में इट मे सीम अ पैराडॉक्स टू से दैट, ये बात बड़ी मजाया सी और उल्टी लगेगी, मजाया और उल्टी लगेगी, अजीब लगेगी कि वी आर नियरर टू अचीविंग दिस, कि हम जंगों को खत्म करने के बहुत करीब हैं, वेन एवर बिफोर, पहले की नस्बत। सारी दुनिया ये कह रही है कि अब जंगें बहुत ज्यादा होंगी, अब हालात ज्यादा खराब हैं, फसल कहता है कि नहीं हम जंगों को खत्म करने के करीब हैं, बट आई एम परसेडेड दैट इट इज ट्रू, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ ये सच है। आई विल एक्सप्लेन व्हाई आई थिंक सो, मैं आपको बयान करूंगा, बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। इन द पास्ट देयर वर मेनी सोवरेन स्टेट्स, और माजी में बहुत सारे हुक्मरान तबके थे, हुक्मरान रियासतें थी, एनी टू ऑफ विच माइट एट एनी मोमेंट क्वर्स, और कोई दो स्टेट किसी लम्हे भी लड़ पड़ती थी। दुनिया में क्या थी, क्या बहुत सारी रियासतें थी, अभी जो है यूरोप एक रियासत है, पूरा एशिया एक रियासत है, अब बहुत सारी रियासतें इकट्ठे हो गई है, बड़े बड़े खड़े हैं, पहले नुक्कड़ नुक्कड़ सरदार था, अब वैसा नहीं है। दुनिया में पहले बहुत सारी रियासतें थी और किसी वक्त भी दो लड़ पड़ती थी। अटेम्प्ट्स ऑन लाइंस ऑफ द लीग ऑफ नेशन वर बाउंड टू फेल, और लीग ऑफ नेशन ये एक तंजीम बनाई थी पूरी दुनिया की, इसने सबको कंट्रोल करना है, किसी को लड़ने नहीं देना। लीग ऑफ नेशन जो थी वो नाकाम हो गई, बिकॉज व्हेन द डिस्प्यूट अरोज, जब लड़ाई बढ़ती, कोई झगड़ा उठता, द डिस्प्यूटेंट्स झगड़ा करने वाले वर टू प्राउड टू एक्सेप्ट आउटसाइड आर्बिट्रेशन, कि वो इतने प्राउड होते कि वो बैरूनी दबाव को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, एंड द न्यूट्रल वर टू लेजी टू इन्फोर्स इट, और जो न्यूट्रल तबका था वो लीग ऑफ नेशंस थी, वो इतने लेजी थे कि वो उनका झगड़ा खत्म नहीं कर सकते थे। नाउ देयर आर ओनली टू सोवरेन स्टेट्स, अब दो सोवरेन स्टेट्स हैं, बड़ी स्टेट्स दो हैं, एक है रशिया विद सैटेलाइट्स, अपने हवारियों के साथ, अपने साथ ऐसे मुल्कों के साथ जो उसके फॉलोअर हैं, उसके साथ देने वाले, उसके इत्तेहादी। एक रशिया बड़ा धड़ा है, बड़ा मुल्क है, जिसके साथ उसके इत्तेहादी हैं एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका विद सैटेलाइट्स, उसके अपने इत्तेहादियों के साथ। अमेरिका के इत्तेहादी कौन कौन है, नाम ले कंट्रीज का, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री। रशिया के साथ कौन है, रशिया के साथ इंडिया, चाइना, यूरोप के साथ है। इफ आइदर बिकम्स प्री फाउंड रेंज, अगर कोई एक भी स्टेट भारी पड़ जाती है, कौन सी एक में से, कौन से दो में से, यूएस या रशिया में से कोई एक भारी पड़ जाता है, आइदर बाय विक्ट्री इन वॉर, जंग के जरिए चाहे, जंग जीत कर चाहे, और बाय एन ऑब्वियस मिलिट्री सिक्योरिटी, या फिर वो जंगी सामान को दिखाकर, उसको शो करके वो विक्ट्री हासिल कर लेता है, कोई एक द फ्री और रेंज फॉर, जितने बड़ी ताकत कैन एस्टेब्लिश अ सिंगल अथॉरिटी ओवर द होल वर्ल्ड, तो जितने बड़ी ताकत पूरी दुनिया के ऊपर एक अथॉरिटी कैन कर सकती है, और उससे क्या होगा, उसे क्या होगा, जंगे खत्म हो जाएंगी, ताकत हमारा जंगों का है। उम्मीद
मेरा चांद मेरा बेटा जंगों की बात शुरू की थी। हमने कहा कि अगर दो बड़ी पहले तो तावा सरदार थे, अब वो काम खत्म हो गया है, बड़े दो धड़े बने हुए हैं, कोई एक धड़ा जीत गया तो पूरी दुनिया को उन्हीं की हुकुमरानी होगी। ठीक है, हुकुमरानी जो हो जाएगी किसी एक धड़े की तो क्या होगा, इरम बताएगी, बताओ क्या होगा, जंगे खत्म हो जाए। एंड फर्स्ट मेक फ्यूचर वॉर्स इम्पॉसिबल, फर्स्ट फ्यूचर की जंगे खत्म हो गई थी समझे, क्योंकि एक ही मुल्क होगा तो जंगे किससे करेंगे। ठीक, एट फर्स्ट दिस अथॉरिटी विल इन सर्टेन रीजन, पहले पहल ये अथॉरिटी चंद के इलाकों तक होगी, बी बेस्ड ऑन फोर्स ताकत की वजह से होगी, बट इफ द वेस्टर्न नेशंस आर इन कंट्रोल, लेकिन अगर मगरबी कौमें कंट्रोल में रहीं, फोर्स विल एज सून एज पॉसिबल गिव राइट टू कंसेंट, तो फिर ये ताकतें ऐसा ऐसा रजामंदी की तरफ चली जाएंगी। पहले पहले वेस्ट से काम शुरू होगा यूरोप से, और फिर ऐसा ऐसा सारी ताकतें साथ मिलती जाएंगी। जब ये हासिल हो जाए, द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स विल हैव बीन सॉल्व, दुनिया के मुश्किल तरीन मामला हल हो जाएंगे। इंडिया के साथ हम पाकिस्तान से तीसरी जंग में लड़ेंगे, क्योंकि कश्मीर का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। क्यों जी, एंड साइंस कैन बिकम हॉली बेनिफिशियंट, और साइंस जो है मुकम्मल तौर पर बच्चे देर से मोबाइल निकालने की कोशिश करते, जब मैं जाता हूँ तो पेट को खुजाना शुरू कर देते हैं। मैंने गौर जब देखा तो उसने ऐसे ही किया। उसके बाद मोबाइल था, मैंने कहा तुम्हारे हाथ में क्या है, उसने कहा मैंने जेब में ऐसे मोबाइल रखा हुआ है, उसने मोबाइल जेब में रख दिया इसे। मजाक करता हूँ यार उन लोगों से। I do not think there is reason to fear. तो मैं किसे पूछ लूं कि हमने पिछला पैराग्राफ किस चीज के मुतालिक पढ़ा है, अनम। अच्छा अनम, मेरे का अनम साधन फोरन कह दिया जिनको अनम, फिर भी कहते नहीं सर मुझसे ना पूछ। मजा ऐसे है कि सारा का सारा पेपर रफल के बारे में आ गया, सारा का सारा। भाई जिसको माशरे का पता नहीं है, दुनिया का पता नहीं है, उसे ग्रेजुएशन होने का हक ही नहीं है। दुनिया का पता नहीं है अगर आपको, तो आपको ग्रेजुएट होने का हक ही नहीं है। ग्रेजुएट किस चीज है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिग्री ग्रेजुएशन है, सबसे बड़ी डिग्री। एमए मास्टर एमफिल पीएचडी ये सारी एडिशनल है, और सबसे बेहतरीन डिग्री भी आप हासिल करते हैं, आपको ये पता नहीं है कि ये दुनिया क्या है, मामला क्या है। रसल के जरिए हासिल करें, रसल को फॉलो ना करें, लेकिन उसके जरिए से दुनिया में देखें ना, छोटी बात ना किया करो, बड़ी सारी बड़ा सोचा करो, तुम छोटी बातें क्यों करती हो। अच्छा मैंने उसे कहा छोटी बातें सर, आप छोटी बातें कर, उसने बात को फॉलो नहीं किया, उसे कहते आप छोटी बातें कर। चलो मेरा बेटा आगे देखो, आई डू नॉट थिंक देयर इज रीजन टू फियर दैट सच अ राइन वंस एस्टेब्लिश, मैं नहीं सोचता डरने की जरूरत है कि एक बार ये हुकूमत कायम हो गई, कौन सी हुकूमत, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट वुड बी अनस्टेबल, तो फिर बाढ़ नहीं अनस्टेबल हो जाएगी। मैंने समझता कि एक बार ये बन गई तो बाद में ये अनस्टेबल हो जाएगी, टूट फूट का शिकार हो जाएगी। द चीफ कॉज ऑफ लॉस्ट स्केल बैलेंस आर, द चीफ कॉज ऑफ लॉस्ट स्केल बैलेंस आर
और बड़ी बड़ी वजूहत जो वायरस की हैं, जुल्म की हैं, वो ये है कि लव ऑफ पावर, ताकत की मोहब्बत, ये लड़ाई की बड़ी बड़ी वजूहत है। कंपटीशन, मुकाबला, हेट, नफरत एंड फेयर और खौफ, एक दूसरे से खौफ। लव ऑफ पावर विल हैव नो नेशनल आउटलेट। और ताकत से मोहब्बत, उसकी कोई भी नेशनल आउटलेट नहीं है, कौमी जवाब नहीं है उसका। When all serious military forces is concentrated, जब तमाम तर दुनिया की फौजी ताकत को इकट्ठा कर लिया जाएगा इन द इंटरनेशनल आर्मी, इंटरनेशनल आर्मी में। अब लोग कहते कि नहीं हमारी नेशन की हुकूमत होनी चाहिए, दूसरा कहते नहीं हमारी नेशन ज्यादा मजबूत है, ये हुकूमत करे। जब तमाम मुल्कों की ताकतें इकट्ठी होगी, असला इकट्ठा हो गया, आर्मी इकट्ठी हो गई, तो फिर सारी एक ही है ना, फिर नेशन वाइशन कुछ नहीं है, फिर बस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है, वो उसी के सारे फॉलोअर हैं। कंपटीशन विल बी इफेक्टिवली रेगुलेटेड बाय लॉ, और मुकाबला जो है विल बी इफेक्टिवली रेगुलेटेड बाय लॉ, और मुकाबला कानून के साथ कराया जाएगा एंड मिटिगेटेड, और फिर तरतीब दिया जाएगा बाय गवर्नमेंटल कंट्रोल्स, यानी कि गवर्नमेंट तमाम चीजों को कंट्रोल में रखेगी, कानून को भी और तमाम तर गवर्नमेंट के मामलों को भी। फेयर इन द एक्यूट फॉर्म इन विच वी नो इट, एक्यूट का मतलब तेज, तेज धार खौफ, वो जो तेज धार खौफ है जिसे हम जानते हैं, विल डिसअपीयर, वो खत्म हो जाएगा व्हेन वॉर इज नो लॉन्गर टू बी एक्सपेक्टेड, जब मजीद जंगें होंगी नहीं, जब जंगें ही नहीं होंगी तो खौफ वैसे ही खत्म हो जाएगा। देयर रिमेन्स हेट, अगर नफरत की बात करते हैं, मेल वायलेंस और बद अंदेशी की, बुरे फ्यूचर की, अगर आप कोई बुरे फ्यूचर का या नफरत का कोई अंदाजा जहन में कोई बात है, दिस हैज अ डीप होल्ड ऑन ह्यूमन नेचर, भाई ये तो फिर इंसानी सैकी का मसला है, इंसानी फितरत का मसला है। वी ऑल बिलीव, हम सारे यकीन रखते हैं, एट वॉन्स एनी गॉसिप दिस क्रेडिबल क्रेडिबल, हम ये यकीन रखते हैं कि कोई भी गपशप डिसक्रेडिबल है टू अवर नेबर्स, कोई भी गपशप जो हमारे हमसायों के लिए बाय से बदनामी हो, हाउएवर स्लेंडर द एविडेंस मे बी, चाहे स्लेंडर चाहे कितने भी अच्छे एविडेंस क्यों ना हो, हम ये यकीन रखते हैं कोई भी गपशप हमारे हमसायों के लिए बाय से बदनामी हो सकेगी, ताहम हमारे पास एविडेंस जो है बहुत अच्छे क्यों ना हो। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैनी पीपल हेटेड जर्मनी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे लोग जर्मनी से नफरत करने लगे, सो मच दैट इतनी ज्यादा दे कुड नॉट बिलीव इन इंजरी थेमसेल्फ एज अ नेसेसरी रिजल्ट ऑफ एस्टीम फेल्ड टू जर्मन्स, और वो इस चीज को भूल गए कि उनके जख्म जो है वो जर्मन से नफरत का ही नतीजा है। भाई वो ये कहना चाहता है जब आप जर्मन से नफरत करेंगे क्योंकि उन्होंने आपके साथ बुरा किया, तो आपकी नफरत की वजह से ही तो उसने दोबारा आपको मारा है। नफरत ना फैलाए, कोई बुरा है तो उससे नफरत नहीं करनी, उसको सुधारना है, बेहतर करना है, भलाई करनी है उसके साथ, अदरवाइज आप उसे नफरत इसलिए कर रहे थे कि कहीं वो आपको नुकसान ना दे, तो नफरत बढ़ाएंगे तो नुकसान तो कर ही देगा आपका, फायदा भी आपका नफरत करने का। Once seized in Congress, a widespread reluctance to admit that self-preservation requires help to Western Europe. America wished to stand without buying. America चाहता है, मैं लाइन्स को छोड़ दिए। America wished to sell without buying. America चाहता है कि वो लोगों से चीजें खरीदे ना, बेचे जरूर। But finds that this often involves giving rather than selling. The benefit to the recipients is felt by many to be almost unendurable. Right in lines में कहता है, अमेरिका चाहता है कि वो चीज़ बेचे सही, खरीदे ना, बेचने में फायदा है, खरीदने में नुकसान होता है मुल्क को, ये इकोनॉमिक्स जानते हैं, तो कहते हैं ऐसा नहीं,
अमेरिका को सोचना चाहिए कि तमाम मालिक को उतना ही फायदे का हक है जितना उसको है, और तमाम मालिक से वो चीजें खरीदे भी सही, बेचे भी सही, और तमाम मालिक ऐसा करें। इस वाइड डिसीजन ऑफ मेल बैलेंस बद अंदेशी का ये जो पहलू अगर बढ़ता गया, मेल बैलेंस बद अंदेशी, फ्यूचर के बारे में बुरा ख्याल रखना, डिसीजन फैलाओ, इज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग्स इन ह्यूमन नेचर। ये इंसानी फितरत का सबसे बुरा पहलू है, एंड इट मस्ट बी लेसन्ड इफ आवर वर्ल्ड स्टेट इज टू बी स्टेबल। अब इंसानी फितरत का ये पहलू है कि वो अजनबी पर यकीन नहीं रखता, वो अजनबी पर ट्रस्ट नहीं करता। अगर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन गई तो फिर अजनबी कोई नहीं रहेगा। आई एम पर्सुएडेड दैट, मैं सोचता हूँ कि इट कैन बी लेसन, कि कम किया जा सकता है, एंड वेरी क्विकली, और बहुत तेजी से इस चीज को कम किया जा सकता है। इफ पीस बिकम्स सिक्योर, देयर वी विल बी अ वेरी रैपिड इंक्रीज ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। अगर पीस सिक्योर कर लिया जाए, अमन कायम कर लिया जाए, तो यहाँ पर तेजी के साथ बढ़ेगी क्या मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, माजी खुशहाली बढ़ेगी। आप तमाम लोगों का मूड, दुनिया का तमाम लोगों का मूड इस माजी खुशहाली की तरफ है, रियलिस्टिक हो रहे हैं हम लोग। एंड दिस टेंस मोर देन एनीथिंग एल्स, और इससे बढ़ेगी टू प्रोवाइड अ मूड ऑफ काइंडली फीलिंग, इससे काइंडली फीलिंग बढ़ेंगी। तेरी बात है, अगर आप अपनी माँ को रोजाना जाकर सिर्फ बातों से बताते हैं कि अम्मा जी परियां होती हैं, अम्मा जी खेल होते हैं, अम्मा जी बड़े शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो इससे बेहतर अम्मा जी इस चीज से शायद खुश हो जाए कि आप अम्मा को गाड़ी बड़ी सारी में बिठा कर आप उसे कहें कि मामा ये ड्राइवर है आपका, आप घूमे फिरे, इंजॉय करें। फिजिकल अगर आपका पैसा है, माँ की खुशहाली है, तो अम्मा उससे ज्यादा खुश होगी, ज्यादा उसकी जिंदगी बढ़ जाएगी। ठीक है, कंसीडर द इमेंस डिमिनिशन ऑफ क्रुएल्टी इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज, और सोचें कि जुल्म जो है बर्तानिया के अंदर विक्टोरियन एज में कम हो गया। विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया कल किस पीरियड में आई थी, 18th सेंचुरी में आई है, तो 19th में। अच्छा बताएं, हाँ ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड उस पीरियड का रिप्रेजेंटेटिव। This was mainly due to rapidly increased wealth in all classes. कहता है विक्टोरियन पीरियड में हमदर्दी बहुत बढ़ गई है, वाह वाह वाह, ठीक है, काइंडनेस बहुत बढ़ गई है, क्यों? अच्छा मैंने कहा क्यों, कहते क्यों, ये भी अच्छा जवाब है, जदीद बच्चे हैं, जदीद सवाल है और जदीद जवाब है, बजाय इसके कि बच्चे सरवाज आप कहें कि सर पता नहीं डर जाए, हम पूछते हैं कि क्यों, तो आगे कहते हैं क्यों, कि आप बताएं क्यों। ओके, विक्टोरियन एज के अंदर हमदर्दी क्यों बढ़ी है, क्योंकि मादी खुशहाली बढ़ी है। एक बात तय है, आपने बार बार सुनी होगी, और गरीब के तमाम बच्चों को, गरीबों के तमाम बाप ये मॉरल सिखाते हैं। क्या मॉरल सिखाते हैं, गरीब के बच्चों को ये मॉरल सिखाया जाता है कि अमीर बड़े बुजदिल होते हैं, ये मॉरल सिखाया जाता है। कभी भी गरीब के बच्चों को ये नहीं सिखाते कि अमीर बड़े शरीफ होते हैं, लड़ते नहीं है, जिंदगी से प्यार करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, कहते नहीं बड़े बुजदिल होते हैं, डरपूक होते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, तो पैसा जब आता है तो आपके पास क्यों ना आ जाए, पैसा नहीं है तो आप मरने के लिए तैयार होंगे, आपको हमदर्दी भी नहीं होगी, आप लड़ेंगे तो उसे छीनेंगे अपना हक, चीज छीनेंगे। पैसा बहुत ज्यादा तो आपके अंदर हमदर्दी आ जाएंगे, आप अपनी हर कॉपरेशन करें, वेलफेयर के काम करें, कोई आपको अपनी जिंदगी से भी प्यार हो जाएगा, आप यार इतनी मुश्किल से मेरा 2 करोड़ रुपए का बॉन्ड लगाया, मैं मर जाऊं, कोई अक्ल निकल करो। ठीक है, अमीर आदमी को आप कहें कि आओ जी आर्मी के, आर्मी में भर्ती हो जाए, लड़ो, वो कहे मैं नहीं लड़ता, आप आर्मी में कोई बड़ी पोस्ट है मुझे तो, ठीक है, वो नहीं जाएगा, ना ही वो मदद के लिए लड़ेगा, उसको जिंदगी से प्यार हो जाता है, वो कहते पैसा है ना, बाजार जिंदगी में नहीं आया, गरीब आदमी बेचारा क्या करे,
तो विक्टोरियन एज में जब मटेरियल बेनिफिट हुआ है, मटेरियल क्या मटेरियल, हाँ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आई है, तो क्या हुआ ये लोग काहिर भी हो गए। आई थिंक वी मे कॉन्फिडेंटली एक्सपेक्ट अ सिमिलर इफेक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। मेरे ख्याल में हमें पूरे अज़म के साथ तवक्को करनी चाहिए ऐसे ही इफेक्ट की, असर की पूरी दुनिया में, ओविंग टू द इंक्रीज वेल्थ, दौलत को बढ़ाकर, दैट विल रिजल्ट फ्रॉम द एलिमिनेशन ऑफ वार। अगर पूरी दौलत, पूरी दुनिया में दौलत का इजाफा हो जाए, दौलत बढ़ जाए पूरी दुनिया में, तो फिर क्या होगा, जंगे नहीं होंगी, हर कौम को अपने आप से मोहब्बत हो जाएगी। अ ग्रेट डील ऑल्सो इज टू बी होप फ्रॉम अ चेंज इन प्रोपेगेंडा, और बहुत कुछ हो सकता है, उम्मीद किया जा सकता है प्रोपेगेंडा तब्दील करने से। प्रोपेगेंडा कहते हैं ऐसी बात जो बेहतरी के लिए फैलाई जाए, हो झूठ लेकिन बेहतरी के लिए फैलाई जाए। जैसे कि सपोज हम 71 में अगर जंग हार भी रहे हैं तो हमने प्रोपेगेंडा करे हम जंग जीत रहे हैं, तो कौम के अंदर और जोश आ जाता है ना, कौम और लड़ती है, ठीक है। और कौम कौन होती है, गरीब होती है, सही गरीब कौम होती है, लड़ती है। नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा, मेरे भाई आर्मी में चले गए, मैंने उनको बताया क्या कहा, जब उनकी ड्यूटी लग गई उन्होंने कहा जंग होने वाली है, मैं कहा मेरे भाई आर्मी में जाओ काम करो, जिस दिन जंग लगे आपको बंदूक दे दो, वो गन सारे घर को आ जाना लेकर, घर में तुम्हें लेने के लिए तो बंदूक की सिद्धि करे ना। मैं तुम वापस आ जाना, क्यों हम क्यों मरे, किसके लिए मरे, बदमाशों चकों के लिए, लड़ाई हुक्मरान करे दूसरे हुक्मरान के साथ, मरे मेरा भाई क्यों, आपको भी होना चाहिए, होना चाहिए। कौन कौन चाहता है कि उसके भाई की आंख से बाहर आ जाए, दिल में सुराख हो जाए तीन गोलियों से, भेजे के अंदर उसकी गोली घुस जाए, कौन चाहता है, कोई भी आपसे बांधने निकलना चाहता भाई की, नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा। और फिर जो ये कौमी प्रोपेगेंडा होता है, ये कौम बड़ी मजबूत है, हम बड़े आला तबीयत के लोग हैं, आला नस्ल के लोग हैं, इन एनी वायलेंट फॉर्म किसी भी तशद्दुद की हालत में विल हैव टू बी इलीगल, ये गलत है, इलीगल है। कोई सी कौम को ये जरूरत नहीं है कहने की, अमेरिका को ये जरूरत नहीं है कहने की हम सबसे आला है, कोई आला नहीं है, वो इक्वल, बांग्लादेशी और अमेरिकन बोथ आर इक्वल, कोई आला नहीं है। ये अगर जो कहेगा हमारी कौम आला है तो इलीगल बात है, गलत बात है ये। एंड चिल्ड्रन इन स्कूल्स विल नॉट बी टॉट टू हेट, और बच्चे जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं उनको नफरत नहीं सिखानी चाहिए, उनको ये नहीं सिखाना चाहिए कि हाँ जी गांधी बहुत अच्छा एक पॉलिटिशियन था, अमन पसंद था, और जो कैद था वो बहुत गंदा था, ये नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि ये पढ़ाना चाहिए कि कैदम भी अपने एंगल से ठीक देखते थे, गांधी साहब भी उसका सलूशन अच्छा चाहते थे, और इसी तरह मार्टिन लूथर किंग भी बहुत अच्छा एक लीडर आया था। सारे हीरो को अच्छे से पढ़ाए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू बता दें उनके, नफरत पैदा ना करें दूसरे के हीरोज के बारे में, दूसरी कौमों के खिलाफ ना करें लोगों को, ताकि अमन क्या है, ये नहीं कर सकते। कहने का मतलब है इंटरनेशनल सिलेबस होने चाहिए, सिलेबस होने चाहिए, इंटरनेशनल सिलेबस, सिलेबस वक्त में पढ़ाता हूँ रात को लिंग्विस्टिक, उसमें सिलेबस होता है, और रात वाले ना फिर टाइम हो रहा है। In any violent form, अच्छा जी, and despise foreign nations, और दूसरी कौमों के खिलाफ नफरत नहीं फैलानी चाहिए। Active instruction in the evil of the old times, और active instructions in the evils of the old times, पुराने दौर की जो evils थी उनके बारे में जो ख्यालात हैं, एंड एडवांटेज ऑफ द न्यू सिस्टम, और नए जो सिस्टम है उसके जो फायदे हैं
वो डू द रेस्ट, वो बाकी का काम कर देंगे। यानी कि पुराने दौर की भी अच्छी बातें कुछ होनी चाहिए, लेकिन नए दौर के तकाजे और नए दौर की जो चीजें हैं वो बाकी रही सही कसर पूरी कर दी, बेहतरी हो जाएगी दुनिया में। आई एम कन्विंस्ड दैट मैं कायल हूँ कि ओनली अ फ्यू साइकोपैथ्स, चंद एक नफसियाती मरीज वुड विश टू रिटर्न टू द डेली ड्रग ऑफ रेडियोएक्टिव, चंद एक नफसियाती मरीज ही होंगे जो वापस जाना चाहेंगे उसी तापकारी के खौफ के अंदर। दिस इंटीग्रेशन, वो वही चंद एक जो जहनी मरीज होंगे वो भारत का भाई की तरफ जाना चाहेंगे। यानी कि अगर अभी भी आप सोचते हैं कि जंगे होना लाजमी है तो फिर आप जहनी मरीज हो। आप जंगे कौन कौन करना चाहता है कुछ जंगी बच्चा? अच्छा वैसे हमें पता नहीं चला, हमने आज आर्मी के खिलाफ बहुत कुछ बोला है लगता है, और नाज़िम जो है ना ये आर्मी का अपना मेजर है और हमारे लिए मेजर है, तो वो सुन रहा है हमारी बात सारे के सारे, और वो कहते हैं मैं जंगल। वैसे मैं कहता हूँ जमीन अपने मुल्क के लिए जो लड़ते हैं वैसे उनको भी सल्यूट है। हम कितने मैले कुचैले और गंदे लोग हैं, लेकिन फिर भी एक ड्यूटी समझ कर हमारी प्रोटेक्शन करते हैं और लड़ जाते हैं दुश्मन के साथ, उनके जज्बों को सलाम भी है। हाँ निचले तबका, लेकिन फिर एक बात है, हम जितने मैले कुचैले हैं वो फिर भी अपना फर्ज समझते हैं, उनके अंदर ईमानदारी है, उनके अंदर ईमानदारी है कि नहीं जी फिर भी हमें ड्यूटी दी गई हम प्रोटेक्शन करेंगे कि जैसे भी इस बात को बाकी सही होगा। What changed in the boy? रास्ते में क्या चीज अब रुकावट है, क्या चीज हायल है? Not physical or technical obstacles, ना तो कोई physical और ना ही technical obstacles है, रुकावटें हैं, but only the evil passions in human mind, बस गंदे जहनों के अंदर ना गंदी बातें, गंदे लोग। क्या चीज है? कोई फिजिकल टेक्निकल रुकावट नहीं है, लेकिन क्या है? गंदे पैशन है इंसानों के जहनों के अंदर, सस्पेशन है, शक को शुबात है दूसरे लोगों के बारे में, शेयर है, खौफ है, लस्ट फॉर पावर है, और ताकत की हवस है, हटर्ड नफरत है, इनटॉलरेंस और बर्दाश्त ना करने वाले जज्बात हैं, ये है रुकावटें। आई विल नॉट डिनाई दैट दीज इवल पैशन आर मोस्ट डोमिनेंट इन द ईस्ट, आई विल नॉट डिनाई, मैं इनकार नहीं करता कि ये इवल पैशन जो हैं ये ज्यादा डोमिनेंट हैं इन द ईस्ट देन इन द वेस्ट। मगरब की नस्बत मशरक में ये बुराइयां ज्यादा पाई जाती हैं, यानी कि कैथोलिसिज्म की निस्बत कम्युनिज्म के अंदर ये सारी बुराइयां ज्यादा पाई जाती है। कौन कौन सी बुराइयां? सेकेंडली एग्जिस्ट इन द वेस्ट एज वेल, लेकिन मगरब में भी ये बीमारियां पाई जाती है। द ह्यूमन रेस कुड हियर एंड नाउ बिगन अ रैपिड अप्रोच टू द फर्स्टली बैड वर्ल्ड, चलिए वास्तली है हाँ जी वास्तली तो होता नहीं है, मैंने भी कहा पहली बार आ गया। तो इंसानी नस्ल कर सकती है यहाँ से और अभी शुरू एक तेज तरीन काम, एक वसी और बेहतर दुनिया के लिए, गिवन वन सिंगल कंडीशन, एक शर्त के साथ। तमाम लोग दुनिया को बेहतर कर सकते हैं एक शर्त के साथ, रिमूवल ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, कि मशरक और मगरब के दरमियान में ज़हनी बेएतमादी खत्म कर दी जाए। हम लोग यहाँ पर, आप लोग खुद सोचे, हमें ये सिखाया नहीं जाता, हम यहाँ पर बैठ के कहते नहीं है कि अंग्रेज बड़े गंदे होते हैं, हम यहाँ बैठ के कहते नहीं है कि हिंदुओं के जिस्म से बदबू आती है जैसे हमारी अम्मी ने नाक रखकर सूंघा हो। कोई अम्मी तुझे क्या पता बदबू आती है? अंग्रेजों से हिंदुओं की तरफ बू आती
ठीक है, वो कहते हैं कि हाँ ये पुलिस मलेच हैं, ये पुलिस हैं वो हमें कहते हैं, क्योंकि हाथ भी लग जाए तो सब चीजें खराब हो जाती हैं, और हम भी कहते हैं यहाँ बैठ के उनको बू आती है। वे इंसान है कम से कम, ये देखिए ये भाई कह रहे हैं, कह रहे हम लोग भी ऐसे करते हैं, यहाँ तक काम करने वाले के बर्तन अलग होते हैं, वैसे मुझे काम करने वालों की साइकिल समझ नहीं आती। एक तो उनके हाथ मुंह जिस्म जो है वो अजीब सा काला होता है, दूर से पता चलता है कि ये काम करने वाले। और तुम्हें खुदा पूछे तुम अगर रंगत तुम्हारी काली है इस तरह की, और तुम कुछ गोरों के साथ या फिर गोरों के साथ करो या कुछ नाइजीरिया के कालों के साथ कर लो, कुछ तब्दील तो करो कलर को थोड़ा सा। वो दूर से पता चलता है कि काम करने वाली है, काम करने वाले हैं, उनको भी नस्ल को थोड़ी सी तब्दील करना चाहिए। तो आई डू नॉट नाउ वट कैन बी डन टू फुलफिल दिस कमीशन, मैं नहीं जानता कि इस मामले को, इस शर्त को पूरा करने के लिए, यानी कि कौन सी शर्त, एक मादी वाले सिलसिले को खत्म करने के लिए मैं नहीं जानता कि हमें क्या करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द सजेशन दैट आई हैव सीन हैव स्ट्रक मी एज सिली, बहुत सारे ऑप्शन मैंने देखे हैं बेतमादी को खत्म करने के लिए, किन के दरमियान, ईस्ट और वेस्ट के दरमियान, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन देखे हैं, ज्यादातर ऑप्शन मुझे क्या नजर आए हैं, अच्छा उन्होंने ठीक है ईस्ट में, ज्यादातर ऑप्शन मुझे नजर आए हैं सिली लिखा हुआ है आगे, अहमकाना नजर आए हैं, पढ़ाया नहीं था ये। Meanwhile, the only thing to do is to prevent an exclusion. बस इस मामले में जो कुछ हम कर सकते हैं वो ये कि कम से कम धमाका ना हो, एक्सक्लूजन ना हो, एडम हम न गिरे। मैंने भी तड़पा तड़पा के खत्म करना है, आप भी कहते जल्दी से खत्म हो जाए। नहीं आज क्या विषय है, मैं भी कहूँ अंधेरा ज्यादा हो गया, मैं 1:30 बजे शिकार किया है और 6 बज गए, कितने घंटे हो गए, 5 आवर्स हो गए हैं, ठीक सब हो गए, ओके जी देखे। Meanwhile, the only thing to do is to prevent an explosion somewhere. और हम ये चाहते हैं somehow किस तरह से कोई एटम बम ना चले, and to hope that time may bring wisdom. और हम सोचते हैं, उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ साथ विजडम जहानत में इजाफा होगा। The near future must either be much better, आने वाला करीब का वक्त ज्यादा बेहतर होगा, और much worse than the past, या फिर हो सकता है आने वाला वक्त माजी से बहुत ही वर्स्ट बुरा करीब हो, which it is to be, जो ये हो सकता है, will be decided within the next 2 years, और ये डिसाइड हो जाएगा आने वाले चंद सालों में, क्या डिसाइड हो जाएगा, या तो फ्यूचर बहुत अच्छा होगा या फ्यूचर बहुत बुरा होगा। रसल तो मर गया है, रसल ने ये ऐसे लिखा है 1950 में, और रसल की डेथ हुई है 1973 में, 73 में हुई है 70 में, 70 में हुई है, तो रसल ने कहा है आने वाले दौर में उम्मीद है कि वक्त या बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा, तो अब आप ध्यान दें कि अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। और मैं आपसे कहूँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान को छोड़कर दुनिया में वक्त बहुत अच्छा आ गया है, बहुत ज्यादा खुशहाली आ गई है।